Yes, hello everyone. Very good morning. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल इज एवरीथिंग फाइन ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए जी हाँ सो स्वागत है आप सबका एक नई सीरीज में तो एज यू नाउ कि कल मैंने एक पॉलिंग करवाई थी इस चैनल पर एम स्टडी ग्रुप पर तो वहाँ पर मैंने तीन चीज़ें लिखी थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकनॉमिक्स मैथेमेटिकल एंड इकनॉमिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो Uh, उस पॉलिंग का रिजल्ट रहा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स के लिए रहा 53 थ्री परसेंट अप्रॉक्सीमेट जो है लर्नर्स ने कहा कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स जो हैं वो करना चाहते हैं ठीक है सो दैट्स वाई आपकी इस जवाब को मद्देनज़र आपके इन जवाबों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के जो मॉडल्स हैं वो स्टार्ट करवाने जा रही हूँ इस चैनल पर सो so फटाफट से एक बार लाइक like शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लर्नर्स जो हैं लाइव हो पाएँ और आज की क्लास में हम हैरिट डोमर मॉडल करेंगे और बता दूं कि ये मॉडल जो है ना आप कहीं से भी मॉडल पढ़ पढ़ लीजिए चार किताबों से पढ़ लीजिए कोई वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा अगर आपने उसको इस अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ा जिस तरह से एन वाले उसमें से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिस तरह से यू जी नेट इकनॉमिक्स में मॉडल्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको उस ढंग से उन मॉडल्स को पढ़ना है, है ना एक सिंपली किसी भी बुक से मॉडल पढ़ लेने से ये चीज़ सुफिशियंट नहीं हो जाती कि आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर ये मॉडल आएगा तो आप उस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे ठीक है आपको उसके लिए ये चीज़ चाहिए कि एनटीए वाले किस ढंग के क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन इस मॉडल से पूछ रहे हैं क्या वो पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको क्लियर हैं जिस पॉइंट्स से या जिस तरह से जिस तरह की थिंकिंग वो आपसे मांग रहे हैं इन क्वेश्चंस में है ना सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दैट्स वाई जो मैं आपको आज करवाऊंगी जो मॉडल्स की क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें पूरा यूजीसी नेट इक्नॉमिक्स पे फोकस होगा कि ये मॉडल्स आपको उसी ढंग से करवाऊंगी जिस ढंग के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ठीक है तो येस yes, फटाफट से लाइक शेयर एक बार कर दीजिए नए बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस के अपडेट्स के लिए उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अदरवाइज किसी क्लास की अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा सो लेट स्टार्ट एक चीज़ समझिएगा हैरिट डॉमर जो मॉडल है ना ये केन्जियन मॉडल की ही एक्सटेंशन है हम सब ने केन्जियन मॉडल पढ़ा है आप सबने पढ़ा है केन्स ने हमेशा शॉर्ट रन की बात की है केन्स ने कहा है इन लॉन्ग रन डेट तो केन्स हमेशा हमेशा शॉर्ट रन की बात करता है तो जो केन्स है इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि केन्स ने सप्लाई इफेक्ट को जो है वो कांस्टेंट माना है और केन्स हमेशा कहता है देर आर चेंजेस इन डिमांड कि डिमांड साइड में चेंजेस होंगी सप्लाई साइड जो है वो कांस्टेंट रहेगी ठीक है ना तो ये भी चीज हमने पढ़ी थी तो अब जो हैरेट डॉमर का मॉडल है ना इसने वो दो चीजों पर एक्सटेंशन की है कौन सी चीजें केन्स ने कहा शॉर्ट रन हैरिड डॉमर ने लॉन्ग रन की बात की केन्स ने कहा सिर्फ डिमांड साइड हैरिड डॉमर ने दोनों साइड्स कंसीडर की हैं डिमांड साइड भी और सप्लाई साइड भी फाइन यही कहानी अब यहाँ पे है हैरिड डॉमर ने जो केन्जन का एनालिसिस था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को उसको एक्सटेंड करके लॉन्ग रन प्रॉब्लम आ, पर हैरेडोमर उसको लेके गया क्योंकि केन्स ने सिर्फ शॉर्ट रन की बात की थी और दूसरी चीज हैरेड एंड डोमर ने डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड दोनों की बात की है जबकि केन्स ने सिर्फ डिमांड साइड की बात की थी और सप्लाई को कांस्टेंट रखा था हैरेडोमर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट्स देखे हैं एक डिमांड साइड वाला इफेक्ट और एक दूसरा सप्लाई साइड वाला इफेक्ट ठीक है समझे बात तो अब यहाँ पे एक डेफिनेशन सी पढ़िए थोड़ी सी हैरेट डोमर मॉडल की हैरेट डोमर मॉडल सीक टू डिटरमाइन दैट यूनिक रेट एट विच इन्वेस्टमेंट एंड इनकम मस्ट ग्रो कहता हैरेट डोमर ने अपने मॉडल में उस पर्टिकुलर यूनिक रेट को डिटरमाइन करने की कोशिश की है जिस रेट पर इन्वेस्टमेंट एंड इनकम्स ग्रो होने चाहिए जिस रेट पर इन्वेस्टमेंट एंड इनकम ग्रो होने चाहिए ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लॉन्ग पीरियड के लिए मेंटेन किया जा सके तो इसी को इसने स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ कहा है कि जिस रेट पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रो करने चाहिए कि इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का रेट लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो मेंटेन किया जा सके समझे बात अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए पहले इससे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं ये जो ड्यूअल इफेक्ट है इन्वेस्टमेंट का इसको समझिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हैरे डोमर ने इन्वेस्टमेंट के ड्यूअल इफेक्ट्स दिए हैं यानी कि एक डिमांड इफेक्ट एंड एक सप्लाई से इफेक्ट जो इनकम इफेक्ट है इसको आप डिमांड इफेक्ट बोलोगे और जो कैपेसिटी इफेक्ट है इसको आप सप्लाई इफेक्ट बोलोगे ठीक है फर्स्टली इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिज एग्रीगेट डिमांड जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगी ठीक है जब इन्वेस्ट देखिए ध्यान से अब डिमांड इफेक्ट समझिएगा जब इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होगी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी लोगों की डिमांड बढ़ेगी लोगों की डिमांड बढ़ेगी अगर लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इनकम बढ़ेगी इनकम क्यों बढ़ेगी भाई मान लीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूँ ठीक है मैं कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो अगर मेरे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो मेरी इनकम ही तो बढ़ेगी ना समझियोगी नहीं सो डिमांड बढ़ने से क्या देखिए ध्यान से आप चीज़ को समझिए मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में तो उस चीज़ की पर मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई उस चीज़ की डिमांड बढ़ी तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ने से मेरी इनकम बढ़ रही है बिकॉज मेरे प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ेगी तो मेरी इनकम बढ़ेगी दिस इज अ डिमांड साइड इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है तो दूसरी चीज़ उसने कही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ाती है यानी कि सप्लाई बढ़ाती है अगर प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो इकोनमी में सप्लाई बढ़ेगी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी बट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि केन्स जो था ना केन्स ने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ डिमांड इफेक्ट नोटिस किया था सप्लाई इफेक्ट उसने इग्नोर किया था हम अक्सर ही पढ़ते हैं केन्स के मॉडल में कि जो सप्लाई है वो स्टेबल है याद करो स्टेबल है और जो डिमांड है वो अनस्टेबल है पढ़ते हैं ना सो द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन हैरिड डोमर मॉडल एंड इससे पहले वाला केंजियन मॉडल फाइन बात समझ में आई आगे अब देखिए अब जो हैरिड एंड डोमर है दोनों ने कैपिटल एक्यूमोलेशन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है ठीक है किसको इंपॉर्टेंस दी है कैपिटल एक्यूमोलेशन को ठीक है पूंजी को यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी डबल रोल इन ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली अब ये देखिए वो कहता है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सिर्फ सप्लाई साइड की बात की थी के एनजियन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सिर्फ डिमांड साइड की बात की थी बट हैर डोमर जो है इसने सप्लाई साइड की भी बात की है और डिमांड साइड की भी बात की है ठीक है अच्छा इसके अलावा इसकी जम्पन्स देखिए जम्पन में सबसे पहली जम्शन फुल एम्प्लॉयमेंट कंसीडर किया गया नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यानी कि लेजिस फेयर एकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट दखल नहीं दे रही एक क्लोज है यानी कि कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा दूसरे कंट्रीज से एडजस्टमेंट में लैग्स नहीं है याद करिए कल मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली क्लास में हमने लैग्स का कंसेप्ट समझा था लैग्स का क्या मतलब होता है मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है डेल्टा ई ओवर डेल्टा आई लैग का मतलब है कि अगर इन्वेस्टमेंट मेरी 2006 हजार छ में लग, बढ़ रही है तो इनकम मेरी 2008 में बढ़ रही है यानी कि यहाँ पे टू पीरियड्स लैग आ गया समझाया था बट यहाँ पे इस मॉडल में किसी भी तरह के लैग कंसीडर नहीं किए गए यानी कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसी टाइम पर इनकम बढ़ जाती है देर इज नो लैग इन एडजस्टमेंट फाइन अगली assumption है कैपिटल इनकम एंड लेबर इनकम रेशियो कॉन्स्टेंट ठीक है कैपिटल इनकम एंड लेबर इनकम कैपिटल लगाकर जो इनकम मिल रही है लेबर लगा के जो इनकम मिल रही है रेशियोस कांस्टेंट है फैक्टर्स का सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा यानी कि मैं लेबर को कैपिटल के लिए और कैपिटल को लेबर के लिए सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती इसका कंसेप्ट मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझाया था जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ मैं लेबर हूँ और जो ये जो बोर्ड लगा है ये कैपिटल है कैपिटल है अगर मैं कहूँ कि मैं चली जाती हूँ आप सिर्फ बोर्ड के आश्रय पढ़ लो ऐसा नहीं हो सकता ना यानी कि सब्सटीट्यूशन नहीं है मेरी जगह पर अगर आप कहो कि एक और बोर्ड लगा दो तो आप पढ़ लोगे हो सकता है नहीं या मैं कहूँ बोर्ड हटा देती हूँ एक और लेबर यानी कि एक और टीचर ले आती हूँ तो हो सकेगा नहीं यानी कि देर इज नो सब्सटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल मैं लेबर की जगह पे कैपिटल ज्यादा नहीं लगा सकती और कैपिटल की जगह पे लेबर ज्यादा नहीं लगा सकती ठीक है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या मतलब है इसका जितना मैं इनपुट लगा रही हूं उतना मुझे आउटपुट मिल रहा है ठीक है, जितना मैं इनपुट लगा रही हूं उतना मुझे आउटपुट मिल रहा है अब ध्यान से ना ये हेरेड डॉमर के मॉडल में दो तरह के जो ग्रोथ रेट्स आते हैं वरंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए जो वरंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है ये वो रेट होता है जिस पर इंटरप्रीनियर पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं जो इनोवेटर इनोवेशन करने वाले होते हैं जो इंटरप्रीनियर्स होते हैं वो अपने आप को पूरी तरह सेटिस्फाइड फील करते हैं उनको ऐसा लगता है कि जिस पॉइंट पर हम हैं ये एकदम सही अमाउंट है ना ही हमको इससे ज़्यादा चाहिए ना ही हमको इससे कम चाहिए ठीक है वो पूरी तरह से सेटिसफाइड होते हैं उस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट पर और इसीलिए इस ग्रोथ रेट को वो हमेशा के लिए मेनटेन रखना चाहते हैं ठीक है, वरंटेड रेट ऑफ ग्रोथ को इसलिए इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है क्यों क्योंकि इस पर प्रोड्यूसर्स सेटिस्फाई होते हैं और इस रेट ऑफ ग्रोथ को वो मेंटेन रखना चाहते हैं ठीक है दूसरा होता है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ अब हैरिड कहता है कि जो एक्सपेंशन है ना वो एक लिमिट तक हो सकती है मतलब अगर कहीं की ग्रोथ होती जाए होती जाए ऐसा नहीं एक लिमिट होती है ग्रोथ की भी तो जो वो ग्रोथ की लिमिट है ना उसको नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है ठीक है हमारे कंट्री में जो लेबर की अवेलेबिलिटी है जो नेचुरल रिसोर्सिस की अवेलेबिलिटी है वो चीज़ हमारी ग्रोथ पे एक लिमिट पुट करते हैं कि हमारे कंट्री में अगर इतना लेबर है इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इतनी ही ग्रोथ हो सकती है इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती तो नेचुरल ग्रोथ रेट बेसिकली वो ग्रोथ रेट है जिसको जो डिटरमाइन होती है हमारे कंट्री की पॉपुलेशन या रिसोर्सेज से ठीक है कि पॉपुलेशन एंड रिसोर्सिस को मद्देनजर रखते हुए हम इतनी ही ग्रोथ हासिल कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं वो जो लिमिट है ग्रोथ पर जो लग जाती है हमारे कंट्री के रिसोर्सिस के कारण देट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट ठीक है कहता है ये जरूरी तो नहीं है कि वरंटेड रेट ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम अटेनेबल ग्रोथ रेट है यानी कि ये जरूरी तो नहीं है जो ज्यादा से ज्यादा हम अटेन कर सकते हैं वो वरंटेड ग्रोथ रेट है नहीं ठीक है वरंटेड ग्रोथ रेट से हम ज्यादा भी अटेन कर सकते हैं

यू कैन से ये हाइएस्ट अटेनेबल ग्रोथ रेट है मतलब जितनी ग्रोथ एक कंट्री अटेन कर सकता है अपने रिसोर्सिस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने पर आप इसे सीलिंग रेट ऑफ ग्रोथ भी बोल सकते हैं यानी कि हाइएस्ट ग्रोथ रेट फाइन सो ये दोनों का मतलब मैंने आपको समझाया अब आप थोड़े से इसके ये फार्मूले देखिए एक्चुअल ग्रोथ रेट का फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू एस ओवर सी एस का मतलब है सेविंग सी का मतलब है कैपिटल इसी तरह ग्रोथ रेट का फार्मूला होता है यू कैन राइट इट एस जी मतलब फिर से सेविंग है CR का मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल है ठीक है तो ये दो फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं इनको याद रख लीजिएगा वेरी इजी टू रिमेंबर वेरी इजी टू रिमेंबर ये मैंने आपको डेफिनेशन तीनों की समझा दी अब नाइफ है जी इक्वलिब्रियम क्या होता है चाकू की नोक पे बना हुआ इक्विलिब्रियम थोड़ा सा मेरा चाकू जो है वो ऊपर गया तो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसलिए उसे बोलते हैं चाकू की नोक पे बना हुआ इक्विलिब्रियम ठीक है सो so, इक्विलिब्रियम है जी इज इक्वल टू मतलब जब तीनों रेट्स मेरे इक्वल होते हैं एक्चुअल वॉन्टेड एंड नेचुरल उसको हम नाइफ एज इक्विलिब्रियम बोलते हैं नाइफ एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका तबाह होना पक्का है यानी कि उसमें डेविएशंस आएंगी आएंगी चाकू की नोक पे बना हुआ है तो डेविएशंस आएंगी आएंगी तो अब ये डेविएशंस का फंडा थोड़ा सा यहाँ पे समझिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है केस वन कहता है कि जब व्रंटेड ग्रोथ रेट जो है वो एक्चुअल ग्रोथ से बढ़ जाती है एक चीज ध्यान से समझिएगा जब भी वरंटेड ग्रोथ रेट बढ़ती है ना चाहे व्रंटेड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ से बढ़े चाहे वर्ंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ से बढ़े याद रखिएगा जब भी वर्ंटेड ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो इकोनॉमी में आएगा डिप्रेशन डिप्रेशन ठीक है और जब भी वरटिड ग्रोथ रेट कम होगी चाहे वो एक्चुअल से कम हो चाहे वो नेचुरल से कम हो जस्ट जब भी व्रंटेड ग्रोथ रेट कम होगी ठीक है तो उससे कंट्री में आएगा इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल मैनर अब एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है हम सब ने देखा हम सब ने देखा कि जो हमारा फार्मूला था ये वाला यानी कि हमारा वरंटिड ग्रोथ एंड रिक्वायर्ड कैपिटल एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है यानी कि अगर मेरी वरंटिड ग्रोथ बढ़ेगी तो मेरा रिक्वायर्ड कैपिटल कम होगा ऐसा ही होगा ना तो अगर यहां पे मैं बता रही हूँ मेरी वरंटेड ग्रोथ रेट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि रिक्वायर्ड कैपिटल एक्चुअल कैपिटल से कम है क्योंकि दे आर इनवर्सली रिलेटेड ठीक है इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरी वरंटेड ग्रोथ रेट कम है तो इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड कैपिटल एक्चुअल कैपिटल से ज्यादा है फाइन यहाँ तक ये यह चीजें समझ में आई ठीक है और ये चीज़ मैंने समझा दी आपको तो यहाँ तक आपका जो हैरेड का मॉडल है वो ख़त्म होता है जिसकी कोई चीज़ छूट गई है जो बाद में क्लास में आया है एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा सब समझ में आ जाएगा फिर हम बात करते हैं डोमर मॉडल की तो डोमर मॉडल जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इन दोनों ने दोनों साइड्स की बात की है डिमांड साइड की भी और सप्लाई साइड की भी तो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये इक्वेशंस याद रखनी है डोमर की डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड वाली नेट के एग्जाम के लिए तो ये जो डिमांड साइड की इक्वेशन है इज इक्वल टू ओवर इसे आप लिख सकते हैं आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एंड एल्फा का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो मतलब हैरिड के मॉडल में एस का था ना एस का सेविंग या एम पी एस वो मतलब डोमर के मॉडल में एल्फा का है ठीक है और सप्लाई साइड की इक्वेशन वाई एस इक्वल टू याद रख लो ओके okay. ओ का मतलब लिख लो प्रोडक्टिविटी ओ भी लिख सकते हो या इसको सिग्मा कंसीडर कर सकते हो ऐसा सिग्मा ठीक है तो इस सिग्मा या ओ का मतलब क्या है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड के का मतलब क्या है रियल कैपिटल तो ये दो इक्वेशंस आपको इसी तरह से याद रखनी है ठीक है ये दो इक्वेश आपको इसी तरह से याद रखनी है अब देखिए जैसे कि हमने हेरिड डोमर के मॉडल हैरिड के मॉडल में नाइफ एजिकुलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ा था ना इसी तरह से डोमर के मॉडल में भी इकोलिब्रियम का कंसेप्ट है ठीक है जैसे हमने हेरिड के मॉडल में पढ़ा था वैसे इस मॉडल में भी इकोलिब्रियम का कंसेप्ट है इस मॉडल में जो इक्वलिब्रियम है उसको हम रेजर एजिकोलिब्रियम के नाम से जानते हैं उसमें हमने नाइफ एज कोलिब्रियम पढ़ा था रेजर नाइफ वही है रेजर भी तीखा होता है नाइफ की तरह मतलब मतलब दोनों का सेम ही है जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए हैरिड के इक्वलिब्रियम को डोमर के इक्वलिब्रियम से उन्होंने हैरिड के इक्ब्रियम को नाइफ एज बोल दिया और डोमर के इक्वलिब्रियम को रेजर एज बोल दिया ठीक है तो अब ये क्या है देखिए हम क्या करेंगे मैंने दो साइड्स ली डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड फाइन मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा वाई डी ओवर डेल्टा वाई एस इसका मतलब चेंज है डेल्टा का मतलब क्या है चेंज अब वाई डी क्या था मेरा दैट इज डेल्टा आई ओवर एल्फा यही था और वाई एस क्या था मेरा डेल्टा मैंने अपनी तरफ से लगाया दोनों साइड्स पर सिग्मा के ठीक है अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा आई ओवर एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा के सिग्मा आप सबको पता है कि चेंज इन कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है मतलब डेल्टा के का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है तो मैं डेल्टा के की जगह पर आई लिख सकती हूँ आई लिख सकती हूँ ठीक है अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से इस वाले आई को इसके ओवर में लेके आ सकती हूँ एंड इस वाले अल्फा को इसके मल्टीप्लाई में लेके आ सकती हूँ तो दिस इज माई इक्वेशन ये मेरी इक्वेशन जो बनती है ना क्वेशन दिस इज द इक्वेशन इन डोमर मॉडल विच डिटरमाइन इक्वलिब्रियम यह वाली इक्वेशन जो है यह मेरा इक्वलिब्रियम डिटरमाइन करती है Fine, समझ में आ गया आई थिंक ठीक है तो अब रेजर एज रेज है इसमें भी डेवियेशन पॉसिबल है जैसे नाइफ एजिकुलिप्रियम में डेवियशन पॉसिबल थी वैसे रेजर एजिकुलिब्रियम रेज में भी डेवियशन पॉसिबल है ठीक है तो इसमें डेविएशंस कैसे पॉसिबल हैं अगर मेरा चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बर सप्लाई यही है ना सिग्मा का मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एल्फा का मतलब एम अगर मेरी ये चीज इस चीज से ग्रेटर हो जाती है याद रखिएगा दिस इज योर डिमांड साइड एंड दिस इज योर सप्लाई साइड अगर ये चीज डिमांड साइड मेरी सप्लाई साइड से ज्यादा हो जाती है तो इकॉनमी में क्या आएगा इन्फ्लेशन आएगा ठीक है और अगर मेरी डिमांड साइड इस सप्लाई साइड से कम होती है तो एकमी में क्या आएगा डिप्रेशन आएगा दिस इज बेसिकली द डोमर मॉडल ठीक है दिस इज बेसिकली डोमर मॉडल बताइए एक बार थम्सअप अप देके सब कुछ क्लियर हो गया अब हम जस्ट इसका कंपैरिजन करेंगे मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज देखेंगे तो आज की क्लास में सिर्फ हम हैरे डोमर मॉडल ही करेंगे सोलो का यानी कि एक्सीजनस ग्रोथ मॉडल एंड इंडिगनस ग्रोथ मॉडल वो हम कल की क्लास में करेंगे फाइन दे दिया करो थम्स अप में कंजूसी मत दिखाया करो जी तो देखिए हैरिड एंड डोमर दोनों के मॉडल में सिमिलैरिटीज क्या थी दोनों की एजम्पन्स सिमिलर थी मैंने आपको अलग अलग एजम्पन्स नहीं ना पढ़ाई एक ही एजम्पन्स पढ़ाई दोनों की ठीक है दूसरा दोनों में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का रोल है ठीक है दोनों ही मॉडल्स में हमने हेरिड के मॉडल में सेविंग को एस से रिप्रेजेंट किया था डोमर के मॉडल में सेविंग को हमने रिप्रेजेंट किया था एल्फा से है ना मतलब दोनों के मॉडल में ही सेविंग इन्वेस्टमेंट की कंडीशन जो है वो दी गई है, है ना दोनों ने ये जम्शन ही है दोनों ने कैपिटल आउटपुट लेबर आउटपुट रेशियो फिक्स एज्यूम किया है और दोनों में इक्विलिब्रियम नेसेसरी है ठीक है अब डिसिमिलैरिटीज क्या हैं ध्यान से पढ़िएगा ये पहले नीचे वाली पढ़ो थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए पहले समझा रही हूँ हैरिड ने इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का कंसेप्ट यूज किया है देखिए कैपिटल आउटपुट का मतलब ये है ठीक है और जो डोमर है उसने अपने मॉडल में आउटपुट ओवर कैपिटल का कंसेप्ट यूज किया बड़ा ध्यान से समझने वाला पॉइंट है हैरिड ने अपने मॉडल में ये कंसेप्ट यूज किया दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो और डोमर ने अपने मॉडल में आउटपुट कैपिटल का कंसेप्ट यूज किया और साफ साफ नजर आ रहा है दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से ऑपोजिट है ठीक है कैपिटल आउटपुट में क्या है यानी कि कितने कैपिटल पर मुझे कितना आउटपुट अगर मैं कहूं कि कैपिटल मैंने दो यूनिट यूज किया और आउटपुट मुझे मिल रहा है एक यूनिट ठीक है तो मेरी कैपिटल आउटपुट रेशियो हो जाएगी टू और अगर मैं कह रही सेम चीज़ यहाँ पे कर रही हूँ रिप्रेजेंट कैपिटल मैंने दो यूनिट यूज़ किया आउटपुट मुझे मिल रहा है वन यूनिट ठीक है तो मेरी आउटपुट कैपिटल रेशियो यहाँ पे हो गई वन बाई टू यानी कि आप समझ सकते हो ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है है ना तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि जो हैरिड है उसने अपने मॉडल में कैपिटल आउटपुट रेशियो का कंसेप्ट यूज़ किया जो डोमर है उसने अपने मॉडल में आउटपुट ओवर कैपिटल रेशियो का कंसेप्ट यूज़ किया ठीक है और डोमर का मॉडल मल्टीप्लायर के प्रिंसिपल के बेस पे है मल्टीप्लायर क्या है इन्वेस्टमेंट बढ़ने से मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रहा है इनकम में ठीक है एंड जो हैड का मॉडल है उसमें एसेलरेशन का प्रिंसिपल यूज हुआ है यानी के इनकम में चेंज होने से मल्टीपल टाइम्स चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट में फाइन सो दीज आर द डिफ्रेंसिस तो ये बेसिकली मैंने आपको हैरेड डॉम्बर मॉडल का मॉडल करवाया है अब इस मॉडल को आपने पढ़ लिया आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि यू जी सी नेट एक्नॉमिक्स के एग्जाम में अगर आपको हैरेड डॉम्बर मॉडल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब बिल्कुल सही दे पाते हैं और ये मेरा तीन साल का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं लास्ट टाइम इस बार जो आपको हैरेडोमर का क्वेश्चन आया था वो भी यहीं से आया था जो मैंने करवाया इससे पहले जो आया था वो भी इसी में से आया था तीन साल से मैंने देखा है मॉडल्स में से वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने आपको प्लस क्लासेज में करवाए हैं और आज वही मॉडल्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवा रही हूँ ठीक है तो कल की क्लास में मिलते हैं इस क्लास को यहीं खत्म करूंगी हाँ मेरे साथ प्लस पे जुड़ना चाहते हैं मेरा पूरा कोर्स चाहते हैं तो अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स के रिलेटेड कैसे आपको बाय करना है कहाँ से बाय करना है सिमर टेन मेरा कोड है अन अकेडमी की किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन पर यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और सभी फ्री क्लासेस के अपडेट्स के लिए. And, uh, thing, मेरी ऐप पर प्रीवियस ईयर की फ्री क्लास होती है ज्वाइन तो कर सकते हैं और मेरी यूजीसी नेट इक्नॉमिक्स की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगर सेशन अच्छा लगा है, तो लाइक like, शेयर जरूर कीजिएगा मैंने कल की क्लास में भी एक बात की, कही थी आपको ये सेशंस मैं उसी केस में कंटिन्यू करूंगी अगर आज के दिन के अंदर अंदर मुझे इस वीडियो पर हजार व्यूज नजर आ जाएंगे ठीक है अगर मुझे सेटिसफेक्ट्री व्यूज नजर नहीं आए तो मैं इसको डिसकॉन्टिन्यू भी कर सकती हूँ बिकॉज मैं आपके लिए बना रही हूँ आपके लिए मेहनत कर रही हूं अगर आपसे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आई विल इंकरेज टू डू मोर एंड मोर अगर आपसे मुझे पुअर रिस्पॉन्स मिलेगा सो आई विल नॉट इंकरेज टू डू मोर एंड मोर है ना सो so, डायरेक्टली रिलेटेड इट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद यूर रिस्पॉन्स जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे वैसे ही मैं सेशंस कंटिन्यू करती जाऊंगी थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हो आप सब जी हाँ इज एवरी थिंग फाइन ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है एक बार फटाफट से लाइक like, शेयर कर दीजिए ताकि सभी ज्वाइन कर पाए नोटिफिकेशन आई थिंक सबको मिल चुका है सो पार्ट टू है आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स का आप सबकी डिमांड पे ये सेशंस जो है मैंने स्टार्ट किए हैं एज यू नाउ पॉलिंग करवा कर ये सेशन स्टार्ट किए गए हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स में कल हमने हेरेड एंड डोमर का मॉडल पढ़ा था होपफुली आपको वो समझ में आ गया होगा जो भी यू जी सी नेट टेक्नॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इंपॉर्टेंट था मैंने वो सब करवाया था तो जैसे कि मैंने आपको इस सीरीज़ के स्टार्ट में कहा था कि आप ये ग्रोथ मॉडल्स यहाँ से पढ़ लीजिए यू जी सी नेट टेक्नॉमिक्स के एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ग्रोथ मॉडल से आएगा तो वो सही ही होगा ठीक है जो भी मैंने पढ़ाया है इतना ग्रोथ मॉडल्स का कर लीजिए तो आज हम करेंगे सोलो मॉडल एंड इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल टू द पॉइंट आपके यू जी नेट के रिलेटेड वैसे तो सोलो मॉडल बहुत बड़ा है लॉट ऑफ डायग्राम्स लॉट ऑफ नोमेरिकल चीजें बट जैसे मैंने अपने कल की एक प्लस क्लास में बोला था कि आप पाँच छः पेजेस का पूरा मॉडल्स पढ़ लीजिए पढ़ लेते हैं कई बच्चे अलग अलग बुक से पढ़ लेते हैं बट फिर भी अगर आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ठीक ना हो पाया तो फिर पढ़ने का वो कोई फ़ायदा नहीं है है ना तो सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज आपको वो चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए जो एन आपको एग्जाम में पूछते हैं सोलो सोलो मॉडल मॉडल की से आते हैं का असल में क्या इंडिग्नस इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल्स की जो तीन अलग अलग इकोनॉमी ने थ्यूरीज दी हैं तो हमको वो चीजें पढ़नी है जिससे एन वाले क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तभी आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को पढ़ पाओगे ठीक है यस तो फटाफट से एक बार लाइक like शेयर कर दीजिए प्लीज सेशन को और अगर आप में से कोई नया लर्नर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो फॉलो कर लीजिएगा उससे आप मेरी सारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं और मेरा पूरा कोर्स लेने के लिए आप अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वहाँ पर आपको ए टू जेड एक से दस सारे यूनिट्स इकनॉमिक्स के मिलेंगे जे आर एफ इन इकनॉमिक्स पहली टाइम में क्लियर होना आपका बहुत ही आसान बन जाएगा मेरे उस कोर्स से तो उसके लिए आपको अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है सिमर ट मेरा कोड है वो लगाना है और डिस्क्रिप्शन में मेरी यू जी सी नेट इकनॉमिक्स की बुक का लिंक भी दिया गया है वहाँ से अगर आप चाहें इफ यू वांट आप ले सकते हैं चलो सो so, जो सोलो मॉडल है ये अब इसका देखिए नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मैं आपको हर मॉडल से पहले वो वर्क का नाम बताती हूँ जिस वर्क में वो मॉडल दिया गया है क्योंकि एग्जाम में ये मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो सोलो का वर्क जो है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें सोलो ने यह मॉडल दिया है तो नो you know, इस मॉडल को एक्सिजिन ग्रोथ मॉडल माना जाता है या इसको न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है वैसे तो जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है वो दो लोगों के द्वारा दिया गया है एक सोलो के द्वारा और एक मीड के द्वारा ठीक है सोलो के द्वारा एंड मीड के द्वारा न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल्स दिए गए हैं ठीक है तो हम यहाँ पे सोलो का मॉडल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं तो इन मॉडल्स में ये जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल्स हैं इसमें से इस, इनमें क्या है कि इनमें जो टेक्नोलॉजी है ना उसको एक एक्सीजनस फैक्टर माना गया है एक्सीजनस यू कैन से एक एक्सटर्नल फैक्टर माना गया है ठीक है एक एक्सटर्नल बाहर वाला फैक्टर माना गया है एक एक्सीजनस फैक्टर माना गया है ठीक है तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो सोलो का मॉडल है हम अक्सर ही पढ़ते हैं कि सोलो का मॉडल जो है वो हैरे डॉमर के मॉडल पर एक एक्सटेंशन है है ना हैरेड डोमर मॉडल पर एक एक्सटेंशन है तो ऐसा क्यों है देखिए हैरेड डॉमर मॉडल उस पर एक्सटेंशन है सोलो मॉडल और सोलो मॉडल पे एक्सटेंशन है इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल ठीक है तो जो हैरेड डोमर का मॉडल है इसमें फिक्स्ड टेक्निकल कोफिशियंट लिया गया है बट जो सोलो का मॉडल है इसमें वेरिएबल टेक्निकल कोफिशियंट लिया गया है इस बात को समझने का प्रयास कीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है जो हैरेट डॉमर का मॉडल है उसमें कैपिटल एंड लेबर में सब्सटी पॉसिबल नहीं है जैसे मैंने आपको कल समझाया था बट जो सोलो का मॉडल है उसमें ये सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है याद करो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ और सिर्फ बोर्ड के जरिए ही आपको पढ़ाया जाए तो क्या ये पॉसिबल है यानी कि क्या आप कैपिटल को रिप्लेस कर सकते हो मेरी जगह पर या है ना तो नहीं कर सकते हमने कल ये पढ़ा था हैरेट डॉमर के मॉडल में कि सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज नॉट पॉसिबल बट सोलो कहता है कि ये सब्सटिट्यूशन पॉसिबल है हम हमारे पास अगर कैपिटल ज़्यादा है तो हम लेबर कम लगा के कैपिटल ज़्यादा यूज कर सकते हैं या फिर अगर हमारे पास लेबर कम है लेबर ज़्यादा है तो हम कैपिटल कम लगा के लेबर ज़्यादा लगा के उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ठीक है सो दिस सब्सटीट्यूशन इज पॉसिबल इन सोलो मॉडल यहां से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है तो ये पॉइंट प्लीज याद रखिएगा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं जो हैरेड डोमर का मॉडल है इसमें हम डिवर्जेंस की बात करते हैं जबकि जो सोलो का मॉडल है इसमें हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं अब ये क्या बोल रही हूँ मैं डिवर्जेंस कन्वर्जेंस अब ये क्या है देखिए कल मैंने आपको हैरेड डोमर के मॉडल में डिवर्जेंस का कंसेप्ट समझाया था कि जो हमारा ियम होता है उसमें डिवर्जेंस पॉसिबल होता है यानी कि एक्चुअल रेट ग्रोथ रेट नेचुरल रेट ये एक दूसरे से डिवर्ज कर सकते ठीक है दिस इज द मीनिंग ऑफ डिवर्जेंस इन हैरेडोमर मॉडल बट जो सोलो का मॉडल है बट जो सोलो का मॉडल है उसमें कन्वर्जेंस होता है अब आप पूछेंगे कन्वर्जेंस क्या है तो मैं आपको इस मॉडल के बिल्कुल आखिरी चरण में इस कन्वर्जेंस का कंसेप्ट समझाऊंगी वैसे मैं आपको एक डायग्राम से थोड़ा सा इस चीज को समझा देती हूँ अगर मैं कहूँ दिस इज माई इक्वलिब्रियम ठीक है तो डिवर्जेंस का कंसेप्ट है इससे दूर जाना डिवर्ज करना इक्वलिब्रियम से कन्वर्जेंस का मतलब होता है इक्वलिब्रियम के पास आना ये देखिए कन्वर्ज करना ठीक है बेसिकली ये डिफरेंस होता है कॉबवेफ एंड ऑमना में प्लस में हमने ये चीज़ बड़ी डिटेल में समझी हुई है अब हम सोलो मॉडल की कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पन्स पढ़ेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डोमर एंड सोलो के मॉडल में एक सबसे डिफरेंट थिंग ये है कि सोलो के मॉडल में सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है कैपिटल एंड लेबर का हैरेड डोमर में नहीं है बाकी सभी एजम्पन्स इसकी हैरेड डोमर जैसी ही हैं इकोनॉमिक्स uh, जी डिवर्जेंस का मतलब है इक्विलिब्रियम से हटना जैसे मैंने कल समझाया था प्लीज़ कल की क्लास ज़रूर देखिए ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ रेट वरंटेड ग्रोथ रेट का एक दूसरे से डिवर्ज diver, होना मतलब एक दूसरे से दूर जाना अगर मैं सहूँ कि वरंटेड ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट बराबर नहीं है ये एक दूसरे से अलग है दैट मीन्स डिवर्जेंस इन इक्ुलिब्रियम ठीक है सो so, uh, बाकी सारी जम्शन वही हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल फुल एम्प्लॉयमेंट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन ठीक है scale, तो अब देखिए कुछ इसके की कंक्लूजन सोलो मॉडल में जो हम पढ़ते हैं ग्रोथ रेट ऑफ जो ध्यान से समझिएगा पॉइंट्स को मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ सो नो वन कैन से कि हिंदी में मैं सारा हिंदी में ही आपको यहाँ पे समझाऊंगी ठीक है यू कैन नोट डाउन साइमल्टेनियसली इन योर नोटबुक्स ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन स्टडी स्टेट इक्वलिब्रियम इज इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स वो कहता है कि जो सोलो का मॉडल है ना उसमें जो हमारा आउटपुट का ग्रोथ रेट होता है ना वो सेविंग रेट से बिल्कुल एक्सीजनस होता है यानी कि इट डज नोट डिपेंड अपॉन सेविंग रेट ध्यान से ये बात को समझिएगा इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था एक बार कि जो आउटपुट का ग्रोथ रेट है वो सेविंग के क्या है एक्सीजनस है मतलब कि वो सेविंग पर डिपेंड नहीं करता आउटपुट का ग्रोथ रेट जो है वो किसके इक्वल उसने कहा है दैट इज इक्वल टू द ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन या ग्रोथ रेट इन लेबर ठीक है वो बिल्कुल भी सेविंग पर डिपेंड नहीं करता यानी कि लोग कितना सेव करते हैं उससे आपकी ये चीज जो है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ये प्रभावित नहीं हो रहा समझे बात को ठीक है इसी तरह अब जो सेकंड पॉइंट है ये ध्यान से समझिएगा कहते है, हाँ, हम हैं हाँ कि जो सेविंग रेट है ना वो आपके आउटपुट के ग्रोथ रेट को प्रभावित नहीं करता हम ये चीज़ मानते हैं बट जो सेविंग रेट है वो कैपिटल को प्रभावित करता है ग्रोथ रेट इन कैपिटल को प्रभावित करता है ठीक है एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ देखिए यहाँ पे मॉडल शोज डेट सेविंग रेट इज ए क्रूशियल फैक्टर फॉर डिटर्मिनिंग द स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक यानी कि हम मानते हैं कि सेविंग रेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट को प्रभावित नहीं करता बट सेविंग रेट स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक को प्रभावित करता है अगर सेविंग ज़्यादा होगी तो कंट्री के पास कैपिटल का स्टॉक पूंजी का स्टॉक भी ज़्यादा होगा ठीक है समझे ये चीज ठीक है तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना अगर मैं कहूं कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन या ग्रोथ रेट लेबर फोर्स तो वो चीज सेविंग रेट से प्रभावित नहीं होती बट जो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल है वो सेविंग रेट से प्रभावित होता है तो दैट्स वाई मेरे आउटपुट में चेंज आ सकता है चेंज आ सकता है अगर सेविंग रेट कैपिटल को प्रभावित करता है तो बात समझे ना सेविंग रेट इसको प्रभावित नहीं करता ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स ठीक है बट सेविंग रेट आपके ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को प्रभावित करता है तो जब ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो उससे आपका आउटपुट यह, यहाँ पर प्रभावित हो सकता है समझे बात दैट इज़ अ थिंग स्टडी स्टेट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल दैट इज लॉन्ग रन हाँ तो यहाँ पर जस्ट ये लिखा है कि जो आपका जो सोलो है उसने अपने मॉडल में लॉन्ग रन ग्रोथ की बात की है जैसे कि हैरेडोमर ने की थी शॉर्ट रन की बात नहीं की ठीक है तो जो आपकी लॉन्ग रन ग्रोथ रेट है वो किससे डिटरमाइन होती है टेक्नोलॉजी से डिटरमाइन होती है और टेक्नोलॉजी इज कम्पलीटली इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी इज कम्पलीटली एक्सीजनस या यू कैन से टेक्नोलॉजी इज एक्सटर्नल फैक्टर ठीक है फिर अब यहाँ पे हम कन्वर्जेंट का कंसेप्ट समझेंगे कन्वर्जेंट का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा सपना जी नायरू का कंसेप्ट आप मुझे माइक्रो इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में क्यों पूछ रहे हैं मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स सारा करवाया है आपको अन अकेडमी वाले चैनल पर दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आई कांट मर्ज द कंसेप्ट तो वो चीज़ आप उस लेक्चर में जाके समझिए ठीक है अब यहाँ पे कन्वर्जेंट का ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए इतना सोलो मॉडल कर लेंगे जितना मैं करवाऊंगी इतना इंडिगनस ग्रोथ मॉडल कर लेंगे जितना मैं एग्जाम में ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा ध्यान से समझिएगा ठीक है? कन्वर्जेंट का क्या मतलब है द पुअर ये लाइन पढ़िए पहले द पुअर कंट्रीज आर पुअर कहते हैं गरीब कंट्रीज जो होते हैं वो गरीब ही होते हैं बिकॉज क्यों होते हैं दे कैपिटल उनके पास पूंजी की कमी होती है बट वो कहता है अगर इफ़ दे सेव एज द सेम रेट एज रिच कंट्रीज अगर वो रिच कंट्रीज जैसा सेव कर पाए जितना रिच कंट्री सेव कर रहे हैं उतना अगर वो सेव कर पाते हैं और अगर उनके पास सेम उसी टेक्नोलॉजी की असेस होती है जो रिच कंट्रीज के पास है तो वो इवेंचुअली रिच कंट्रीज़ के जितना पहुंच सकते हैं रिच कंट्रीज को कैच कर सकते हैं ठीक है समझे बात कुछ सो so, कन्वर्जेंस का क्या मतलब है एक रिच कंट्री है और एक गरीब कंट्री है वो कहता है कि अगर गरीब कंट्री ना रिच कंट्री के जितना सेव कर सकता है और अगर वो गरीब कंट्री रिच कंट्री के जैसा प्रोडक्शन फंक्शन या रिच कंट्री के जैसी टेक्नोलॉजी अपने कंट्री में ला सकता है तो वो पुअर कंट्री भी रिच कंट्री के मुकाबले खड़ा हो सकता है दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस यानी इक्वलिब्रियम के पास आना यानी के रिच कंट्री को कैचअप करना रिच कंट्री के पास आना तो ये कन्वर्जेंस कब पॉसिबल है अगर पुअर कंट्री रिच कंट्री के जितना सेव करे और अगर पुअर कंट्री में टेक्नोलॉजी वही हो जो रिच कंट्री में है दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस टू आर्ड्स इक्वलिब्रियम इन सोलो मॉडल समझ के बाद क्लियर चलो तो ये था हमारा सोलो का मॉडल अब जब हम इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल करेंगे तो साथ साथ में सोलो मॉडल और इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल में फर्क भी समझते जाएंगे ठीक है तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि ये जो सोलो स्वैन का न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है इसमें हमने पढ़ा अच्छा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल से कौन कौन बिलोंग करते हैं या एक्सीजनस ग्रोथ मॉडल से कौन कौन बिलोंग करते हैं सोलो स्वैन एंड मीड ठीक है सोलो स्वैन एंड मीड ये तीन है जो एक्सीजनस ग्रोथ मॉडल से बिलोंग करते हैं सो इंडिग्नस ग्रोथ थ्योरी समझिए सो अभी तक हमने पढ़ा कि जो सोलो का न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है इसने लॉन्ग रन ग्रोथ रेट की बात की और इसने दो एक्सीजनस फैक्टर्स फेक्ट, माने हैं एक है पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीजनस फैक्टर यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर एंड दूसरा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक्सीजनस फैक्टर दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर या यू कैन से दैट इज कम्पलीटली इंडिपेंडेंट फैक्टर ठीक है और ये किसके इंडिपेंडेंट है ये सेविंग रेट के इंडिपेंडेंट है याद करो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें पढ़ाई थी आपको कि जो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो सेविंग रेट से एक्सीजनस है वही चीज़ है यहाँ पे है ना कि दो जो फैक्टर्स हैं आपका पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस ग्रोथ ये सेविंग रेट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ठीक है सेविंग रेट से कौन सी चीज है जो सेविंग रेट पे डिपेंड करती है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल है ना पढ़ाया सेकेंड पॉइंट में ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है सेविंग रेट पर बट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सेविंग रेट के इंडिपेंडेंट है ठीक है आगे देखिए हाँ बट जो अब इंडिगनस ग्रोथ थ्योरी है ना ये अलग क्यों है सोलो के मॉडल से क्योंकि इंडिग्नस ग्रोथ थ्योरी में इंटरनल फैक्टर्स की बात की गई है इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल की नहीं ठीक है इसने कहा है कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो इंटरनल फैक्टर है इंडिगनस मतलब इंटरनल इंटरनल यू कैन से कि वो चीज़ डिपेंडेंट है और उसने कहा कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो डिपेंड करती है कैपिटल पर ठीक है वो भी हम समझेंगे सो इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल में कहा है इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी कैन बी टाइड डायरेक्टली टू फास्टर इनोवेशन एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल दिस व्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट विद न्यू क्लासिकल इकोनॉमीज इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल बोलता है कि जो हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस है ये इंडिग्नस फैक्टर है यू कैन से ये एक इंटरनल फैक्टर है या यू कैन से ये एक डिपेंडेंट फैक्टर है और ये किस पे डिपेंड करता है कैपिटल पर डिपेंड करता है और इंडिग्नस ग्रोथ थ्योरी में बेसिकली ह्यूमन कैपिटल पर जोर दिया है ह्यूमन की एजुकेशन पर जोर दिया है उसकी स्किल पर इन ह्यूमंस uh, पर इन्वेस्टमेंट को जोर दिया आई बात समझ में सेम है जी सेम कल्याणी सेम इगूड एट ए परसिस्टेंट रेट ऑफ प्रोस्पेरिटी यही चीज जो मैंने कही कि जो इकॉनमी है उस पर इंटरनल फैक्टर्स का प्रभाव होता है और इस इंटरनल फैक्टर्स में उसने क्या लिया है टेक्निकल प्रोग्रेस और टेक्निकल प्रोग्रेस किससे प्रभावित होती है कैपिटल से और कैपिटल में उसने किसकी बात की है ह्यूमन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की इनोवेशन की देन एक्सटर्नल ठीक है तो उसने न्यू क्लासिकल को चैलेंज किया यानी कि सोलो के मॉडल को चैलेंज किया है न्यू क्लासिकल जो सोलो का मॉडल था उसने कहा था कि इकॉनमी में कुछ एक्सीजनस फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ठीक है बट जो इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल है उसने कहा है कि इकॉनमी में एक्सीजनस नहीं बल्कि इंडिग्नस फैक्टर्स शामिल होते हैं अब इसकी एजम्पन्स पढ़िए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पन विच मेक्स विच मेक्स द इंडिग्नस ग्रोथ थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम सोलो मॉडल एंड डिफरेंट फ्राम हैरेडर मॉडल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्ट हमने ज़्यादातर अब तक जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं ना इकोनॉमिक्स में आपने उन सब मॉडल की एक जम्पशन पक्के तौर पे पढ़ी होगी डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल में क्या डिफरेंस है ये मैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले कोर्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ ठीक है हर मॉडल में हम पढ़ते हैं कि जो रिटर्न्स टू फैक्टर है वो एक टाइम पर डिमिनिश कर जाते हैं याद करो हमने सारा रिटर्न्स टू फैक्टर का मॉडल पढ़ा है कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लगाते जाते हैं तो एक समय आता है जब प्रोडक्टिविटी डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम एक फार्म uh, पर या एक लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स हायर करते जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं तो एक टाइम आता है जब ज़रूरत से ज़्यादा फार्मर्स हायर करने से वो आपस में बातचीत करने में लेयर में जाकर इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि एट द एंड टोटल प्रोडक्टिविटी हमारी डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है तो इसी कंसेप्ट को हमने डिमिनिशिंग रिटर्नस का नाम दिया था जब हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाता है और टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश हो जाता है यही समझा था हमने और बेसिकली इकोनॉमिक्स के सही सभी मॉडल्स में बात की गई है कि एट द एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स ज़रूर आते हैं बट ये जो इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल है ना इसने कहा है नहीं डिमिनिशिंग रिटर्न्स को पोस्टपोन किया जा सकता है या एकमी में इंक्रीजिंग रिटर्न ही बने रह सकते हैं लंबे समय तक एक अकॉनमी में इंक्रीजिंग रिटर्न ही बने रह सकते हैं अब उसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश कीजिए रीज़न देखिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ दैट यू कैन से कि फ़िज़िकल चीज़ों पर जैसे फ़्लाई बनाने पर डैम्स बनाने पर तो वो इन्वेस्टमेंट मेरी टिकाऊ नहीं है टिकाऊ नहीं है यानी कि कुछ साल बाद जब वो डैम uh, वो जो पर्टिकुलर फ़्लाई ओवर या सड़कें जब ख़राब हो जाएंगी तो मेरी उस पर डेप्रिसन लगेगी मतलब कोई ऐसा टाइम आएगा जब मुझे वो इन्वेस्टमेंट डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे सकती है बट जो इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल पर की जाती है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है अगर एक ह्यूमन को पढ़ा दिया जाए ठीक है अगर मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ाया तो मैं आगे अपने बच्चों को भी पढ़ाऊँगी अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो वो चीज़ आगे जाके इंक्रीज़ ही होगी द एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल वो हमको आगे जाके इंक्रीजिंग रिटर्न देंगे डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं देंगे ठीक है तो बेसिकली ये जो इंडिगनस ग्रोथ थ्योरी है इसने ह्यूमन कैपिटल पर बहुत जोर दिया है और ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर देता है ठीक है दिस इज द बेसिक डिफरेंस हां जो सोलो का मॉडल था और जो हैरेट डोमर का भी था दोनों में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर था एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल था बट जो इंडिग्नस मॉडल है ये जो हम कर रहे हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल तो ठीक है बट इसमें जो फैक्टर है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर दिया गया ठीक है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर हाँ और एक और चीज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल भी यहाँ पे दिया गया है फॉर ऑल फैक्टर्स टेकन टूगेदर जब मैं सभी फैक्टर्स को इकट्ठा लूंगी तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा बट अगर मैं सिंगल फैक्टर को कंसिडर करूंगी तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा ठीक है एंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर तो मैंने अभी समझा ही दिया है जो इस मॉडल को अलग बनाता है इससे पहले दो मॉडल से ठीक है और यह भी मैंने आपको बताया लॉन्ग रन ग्रोथ रेट जो है वो इंडिग्नस फैक्टर के बेस पर है और इंडिग्नस फैक्टर है टेक्निकल प्रोग्रेस टेक्निकल प्रोग्रेस डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पर एंड कैपिटल पर और ये इन्वेस्टमेंट किस पर हो रही है ह्यूमन पर ये कैपिटल कौन से कैपिटल की बात ह्यूमन कैपिटल की ठीक है और सेविंग uh, रेट इसमें भी कांस्टेंट है सोलो के मॉडल में भी हमने पढ़ा था ना सेविंग रेट एक्सीजनसली डिटरमाइंड और इस मॉडल में भी सेविंग रेट एक्सीजनसली ही डिटरमाइंड है यानी कि सेविंग रेट इंडिपेंडेंट ही है ये डिपेंडेंट नहीं है यानी कि वो कांस्टेंट है ठीक है जी आर एफ मीनाती जी इट इज नॉट इंडिग्नस देखिए ये इंडिग्नस जो आप बोल रहे हो ना इस इंडिग्नस का मतलब होता है जो चीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि जो चीज मेरे अपने कंट्री की है उसको मैं बोलती हूँ इंडिग्नस ये जो मॉडल है ये वाला इंडिग्नस है ई एन डी ओ वो लिखे हुए इस पहले ठीक है अच्छा ये एग्जम्पन्स हो गई अब ध्यान से समझिए कि ये मॉडल में किस किस ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दी है क्योंकि एग्जाम में आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल दिया है ठीक है तो ये देखिए अब ध्यान से आ, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं दैट इज़ हाँ एक हो गया एरो 1962 उजावा जो लुकेस पढ़ते हो ना वही है ये उजावा लुकेस ठीक है लुकेस उजावा या लुकेस जो है वो एक ही है 1965 इकट्ठे दिया था इन्होंने नहीं चलो उजावा एंड लुकेस की थ्योरी एक है मतलब कि जो उजावा एंड लुकेस ने थ्योरी दी है याद करो मैंने तीन थ्योरीज करवाई एक एरो की एक लुकेस की और एक रोमर की ये जो सेकंड वाली थ्योरी थी ना लुकेस की वो उजावा एंड लुकेस की इकट्ठी है मतलब इनके व्यू पॉइंट्स सिमिलर है ठीक है उजावा हो गया एंड एक सिद्रोस की है नया है थोड़ा एक बार पढ़ लो पूछा जा सकता है एग्जाम में इन्होंने इस थ्योरी का बेस बनाया उसके बाद रोमर हो गया लुकेस हो गया जिसने उजावा को सपोर्ट किया रेबेलो भी है एक 1991 नाइनटी सेंटोस है एक ठीक है तो इन्होंने भी इसी थ्योरी को इंडिग्नस ग्रोथ थ्योरी को ही सपोर्ट किया है तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से इकोनॉमिस्ट इंडिग्नस ग्रोथ थ्योरी से बिलोंग करते हैं तो याद रख लो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरो है रोमर है एंड लुकेस है ये तीन सादा इंपॉर्टेंट है ठीक है फाइन बस ये इकोनॉमिस्ट ही बताने थे अब हम इन तीन मॉडल वो देखो मैंने कहा था ना उजावा एंड लुकेस का इकट्ठा ही है मॉडल तो अब ये तीन मॉडल्स को कुछ समझने का प्रयास करते हैं पहला है एरो एरो ने लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट दिया लर्निंग बाय डूइंग ठीक है इस मॉडल को हम एक के मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोलते हैं जो अक्सर ही आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा ठीक है सो सॉरी एरो ने अपने मॉडल में लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट यूज किया है तो उसने क्या कहा है जब हम सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं मतलब चीज़ों को खुद ब खुद प्रैक्टिस करते हैं या जब हम इनोवेशन करते हैं या खुद ब खुद एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि कर करके सीखना प्रैक्टिकल हैंड जब हम चीज़ों को करते हैं तो अपने आप उन चीज़ों को सीखने लग जाते हैं ठीक है तो ऐसी चीज और इसने भी देखिए आप देख सकते हैं आराम से कि इसने भी ह्यूमन कैपिटल पर जोर दिया है इनोवेशन पर जोर दिया है टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है इनोवेशन रिजल्ट इन प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवड ह्यूमन कैपिटल है ना तो ये जो तीनों मॉडल्स हैं इन तीनों ने ह्यूमन कैपिटल पर जोर दिया है सो लर्निंग बाई डूइंग लीड्स टू डिक्रीज इन लेबर रिक्वायर्ड टू क्रिएट यूनिट ऑफ आउटपुट यानी कि जब हम कर करके सीखते हैं या एक्सपीरियंसड बन जाते हैं तो कम लेबर पर भी हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है तो जैसे कि मैं आपको अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज हो चुकी हूँ कर करके सीख चुकी हूँ एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ तो मुझे बहुत कम टाइम लगता है इकोनॉमिक्स की कोई भी नई चीज़ सीखने में बात समझे सो लर्निंग बाई डूइंग जब हम किसी चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वो चीज़ हमको ज़्यादा रिटर्न देने लग जाती है इंक्रीजिंग रिटर्न वही चीज़ चीज़ें यहाँ परम्पन बढ़ी थी उजावा लुकेस मॉडल अब इस थ्योरी में भी बात की गई है ह्यूमन कैपिटल की देखिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ह्यूमन कैपिटल कहता है ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है जी सो so, लोगों को एजुकेट करना चाहिए रोमर मॉडल लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट इसने इन्वेस्टमेंट की बात की है इसने क्या कहा है चेंजेस टू टेक्नोलॉजी टू बी इंडिग्नस वर्इजिस दे आर फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवासमेंट्स लीड टू इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स तो इसने बात की है कि जब भी किसी चीज़ में नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है तो इससे हमारी इकोनमी जो है वो इम्प्रूव होती है तो जो एक बंदा है उसके इनोवेटिव आइडियाज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसलिए उसने लर्निंग बाई इन्वेस्टमेंट कि एक जो पर्टिकुलर ह्यूमन है उसके जो आइडियाज़ हैं दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट किसी भी तरह के और इन्वेस्टमेंट से उसके आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे एक जापान की बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हमारा कंट्री जो है जापान के पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे जैसे कि हमारे कंट्री के पास लिमिटेड थे बट जापान ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का भी सही उपयोग कर कर आज जापान हमसे काफ़ी आगे गुजर चुका है और हम जापान से बहुत पीछे हैं द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ आइडियाज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट यूर माइंड यूर आइडियाज़ तो वही आइडियाज़ की रोमर ने बात की है कि एक पर्सन में आइडियाज़ का होना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन में आइडियाज़ का होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ठीक है सो कंबाइनिंग इम्प्रूवमेंट्स टू ह्यूमन कैपिटल एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज कैन क्रिएट इनोवेटिव आइडियाज अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इम्प्रूवमेंट्स करते रहें तो इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट होंगे जिससे इकॉनमी को बढ़ाया जा सकता है इकॉनमी को आगे लेके आया जा सकता है सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट देन इन्वेस्टमेंट इन एनीथिंग एल्स ठीक है फाइन तो ये तीन मॉडल्स है यहाँ पे तो इसी के साथ मैंने आपको सब चीज़ें जो आपकी समझाने वाली थी समझा दी हैं किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लीजिए अच्छा लगा लेक्चर सबको पसंद आया सभी को सोलो मॉडल इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ करवा दिया अब कुछ भी एग्ज़ाम में इन दो मॉडल से आ जाए तो यू कैन डू इट तो कल हम अगले मॉडल्स करेंगे इसका पता कल ही चलेगा कौन से करेंगे सो आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ शांति जी क्लास की टाइमिंग्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती हैं टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पूरा कोर्स मेरे से पढ़ने के लिए आप अन पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बता दूँ शाम को रोज़ पाँच बजे आपकी अन अकेडमी पर फ्री क्लास होती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और मैंने अपनी अन अकेडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरी प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे और उससे आप मेरी फ्री क्लासेस जो हैं उसकी असेस ले सकते हैं अगर पहली बार आप ऐप में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोड मांगेंगे सिमर टेन मेरा कोड है फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज को आप असेस कर सकते हैं इस कोड के जरिए और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं तो पाँच बजे शाम को मिलेंगे अन अकेडमी पर आ, प्रीवियस इवेश्चन्स में थैंक यू वेरी मच अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा थैंक यू टेक केयर हेलो एवरीवन वन ए वेरी गुड आफ्टरनून येस गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑडियो वीडियो एक बार बता दीजिए सबको फाइन है सुन पा रहे हैं मुझे ये इज एवरी थिंग फ़ाइन सब कुछ एकदम सही है सो so, बात कर रहे हैं आज हम क्लासिकल मॉडल uh, की तो एज यू नो कि ये हमारी सीरीज चल रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल्स की तो इसमें हम uh, दो सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं जिसमें हम हैर डॉमर ग्रोथ मॉडल सोलो ग्रोथ मॉडल इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल्स के बारे में पढ़ चुके हैं आज हम बात करने वाले क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ और कल हम करेंगे मार्क्शन मॉडल ऑफ ग्रोथ की बात ठीक है जी येस ए वेरी गुड आफ्टरनून सो फटाफट से एक बार लाइक like, शेयर कर दीजिए प्लीज साइकिल क्लास को ताकि काफ़ी सारे लर्नर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ पाएँ सो so, uh, अगर आप समर्थन करेंगे तभी ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ जो है पूरी कंप्लीट हो पाएगी अगर आप रेगुलर व्यू करेंगे और रेगुलर देखेंगे लाइक एंड शेयर करेंगे अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे सो आई विल डिसकंटिन्यू दिस सीरीज बिकॉज आपके लिए तो हमें पढ़ाना है है ना तो जो भी नया बच्चा आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए अपडेट्स के लिए एंड पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरी और क्लासेस का टाइम टेबल स्लोट्स सिस्टम सारा समझने के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा ठीक है और मेरी यूजीसी नेट एक्नॉमिक्स की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अन अकेडमी पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पाँच बजे शाम को रेगुलर क्लासेस होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की अन की प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर ज्वाइन करके आप फ्री वाली स्पेशल क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं सिमर मेरा कोड है पहली बार ज्वाइन करेंगे तो इस कोड को लगाना पड़ेगा इसके अलावा पूरे कोर्स के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन एंड डाउट्स के रिगार्डिंग जो भी आपके सब्सक्रिप्शन के डाउट्स हैं ओके रेगुलर रहेंगे थैंक यू वेरी मच सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट तो आज ये जो हर सेशन से पहले मैं बोलती हूँ कि जो मैं आपको इन सेशंस में थ्योरीज करवा रही हूँ यू जी नेट एक्नॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ इन थ्योरीज को अगर आप इन मेरे सेशन से पढ़ लेते हैं तो यू जी नेट टक्नॉमिक्स के एग्जाम में इन पर्टिकुलर थ्योरीज या मॉडल्स या आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका हल जो है वो कर सकते हैं ठीक है यस सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी किसने है एडम स्मिथ ने दी है एडम स्मिथ को हम पॉलिटिकल इकोनॉमी का फादर भी बोलते हैं और क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का वो फाउंडर है यानी कि ये क्लासिकल सिस्टम का गठन जो है ये एडम स्मिथ ने किया है तो यहाँ पे स्मिथ का वर्क है नाम याद रखिए स्मिथ के वर्क का नाम क्या है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा दी गई है तो याद रखिएगा ये जो बुक है इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ की बुक है ठीक है और इसी बुक में उसने क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का जिक्र किया है तो यहाँ पे बेसिक सी चीजें समझ लीजिए ये जो आप पॉइंट समझेंगे ये जो चीजें समझेंगे, समझेंगे ये क्लासिकल्स का एक बेस तैयार करते हैं जो क्लासिकल्स हैं इन्हीं एजम्शन

हमारी इकॉनमी में देख लीजिए अब कितने बड़े बड़े कैपिटलिस्टिक हैं कितने बड़े बड़े पूंजीवादी हैं अब सबको पता है आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है रिलायंस जियो के फाउंडर हो गए या टाटा के फाउंडर हो गए है ना इन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मालिक हैं वो सारे कैपिटलिस्टिक ही हैं पूंजीवादी ही हैं ये लोग जो है पूंजी का गठन ये लोग क्या करते हैं प्रॉफिट्स कमाते हैं प्रॉफिट्स कमाकर पूंजी का गठन करते हैं पूंजी को जोड़ते हैं और बेसिकली कंट्री की हमारी डेवलपमेंट जो है इसी पूंजी के कारण हो रही है है ना जो मिडिल क्लास है या जो पुअर है वो वो कंट्री की तरक्की में इतना कोई योगदान नहीं दे रहे कंट्री की डेवलपमेंट एंड कंट्री की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल है इन कैपिटलिस्टिक्स का इन पूंजीवादियों का जिनके पास बहुत बल्क ऑफ अमाउंट पूंजी की पड़ी हुई है इन पूंजी की एक्यूमलेशन वो करते हैं इकट्ठा करते हैं इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं इसकी पैसे कमाते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो ये सिस्टम चलता रहता है इससे इकॉनमी ग्रो करती है इससे इकॉनमी की जी जो है वो बढ़ती है है ना प्रमोटेड द कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एडम स्मिथ ने इस कंसेप्ट को प्रमोट किया है लेबर की डिवीज़न को एंड स्पेशलाइजेशन को कि जो लेबर है उसको अपनी अगर हम स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कामों में डिवाइड कर दें जैसे इस चीज़ का मैंने आपको पहले भी मतलब समझाया था मान लीजिए एक कंपनी है उस कंपनी में जिस बंदे को अकाउंट्स की नॉलेज है उसको एज ए अकाउंटेंट हायर किया जाएगा जिस बंदे को इकनॉमिक्स की नॉलेज है उसे एज ए इकोनॉमिस्ट हायर किया जाएगा जिस बंदे को मार्केटिंग uh, की नॉलेज है उसे एज ए सेल्स ऑफिसर हायर किया जाएगा है ना तो अगर हम लेबर की डिवीजन कर दें स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग तो इससे डेवलपमेंट बढ़ेगी इससे ग्रोथ बढ़ेगी उस कंपनी उस पर्टिकुलर कंपनी की तरक्की बढ़ेगी सो इकॉनमी में भी यही है अगर हम स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग लेबर को डिवाइड कर दें उसके कामों में तो इससे इकोनॉमी की तरक्की भी बढ़ेगी आप सबको है कि जो क्लासिकल्स हैं इन्होंने हमेशा लेज़िस फेयर पर जोर दिया लेजिस्र पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं है जी गवर्नमेंट इकॉनमी में बिल्कुल भी इंटरविन नहीं कर रही मतलब कि सारा कुछ मन मर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स की है कैपिटलिस्टिक्स की है कंज्यूमर्स की है गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी उसमें नहीं है आ, कैपिटलिस्टिक्स या प्रोड्यूसर्स अपनी मन मर्ज़ी का प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी मन मर्जी का इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं कोई रॉक टॉक इतनी गवर्नमेंट की इसमें नहीं है या यू कैन से कि Uh, कोई भी इकॉनमी में ऐसा चेंज आता है डिप्रेशन आ गया या इन्फ्लेशन आ गया तो उसमें गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई की वो खुद ब खुद इक्वलीब्रियम में ले आएंगी सिस्टम को ये चीज़ें हमने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में पढ़ी हैं कि जो क्लासिकल्स हैं उन्होंने बोला है कि जो वेजेज़ होती हैं वो फ्लैक्सीबल होती हैं लेजेज uh, होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं तो दिस इज इफ आई से दिस इज डिमांड फॉर लेबर एंड दिस इज सप्लाई फॉर लेबर तो अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म में इकोनमी में सप्लाई फॉर लेबर बढ़ जाती है डिमांड फॉर लेबर से है ना तो लॉन्ग टर्म में दोबारा से ऑटोमेटिकली uh, हमारी वेजेस कम हो जाएंगी एंड हम फिर से ही पे आ जाएंगे तो ये जो ऑटोमेटिक चेंजेस होती हैं ना क्म में दीज ऑटोमेटिक चेंजेस इसको ही हम बोलते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखिए एक और पॉइंट ध्यान से समझिए अगर मैं सिंपली डिमांड एंड सप्लाई की ही बात करूं डिमांड फॉर लेबर सप्लाई फॉर लेबर को छोड़िए सिंपल कंसेप्ट डिमांड एंड सप्लाई का हम लेते हैं ये सप्लाई है एंड ये डिमांड है तो क्लासिकल्स कहते हैं कि अगर शॉर्ट रन में अगर शॉर्ट रन में मान लीजिए प्राइजेस बढ़ जाते हैं सो so, ये प्राइजेस सिर्फ शॉर्ट रन में बढ़ सकते हैं लॉन्ग रन में नहीं क्योंकि जब शॉर्ट रन में प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो चीज़ की सप्लाई डिमांड से बढ़ जाएगी अगर प्रोड्यूसर्स के पास चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और लोग डिमांड नहीं कर रहे तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स प्राइस को कम करेंगे तो दैट मीन्स लॉन्ग रन में फिर से प्राइजेस कम हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा तो ये चीज़ें ये ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही हैं मतलब लॉन्ग रन में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अप डाउन आ जाते हैं इकॉनमी में क्योंकि प्राइजेस फ्लेक्सीबल है यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट नहीं दखल दे रही कि मुझे फिजिकल पॉलिसी लगा के ये सब कुछ करना है गवर्नमेंट के कुछ किए बिना ऑटोमेटिकली ये चेंजेस इक्विलिब्रियम में लेके आती है सिस्टम को तो क्लासिकल्स ऐसा बोलते हैं ठीक है थीके? यहीं पर उसने इनविजिबल हैंड की बात की है तो बेसिकली यही है इनविजिबल हैंड मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जिसकी मैंने अभी बात की अब ये कहीं भी हाथ आपको दिख नहीं रहा ना मतलब ये चीज आपको कहीं भी दिख नहीं रही हमने एकदम से सोचा कि प्राइजेस बढ़े प्राइजेस बढ़ने के बाद फिर से दोबारा प्राइजेस इक्िब्रियम में कैसे आ गए कोई हमको इसके पीछे फोर्स तो नजर आई नहीं बट असल में फोर्स थी फोर्स क्या थी क्या थी वो फोर्स ऑटोमेटिक फोर्स थी ऑटोमेटिक फोर्स कैसे थी क्योंकि जब भी इकॉनमी में सप्लाई बढ़ जाती है डिमांड से तो हर प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि मेरे पास सप्लाई ज़्यादा है डिमांड की कमी है तो मैं अपने प्राइजेस को कम कर देता हूँ है ना तो सभी प्रोड्यूसर्स अगर ऐसा ही सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी इकॉनमी में प्राइजेस दोबारा से कम होकर इक्वलिब्रियम में आ जाएंगे है ना तो ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है यहाँ पे कोई भी आपको फोर्स या कोई भी हाथ इसके पीछे का नहीं दिख रहा है ना तो दैट्स व इसी चीज को एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड का नाम दिया है ठीक है सो यही मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फाइनली ये आपकी व्यूज डेवलपमेंट पे समझ में आ गए सभी को आगे देखिए सो so, इसके अलावा एडम स्मिथ कहता है कि जो डेवलपमेंट होती है ना वो सडन यानी कि अचानक नहीं हो जाती अचानक नहीं हो जाती ग्रेजुअली होती है धीरे धीरे होती है ठीक है धीरे धीरे होती है अब इसकी कुछ अम्पन्स पढ़िए लेजिसफेयर का मतलब हमने समझ लिया समझ लिया तो क्लासिकल्स कहते हैं इकॉनमी में दो सेक्टर्स हैं एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है उसकी एंड दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर जो डेवलप्ड है जो मॉडर्न सेक्टर है ठीक है एग्रीकल्चर इज़ सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एग्रीकल्चर जो है वो डिमिनिश देखिए ये चीज़ मैंने आपको कल के क्लासेज में भी अच्छे से समझाई थी डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर में डिमिनिशिंग रिटर्न पाए जाते हैं इसका क्या मतलब होगा मेरे पास फिक्स पीस ऑफ लैंड है मैं इस पर लेबर हायर करती हूँ लेबर हायर करती हूँ एक टाइम तक तो मेरे रिटर्न बढ़ेंगे बट अगर मैं यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लेबर हायर कर लेती हूँ डिजगाइज अनएम्प्लॉयड है ना जरूरत से ज्यादा लेबर हायर कर लेती हूँ तो अल्टीमेटली मेरे रिटर्न डिमिनिश होने शुरू हो जाएंगे याद करिए हमने आ, पूरा ये डिमिनिशिंग रिटर्न का कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में समझा था ये आपकी टोटल प्रोडक्शन एंड ये आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन ऐसे ही होता है ये डिमिनिशिंग रिटर्न लास्ट वाला स्टेज है जब आपका टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव में हो जाता है सॉरी मिनट ये तीन और तीसरा स्टेज आपका नेगेटिव रिटर्न का होता है, है ना? तो पहले स्टेज में टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है ना, है। है ना? यहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट भी मैं बना देती हूँ हाँ दिस इज एवरेज प्रोडक्ट एंड दिस इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट सो दूसरे स्टेज में दूसरे स्टेज में आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है बट डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ता है और एम पी एंड ए पी दोनों डिमिनिश होते हैं तीसरे स्टेज में टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश होना शुरू हो जाता है एवरेज प्रोडक्ट भी डिमिनिश हो रहा है बट आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में चला जाता है ये सारी चीज़ मैंने आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला पूरा करवाया हुआ है ठीक है तो वही ये जो सेकंड स्टेज है दिस इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो उसने कहा एग्रीकल्चर में ये पाए जाते हैं, okay, so दो इनपुट्स हैं यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल सब्सिस्टेंस लॉ ऑफ वेजेस सब्सिस्टेंस लॉ ऑफ का को हम आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी बोलते हैं Uh, ये आयरन लॉ ऑफ वेजेस का कंसेप्ट भी एडम स्मिथ ने दिया उसने है उसने कहा है वर्कर्स को इतनी वेजेस यहाँ पे मिल रही हैं जिससे वर्कर्स अपना गुजारा चला सके अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके रोटी कपड़ा मकान हर किसी की कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती हैं तो uh, जो कैपिटलिस्टिक्स हैं वो लेबर को बस इतना दे रहे हैं जिससे उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उससे ज़्यादा नहीं ठीक है सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या होता है इसका मतलब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड जो सप्लाई है अपनी डिमांड खुद बनाती है है ना सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है इसका मतलब कि इकोनमी में सप्लाई एंड डिमांड हमेशा इक्वल रहते हैं तो हमने सबने पढ़ा है कि केन्स ने क्लासिकल्स की इन सभी बातों को क्रिटिसाइज किया है फिर परफेक्ट कंपटीशन हर एक इकोनॉमिक्स एक के लॉ में आपको ये जम्पन तो मिलेगी ही मिलेगी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की और एक फुल एम्प्लॉयमेंट की ये भी है फुल एम्प्लॉयमेंट की क्लासिकल्स में ये जम्पन्स बहुत कॉमन है ठीक है आगे हम दूसरी चीज़ समझते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पहले यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछना है सो प्लीज़ पूछिए यहाँ तक फाइन है ये ऐसा कुछ नहीं है जस्ट सबसिस्टेंस वेजेस को ही हम आयरन लॉफ वेजेस बोलते हैं एडम स्मिथ ने इसको नाम दिया आयरन लॉफ वेजेस अब ये बात तो एडम स्मिथ को ही पता हो कि उसने इसको आयरन लॉफ वेजेस बोला चलो सो रिकार्डियन थ्योरी जो है डेवलपमेंट की क्लियर है हाँ सो रिकार्डो गेव द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या आपको ये चीज़ समझ नहीं है सप्लाई क्रिएट ओन डिमांड कि आप बता रहे हैं I don't understand. सो so, रिकार्डो की जो थ्योरी है डेवलपमेंट की वो किस बुक में आई है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन अठारह में ये बुक आई थी तो सेम जैसे कि एडम स्मिथ ने कहा वैसे ही रिकार्डो ने कहा कि कैपिटलिस्टिक्स जो होते हैं उनकी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंस होती है और मेजरली कैपिटलिस्टिक्स ही होते हैं जो कैपिटल का गठन कर पाते हैं अपने प्रॉफिट से क्योंकि जो एक नॉर्मल वेज अर्नर है जो नॉर्मल बंदा जॉब कर रहा है उसको इतनी सैलरी नहीं मिलती कि वो प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट कर सके जो पूंजीपति होते हैं जो इंटरप्रीनियर्स होते हैं उनके उनके पास इतने प्रॉफिट्स बचते हैं कि वो कैपिटल को एक्यूमुलेट कर पाते हैं है ना सो प्राइमरी सोर्स कैपिटल एक्यूमोलेशन का कैपिटलिस्टिक सी है क्योंकि वो अपने प्रॉफिट से पूंजी का गठन कर सकते हैं सो बेसिकली ये सेम है जो भी पहले मैंने करवाई थी रिकार्डो ने भी वही चीज़ वहां पे बोली है बस रिकार्डो ने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की हैं जैसे देखिए एडम स्मिथ एंड रिकार्डो ये दोनों क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ही हैं ठीक है थीके? So, मतलब जब मैं आपको क्लासिकल थ्योरी की बात कर रही हूँ तो इसमें मैं दो व्यू पॉइंट्स पढ़ रही हूँ एक एडम स्मिथ के एंड एक रिकार्डो के ठीक है फाइन सो जो रिकार्डो है इसने दो स्टेजेस की यहाँ पे बात की है एक प्रोग्रेसिव स्टेट एंड एक स्टेशनरी स्टेट तो उसने कहा है प्रोग्रेसिव स्टेट वो होता है जहाँ पे प्रॉफिट रेट्स ज़्यादा होते हैं और स्टेशनरी स्टेट वो होता है जहाँ पे रेट ऑफ़ प्रॉफिट ज़ीरो होता है बट यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट्स ज़ीरो नहीं है प्रॉफिट्स के बढ़ने की रफ़्तार ज़ीरो है ठीक है ये चीज़ एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया भी था एक बार सो so याद रखिएगा ये रेट ऑफ़ प्रॉफिट ज़ीरो नॉट द प्रॉफ़िट ज़ीरो अगर मैं कहूँ कि दिस थिंग इज हैपनिंग दिस मीन रेट ऑफ प्रॉफिट इज जीरो दस परसेंट है बट वो बढ़ नहीं रहे मीन्स रेट ऑफ प्रॉफिट इज जीरो ग्रोथ रेट इसका प्रॉफिट का जीरो है. तो ये डायग्राम ये की बात की है रिकार्डो ने रिकार्डो ने ये डायग्राम दी है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट एंड यहाँ पे है कैपिटल एक्मलेशन ठीक है तो जो कैपिटलिस्टिक्स हैं वो क्या करते हैं जब ज्यादा से ज्यादा लेबर हायर करते हैं तो उनके प्रॉफिट्स भी इससे बढ़ते जाते हैं तो ये प्रोग्रेसिव स्टेट जो है ना इसमें प्रॉफिट्स काफ़ी स्पीड पर बढ़ रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद स्टेशनरी स्टेट ये वाला स्टेट आता है ये रिग्रेसिव स्टेट है रिग्रेसिव स्टेट इसमें प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं बट प्रॉफिट्स बढ़ने की रफ़्तार यहाँ पे कम है तीसरा स्टेज आ जाता है स्टेशनरी स्टेट जब आप देख सकते हैं ये लाइन एकदम सीधी सी हो गई यानी कि प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ने यहाँ पे कम हो गए जीरो जीरो हो हो गए रेट ऑफ प्रॉफिट गया ठीक है बट जैसे मैंने कहा प्रॉफिट जीरो नहीं है रेट ऑफ प्रॉफिट जीरो है तो समझिए टू बिगन विद ओवल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर था सबसे पहले सबसे पहले कैपिटलिस्टिक्स ने इतना एम्प्लॉयमेंट मतलब इतने लेबर को हायर किया ठीक है तो यहाँ पर क्या था आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा रिकार्डो का ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इस इस कंसेप्ट का जिक्र रिकार्डो ने अपनी रेंट की थ्योरी में भी किया है तो सबसे पहले जब वो ओवल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हायर करते हैं कैपिटलिस्टिक्स ठीक है तो यहाँ पे लैंड फर्टाइल है मतलब अच्छी खासी लैंड है पॉपुलेशन भी कम है और प्रॉफिट रेट उनको बहुत अच्छा खासा मिल जाता है तो प्रॉफिट्स प्रोग्रेसिव रेट पर बढ़ रही हैं बट कहते हैं जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो कल्टीवेशन है ध्यान से इस चीज़ को रीड कीजिए इन्फीरियर ग्रेड्स ऑफ कल्टीवेशन और ब्राउड अंडर कल्टीवेशन यानी कि ध्यान से समझिएगा मेरे पास ये सारी लैंड है इस लैंड के मैं यहाँ पे तीन ग्रेड्स लिख लेती हूँ ए बी एंड सी जो मेरा ए ग्रेड की लैंड है ये बहुत अच्छी है फर्टाइल है बी ग्रेड की लैंड जो है ये लेस फर्टाइल है सी ग्रेड की लैंड जो है ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है ठीक है तो जब पॉपुलेशन स्मॉल है तो वो क्या करेगी ये जो ए ग्रेड की फर्टाइल लैंड है इसका यूज़ करेगी और इस कम पॉपुलेशन की डिमांड इतनी लैंड से कवर हो जाएगी बट जब पॉपुलेशन बढ़ेगी जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये फर्टाइल ग्रेड्स लैंड के ख़त्म हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे फिर बढ़ती हुई पॉपुलेशन को यहाँ पर आना पड़ेगा लेस फर्टाइल लैंड का यूज़ करना पड़ेगा तो यहीं से स्टार्ट होते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। रिकार्डो ने अपनी रेंट की थ्योरी में भी यही डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात की है कि जब जो फर्टाइल लैंड है वो ख़त्म हो जाती है तो लोगों को लेस फर्टाइल लैंड का यूज़ करना पड़ता है यानी कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स की कमी है नेचुरल रिसोर्स हमारे पास स्कैर्स हैं जैसे उसने यहाँ पे लैंड की एग्जाम्पल दी है कि लैंड स्केर्यर्यर्यर्यर्यर्स है और उस स्र्सिटी के कारण ही रेंट राइज होता है उस scarcity के कारण ही यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं तो देखिए सो वो कहते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इन्फीरियर ग्रेड्स लैंड के यूज में आने लग जाते हैं जिससे डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहाँ पे स्टार्ट होता है सो एट ओ एल वन जहाँ पे अब क्या पॉपुलेशन बढ़ गई ज्यादा लेबर हायर कर ली कैपिटलिस्टिक्स ने तो यहाँ पे वो क्यू पॉइंट पर पहुंच गए यानी कि उनके प्रॉफिट जो है यहाँ पे जो है वो रुक गए आकर क्यों रुक गए क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न डिमिनिशिंग रिटर्न का क्या मतलब हुआ कि रिटर्न कम होने शुरू हो गए ठीक है क्यू पॉइंट पे प्रॉफिट रेट जीरो हो जाता है इसी को हम स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं तो बेसिकली रिकार्डो ने क्या कहा है कि इस स्टेशनरी स्टेट का रीजन क्या है क्या रीजन है इसका डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सिस की क्या है स्कैरसिटी है रिसोर्सिस की कमी है इन्हीं रिसोर्सिस की कमी के कारण डिमिनिशिंग uh, रिटर्न होते हैं और इन डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण ही यहाँ पे प्रॉफिट रेट जीरो हो रहा है समझे ये डायग्राम बताइए इज इट फाइन यस इज इट फाइन बता दो जी फटाफट से इज इट फाइन किसी को इसमें कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए पांच बजे अन अकेडमी पर फ्री क्लास जो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली सभी बच्चे उसमें आया करो और फ्री वाली क्लासेस का लुफ्त उठाया करो ठीक है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली तो सभी उसमें पार्टिसिपेट किया करो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्यों आप लोग उसका लुफ्त नहीं लेते ठीक है फाइन चलो तो ये चीज थी बस ये आ गई आपकी मार्क्शन की थ्योरी मार्क्शन की थ्योरी कल की क्लास में पढ़ेंगे बहुत लंबी थ्योरी है वी विल डिस्कस इट टो तो ये थी आपकी क्लासिकल थ्योरी जिसमें हमने बुक्स का नाम पढ़ा सारे व्यूज पढ़े डेवलपमेंट के एजम्पन्स पढ़ी रिकार्डो के व्यू पॉइंट्स पड़े उसकी बुक का नाम पड़ा और डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन किया तो यही चीज़ क्लासिकल इतना कर लो क्लासिकल मॉडल में क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे ठीक है सो सेशन अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा थैंक यू वेरी मच रेगुलर आया करें कल की क्लास भी ज़रूर देखिएगा टेक केयर बाय गुड इवनिंग यस वेरी गुड इवनिंग टू ऑल सो बात कर रहे हैं आज हम मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की वेलकम टू एम एस स्टडी गुरु सो एज यू नाउ कि ये चौथा पार्ट है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स का इसमें हम इससे पहले हैरेट डोमर का सोलो का इंडिग्नस ग्रोथ थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कर चुके हैं ठीक है थीके? तो so, आज हम करने जा रहे हैं मार्क्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट आप में से जो भी बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है पहली बार चैनल पर आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को एंड तक देखिएगा डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वहाँ पर आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी यन अकेडमी पर फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक दे रखा है वहाँ पर आप जा सकते हैं वहाँ पर मेरा पूरा प्लस कोर्स भी अवेलेबल है आप उसका हिस्सा बन सकते हैं सिमट एन कोड लगा के सब्सक्रिप्शन पर मैक्सिमम ऑफ भी ले सकते हैं यस सो वेरी गुड इवनिंग फटाफट से एक बार आप अपनी तरफ से लाइक like शेयर कर दीजिए सेशन को ताकि सभी को पता चल पाए कि क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है तो बेसिकली मार्क्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में आज वो सब चीज़ें आपको करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले ध्यान से समझिए जो मार्क्शन की थ्योरी है किस बुक में दी गई है दास कैपिटल बुक का नाम है 1867 में दास कैपिटल बुक में ये थ्योरी दी गई है ठीक है तो इस थ्योरी के कुछ मेन आइडियाज़ हैं इनको समझने की कोशिश करिएगा सबसे पहला है मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री तो जो मार्क्स है ना इसने आ, हिस्ट्री को इन पांच स्टेजेस में डिवाइड किया है तो ये पांच स्टेजेस के नाम याद रख लीजिएगा कि मार्क्स ने कहा है कि जो हिस्ट्री थी उसमें जो हमारी एकनमी है जो हमारा कंट्री है वो इन पांच स्टेजेस के निकलकर जाता है ठीक है हमारी ये इन पांच स्टेजेस से निकल के जाती है और इन पांच स्टेजेस की सीक्वेंस आपको याद रखनी है

तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम बेसिकली वो होता है जिसमें कैपिटलिस्टिक्स का राज होता है कैपिटलिस्टिक्स अपनी मन मर्जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं तो अपनी पूंजी का गठन करते हैं कैपिटलिस्टिक जो है अपनी पूंजी का गठन करते हैं अपने बिजनेस खड़े करते हैं वर्कर्स को हायर करते हैं कम सैलरी पर खुद प्रॉफिट्स कमाते हैं और जिससे अपने कैपिटल को री करके वो प्रॉफिट्स कमाते रहते हैं बट जो सोशलिज्म सिस्टम होता है समाजवाद इसमें कैपिटलिज्म के प्रॉफिट्स पर रोक लगा दी जाती है क्योंकि यहाँ पे वट टू प्रोड्यूज फ्रॉम फॉर होम टू प्रोड्यूस ये सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी इकोनॉमिक की बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये सरकार की हाथ में होती हैं सरकार की मर्जी है वो किस चीज़ को प्रोड्यूस करने की अनुमति देती है किसकी नहीं देती uh, जो सोशलिज्म सिस्टम है इसमें इक्वलिटी होती है कोई भी ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अमीर नहीं बन सकता क्योंकि कोई प्राइवेट बिजनेस शुरू नहीं कर सकता अर्शदीप कौर जी मैंने आपको कहा था अभी सवा सात बजे सात बीस के आसपास आपकी प्लस पे क्लास है अन अकेडमी क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन ली है तो प्लीज़ उस क्लास में आइएगा मैं लिंक टेलीग्राम में डालूंगी तो आई विल क्लियर योर डाउट्स हियर ठीक है वहाँ पर मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी जो भी प्लस की मेरी पुरानी क्लासेज आपको देखनी है ठीक है तो अब इसकी ये हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन इसकी बात हुई है दूसरा इसने दिया है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में क्या है कि जो कैपिटलिस्टिक्स हैं वो सोशलिज्म को एक्सप्लो जो लेबर क्लास है उसको एक्सप्लॉयट करते हैं जो बड़े बड़े पूंजीवादी हैं वो जो उनके नीचे उनके अंडर वर्कर्स हायर कर रहे हैं उनको एक्सप्लॉयट करते हैं उनसे काम ज़्यादा लेना और उनको वेजेस कम देनी ये चीज़ आपने अभी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में देखी होंगी जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं लेबर्स का मतलब ना जिसको चुम्बर निकाल देते हैं इतना काम लेते हैं सुबह से लेकर रात तक ओवर टाइम लगाओ संडे की नहीं छुट्टी है ना तो नाइट शिफ्ट्स लगाओ ये करो इतना काम देते हैं बट उस अकॉर्डिंग इतनी सैलरी नहीं देते ठीक है बहुत सारी फैक्ट्रीज में सभी में तो नहीं ऐसा होता बट कईयों में होता है ठीक है वेजेस कम देते हैं इस तरह से लेबर को एक्सप्लॉयड करके वो पैसा सरप्लस कमाते हैं और इसी सरप्लस से वो पूंजी का गठन करते हैं बट मार्क्स कहते हैं कि एक टाइम वो आता है जब जो वर्कर्स है ना पूरा अपना रिवोल्ट खड़ा कर लेते हैं तो जब वर्कर्स रिवोल्ट खड़ा कर लेते हैं उस कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बोलते हैं या फिर कैपिटलिस्टिक uh, के किसी भी कारण जब प्रॉफिट्स कम होने शुरू हो जाते हैं तो उन प्रॉफिट्स कम होने के कारण ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम की जगह ले लेता है सोशलिज्म सिस्टम ठीक है सोशलिज्म सिस्टम फिर उसने सरप्लस वैल्यू की बात की है जो मैंने अभी आपको समझाई है इसका कंसेप्ट हम आगे जाके और डिटेल में समझेंगे रिजर्व आर्मी का कंसेप्ट क्या है कि जब कैपिटलिस्टिक से ज़्यादा प्रॉफिट्स की होड़ में वर्कर्स को काम से निकाल देते हैं तो इसका भी हम आगे जाके अभी समझते हैं सभी ये चीजें तो ये समझ में आ गया थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल मैंने आपको समझा दिया अब मार्क्स कहता है कि एक जो कैपिटलिस्टिक है बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म खुद ही अपनी डिस्ट्रक्शन का यहाँ पे कारण बनते हैं कैसे उनका लालच ही उनको उनकी डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है Marx कहते हैं इकॉनमी में जो टोटल कैपिटल है वो यहाँ पे तीन चीजों में बटा हुआ है कांस्टेंट कैपिटल जैसे कि मशीन्स वगैरह वेरिएबल कैपिटल जैसे कि लेबर सरप्लस वैल्यू सरप्लस वैल्यू क्या है इसका मतलब अभी आपको समझाती हूँ मान लीजिए कि एक वर्कर से काम लिया गया बीस घंटे बीस घंटे और उसको सैलरी जो है वो दस घंटे की जितनी दी गई तो यहाँ से सरप्लस क्रिएट होता है इसका हम आगे जाके फार्मूला भी पढ़ेंगे कि वर्कर्स से काम ज़्यादा लेना सैलरी कम देनी दैट इज अ सरप्लस वैल्यू इसी तरह एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है रेट ऑफ एक्सप्लोइटेशन क्या है रेट ऑफ एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है एस ओवर वी एस का मतलब सरप्लस वैल्यू वी का मतलब वेरिएबल कैपिटल यानी कि लेबर ठीक है तो ये याद रखना अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज समझिए ये ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल क्या है तो जो कैपिटलिस्टिक्स होते हैं वो एक पॉइंट तक लेबर का फायदा उठाते हैं मतलब लेबर से सरप्लस जनरेट करते हैं बट फिर ना कैपिटलिस्टिक सोचते हैं कि अब लेबर को एक लिमिट तक एक्सप्लॉयट किया जा सकता है जो हमने कर लिया चलो अब अब क्या करते हैं हम कैपिटल को एक्सप्लॉयट करके प्रॉफिट्स कमाना है स्टार्ट करते हैं यानी कि वो क्या सोचते हैं ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने की होड़ में ना वो आ, लेबर की जगह मशीनरी लाने लग जाते हैं यानी कि लेबर को काम से निकाल कर उनकी जगह मशीन्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं बट ये है चीज आप सबको पता है कि लेबर तो फिर भी थकी यारी काम कर लेगी बट एक मशीन जब एक बार खराब हो गई ना वो छोड़ देगी भी बस मेरी तो बस मैं नहीं काम करूंगी मशीन नहीं अपनी हद से ज्यादा काम करती कभी है ना तो मतलब लिमिट से ज़्यादा एक्सप्लॉयट हम नहीं कर सकते मशीन्स को हम लिमिट से ज़्यादा एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते एक लिमिट होती है उनकी एक्सप्लोटेशन की तो यहाँ पे अब ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट क्या कहता है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का मतलब होता है सी ओवर वी यानी कि कांस्टेंट कैपिटल कैपिटल ओवर वेरिएबल जब कैपिटलिस्टिक से ज्यादा प्रॉफिट की होड़ में मशीनें रख लेते हैं और लेबर को काम से निकाल देते हैं तो आपका ये के बढ़ जाता है यानी कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है है ना ऐसे कांस्टेंट कैपिटल बढ़ जाता है वेरिएबल कैपिटल से यानी कि आपकी के की वैल्यू बढ़ जाती है ठीक है तो इस के के बढ़ने से वो कहता है रेट ऑफ प्रॉफिट जो है कैपिटलिस्टिक्स के वो कम होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो मशीनरी को ज्यादा एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते अगर एक मशीनरी ने कहा कि आठ घंटे काम करेगी दस घंटे लोगे गर्म हो जाएगी काम करना बंद कर देगी है ना तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बड़ी तो इससे प्रॉफिट रेट कम होने शुरू हो जाते हैं ठीक है प्रॉफिट रेट क्या होते हैं कम होने शुरू हो जाते हैं सो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट रेट में जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स रिलेशन होता है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है याद रखिएगा देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ प्रॉफिट ठीक है अब यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट का फार्मूला देखिए ये सिंपल सा ये फार्मूला देख लीजिए रेट ऑफ प्रॉफिट का फार्मूला होता है सरप्लस वैल्यू ओवर कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड फार्मूला है एज इट इज याद करना पड़ेगा एग्जाम में पूछा जाता है And एक फार्मूला पे rate of surplus value का भी है एस ओवर बी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड मतलब सरप्लस वैल्यू ओवर वेरिएबल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है, है 100. मतलब, 100. ये वाला भी मैंने करवाया आपको तो ये जो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है यही शो करता है कितनी एक्सप्लोटेशन हो रही है लेबर बेचारे की तो अब हम रिज़र्व आर्मी के बारे में समझते हैं जैसे मैंने आपको कहा था कि जो कैपिटलिस्टिक्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के चक्कर में वर्कर्स को काम से निकाल के उनकी जगह पर मशीनें रख लेते हैं तो इसको हम रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर बोलते हैं जो वर्कर्स काम से निकाल दिए गए हैं ठीक है टेक्निकली डिस्प्लेस्ड पर्सन मतलब टेक्निक के आ जाने के कारण जिन वर्कर्स को काम से निकाल दिया गया उन्हीं को हम रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर बोलते हैं ठीक है तो ये कंसेप्ट समझ में आया अब आ, जैसे ही ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बढ़ती है जैसे ही रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर बढ़ती है तो टाइम आ जाता है कैपिटलिस्टिक्स की तबाही का जैसे मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपोजिशन बढ़ने से प्रॉफिट्स कम होने शुरू हो जाएंगे और जैसे रिजर्व आर्मी क्रिएट होगी तो वो रिजर्व आर्मी कैपिटलिस्टिक्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करेगी तो इन दोनों कारणों के कारण जो कैपिटलिस्टिक्स है उनके प्रॉफिट्स कम माने शुरू हो जाते हैं हो जाते हैं तो शुरुआत होती है कैपिटलिस्टिक के डिस्ट्रक्शन की ठीक है तो अब वो कहता है कैपिटलिस्टिक्स का प्रॉफिट रेट दो कारणों के कारण डिक्लाइन होता है पहला कारण जो मैंने अभी आपको समझाया ऑर्गेनिक कंपोजिशन कि अगर हम देखिए मान लीजिए पहले मैं कॉन्स्टेंट uh, कैपिटल की अमाउंट वन रख रही थी और वेरिएबल कैपिटल की अमाउंट टू रख रही थी बट अब मैंने कॉन्स्टेंट कैपिटल की अमाउंट टू कर दी और वेरिएबल कैपिटल की अमाउंट वन कर दी तो इसका क्या मतलब हुआ मेरा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बढ़ गया ना है ना क्योंकि मैंने कांस्टेंट कैपिटल बढ़ा दिया तो मेरा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बढ़ गया तो मैंने क्या कहा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के बढ़ने से प्रॉफिट रेट जो है वो कैपिटलिज्म कैपिटलिस्टिक्स के क्या होंगे कम हो जाएंगे दूसरा इसका कारण है अंडर कंजम्पशन इसका मतलब समझिए थोड़ा सा अब कैपिटलिस्टिक्स ने गेम खेली कैपिटलिस्टिक्स ने लेबर को काम से निकाल दिया उन्होंने दूर की नहीं सोची कैपिटलिस्टिक्स ने दूर की नहीं सोची अगर वो लेबर को काम से निकाल देंगे ना तो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कौन करेगा बताइए क्योंकि लेबर के पास तो पैसा ही नहीं है लेबर तो अनएम्प्लॉयड हो गए समझ के देखिए सोच के देखिए अगर उन्होंने लेबर को काम से निकाल दिया यानी कि लेबर हो गए अनएम्प्लॉयड तो अगर एक बंदा अनएम्प्लॉयड है तो वो मार्केट में जाके डिमांड क्यों करेगा यानी कि कैपिटलिस्टिक्स के, के बनाए हुए प्रोडक्ट्स की यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी डिमांड क्यों कम हुई क्योंकि कैपिटलिस्टिक्स ने तो काम से निकाल दिया था लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया था तो इन दो कारणों के कारण कैपिटलिस्टिक्स की क्या होती है डिस्ट्रक्शन होती है आया समझ में बात ठीक है हाँ तो अब इस थ्योरी की कुछ मेन अजम्पन्स थोड़ी सी समझ लेते हैं आ, हमने क्या यहाँ पे बात की दो क्लासेस हैं एक बोर्गसी एंड एक प्रोलिटरेटेड बॉर्गेसी एंड प्रोर्गेसी यहाँ पे जो रिच क्लास है ना जो कैपिटलिस्टिक्स हैं वो उसको उसने बॉर्गेसी का नाम दिया प्रोलिटरेट जो वर्कर क्लास है जो उनके अंडर काम कर रही है और वे वर्कर्स की वेजेस जो है सबसिस्टेंस लेवल पे डिटरमाइन की जाती है मतलब उस लेवल पे जिस पर वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाएं उससे ज्यादा पैसे नहीं उनको मिलते घूमने फिरने लाइफ इंजॉय करने के पैसे नहीं मिलते जस्ट रोटी कपड़ा मकान जितने पैसे मिलते हैं ठीक है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू जनरेशन का प्रिंसिपल सोर्स लेबर है यानी कि जो कैपिटलिस्टिक्स है वो शुरुआती चरण में लेबर के थ्रू ही अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं लेबर के थ्रू ही अपनी वैल्यू जनरेट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्टिक्स के द्वारा ओन किए गए हैं यानी कि कैपिटल एंड लेबर पर कैपिटलिस्टिक्स का राज है और कैपिटलिस्टिक्स वर्कर को एक्सप्लॉयड करते हैं उनको वेजेस कम देके और उनसे काम ज्यादा लेके दो टाइप्स के कैपिटल की हमने बात की थी कांस्टेंट एंड वेरिएबल कांस्टेंट में मशीन्स और वेरिएबल में लेबर लेबर एक तरह की है यानी कि एक तरह की स्किल्स है सब में है ना और परफेक्टली मोबाइल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से आ सकती है इकोनॉमी में कंपटीशन है यहाँ पे परफेक्ट ठीक है अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप एक बार समझ लीजिए थोड़ी सी देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सरप्लस लेबर एक मिनट हाँ, तो मैंने यहाँ पे सरप्लस लेबर निकालना सिखाया है एंड सरप्लस वैल्यू निकालनी सिखाई है सरप्लस लेबर का फार्मूला होता है टोटल लेबर माइनस नेसेसरी लेबर इसी तरह सरप्लस वैल्यू का फार्मूला होता है टोटल वैल्यू माइनस वेजेस ठीक है तो मान लीजिए कि जो एक वर्कर है उसका नेसेसरी टाइम जितना टाइम उसको चाहिए दिन में बीस रुपये कमाने के लिए दो घंटा ठीक है वर्कर का मान लीजिए नेसेसरी टाइम जो जरूरी है उसको बीस रुपए कमाने के लिए दो घंटे हैं दिन के दो घंटे काम करके वो बीस रुपए कमा सकता है बट लेबर से लेबर से आठ घंटे काम लिया जा रहा है आठ घंटे काम लेकर भी उसको सिर्फ बीस रुपए ही दिए जा रहे हैं तो आप इसको माइनस कर दीजिए आठ घंटे जो उससे लिए जा रहे हैं माइनस नेसेसरी लेबर जो जरूरी था बीस कमाने के लिए ठीक है टू ओर्स तो जो बचा आपका उसको हम बोलेंगे सरप्लस लेबर सिक्स ओर्स सिंपल ठीक है इसी तरह सरप्लस वैल्यू का फार्मूला है टोटल वैल्यू माइनस वेजेस अब इस चीज को ध्यान से समझिए जो लेबर है ना वो आठ घंटे काम करके अस्सी रुपये जितना प्रोड्यूस कर रहा है अस्सी रुपये जितना प्रोड्यूस कर रहा है बट उनको सैलरी दी जा रही है सिर्फ आठ घंटे काम करके बीस रुपए तो इसमें जो डिफरेंस है ये आपका होता है सरप्लस वैल्यू फाइन सो आई थिंक एवरी थिंग इज क्लियर टू आर अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज एक बार दोबारा से क्लास को देखिएगा और उस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा ठीक है तो ये आज हमारा खत्म हुआ मार्क्शियन मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो अभी इसी के सडन बाद एक दो मिनट बाद आपकी प्लस की क्लास में स्टार्ट करने वाली हूँ मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का जो नया बैच स्टार्ट हुआ है वो वाली ठीक है so, सो चीज़ें समझने के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच रेगुलर क्लास ज्वाइन किया करें चीज़ों को समझा करें और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी जिसको भूलना आपको बिल्कुल भी नहीं है आज क्लास देखी कल नहीं देख रहे तो इससे काम नहीं चलेगा ठीक है जी और मैंने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और अन अकेडमी की प्रोफाइल की भी डिटेल दे रखी है और अभी प्राइस ड्रॉप भी चल रहा है तीस तारीख तक जिसको सब्सक्रिप्शन लेनी है सिमर टन कोड लगा के ले लो प्राइस ड्रॉप का फ़ायदा ले लो कल मिलेंगे जी ओके वेरी गुड इवनिंग टू ऑल जी हाँ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल तो वेलकम टू एम एस स्टडी गुरु क्या हाल चाल है सबके बात करने वाले हैं आज हम शुम पेटर मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है कमेंट सेक्शन में आके अप दे दीजिए ताकि मैं सेशन स्टार्ट कर पाऊँ और लाइक शेयर कर दीजिए क्लास को क्योंकि आज इवनिंग से टाइम पर क्लास लग रही है सो बहुत सारे बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुंचा ही नहीं होगा वैसे मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है आप में से कोई भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है मेरी सारी क्लासेस देखना चाहता है हिस्सा बनना चाहता है मेरे कोर्सेज का तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सभी चीज़ों का अपडेट आपको वहीं पर मिलता है ठीक है अन अकेडमी की प्रोफाइल का लिंक भी दिया गया है वहाँ पर आकर आप मेरी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे पूरे कोर्स की एस भी ले सकते हैं सिमर कोड लगाकर एंड यू जी सी नेट इक्नॉमिक्स की मेरी बेस्ट सेलिंग इकनॉमिक्स की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप ले सकते हैं सो so, जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा लेट्स स्टार्ट तो बात कर रहे हैं शुम्भ पीटर मॉडल की इससे पहले मैं आपको हैरेडोम और सोलो इंडिग्नस क्लासिकल एंड मार्क्शन ये पांच थ्योरीज कवर करवा चुकी हूँ ये आपकी सिक्सथ थ्योरी है सिक्सथ थ्योरी शुम पीटर थ्यूरी तो पूरा क्रक्स इस थ्योरी का आज की इस लेक्चर में समझाने वाली हूँ इसके बाद आपको कहीं और से भी इस थ्यूरी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यस तो पहले ये जो थ्योरी है ना मैं आपको एक कहानी की फॉर्म में सुनाऊंगी ठीक है उसके बाद फिर हम थैरेटिकल चीज़ों पर आएंगे फाइन तो पहले सुनते हैं कहानी मज़ेदार वाली कहानी तो होता गया अब शुम पीटर क्या कहता है देखिए शुम्भ पीटर कहता है कि जो ट्रेड साइकिल्स है ना हमारे बिजनेस साइकिल उसका मेन कारण इनोवेशन होता है शुभ पीटर असल में कहता है कि जो एक इकॉनमी है ना वो एक सर्कुलर फ्लो में चल रही होती है जैसे सब सब चीज़ें इकॉनमी में सर्कुलर फ्लो में चल रही होती हैं जैसे एक ह्यूमन की बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है ना एक आ, उसी तरह से इकॉनमी में सभी एक्टिविटीज़ जो है वो एक सर्कुलर फ्लो में चल रही होती है जैसे कि आप सबको पता है कि सर्कुलर फ्लो क्या है कि जैसे ही आ, हमारी इकॉनमी में लोगों की इनकम बढ़ेगी इनकम के बाद डिमांड बढ़ेगी डिमांड के बाद अपने जो है प्राइजेज़ बढ़ेंगे ना एक सर्कुलर मोशन में सब चीज़ें वो कहते हैं चल रही है और इकॉनमी में एक तरह से इक्वलिब्रियम है ठीक है इक्लिब्रियम है और ये जो इक्ुलिब्रियम है ना ये इक्वलिब्रियम ये इक्वलिब्रियम भंग तब होता है जब इकॉनमी में इनोवेशन आती है तो, ठीक है तो इनोवेशन क्या करती है इकॉनमी में डिस इक्वलिब्रियम लेके आती है इस इक्वलिब्रियम वाली सिचुएशन को डिस इकोलिब्रियम में करने का काम यानी कि जो चीजें सर्कुलर फ्लो में चल रही थी उस सर्कुलर फ्लो जो सर्कुलर फ्लो है वो डिवेस्टेड हो जाता है इस इनोवेशन के कारण ठीक है जब भी कोई नया इंटरप्रीनियर आता है वो नई इनोवेशन करता है इनोवेशन कोई नया प्रोड्यूस प्रोडक्ट uh, जो है वो लेकर आता है और जिससे ये सर्कुलर फ्लो डिस्ट्रॉय हो जाता है इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाता है ठीक है तो इकॉनमी में होती है ग्रोथ ठीक है बट वो कहता है कि असल में ये जो इनोवेशन के कारण ग्रोथ है ना ये स्थाई नहीं है पहले तो चलो ग्रोथ होती है वो उसने एक और चीज़ यहाँ पे बताई है कि ये जो ग्रोथ होती है ना ये दो कारणों के कारण होती है जो इनोवेटर्स होते हैं ना एक तो उनमें टेक्निकल नाव हाव का होना बड़ा ज़रूरी है दूसरा उनके पास क्रेडिट होना बड़ा ज़रूरी है देखिए आप हैं मैं हूँ हम सभी हैं अगर हम में टेक्निकल नाव हाव नहीं अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं जानते तो हम कोई नया इनोवेशन नहीं कर पाएंगे दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा सबके पास पैसा नहीं होता जो इनोवेशन कर रहा है उसके पास पैसा होगा तभी वो इनोवेशन करेगा तो उसके लिए शोम पीटर ने कहा है कि उसे बैंक से कर्जा लेना पड़ता है बैंक से क्रेडिट लेना पड़ता है इनोवेशन करने के लिए तभी वो बंदा इनोवेशन करने के कैपेबल बनता है अब जब वो इनोवेशन कर लेता है तो इकॉनमी में सब कुछ बढ़ने लगता है प्रॉफिट्स बढ़ गए एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है ना मतलब प्रोस्पैरिटी वाला फेस आ जाता है बट ये फेस भी सदा नहीं रहता ठीक है अल्टीमेटली ऐसा होता है कि क्यों क्योंकि न्यू इनोवेशन आई है न्यू इनोवेशन आई है नई चीज़ बनी है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उस चीज़ की सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा होती है सप्लाई डिमांड से ज्यादा होने के कारण अल्टीमेटली वो जो नई इनोवेशन आई थी ना उसके प्राइजेस कम होने लगते हैं और यानी कि इनोवेटर के प्रॉफिट्स कम होने लगते हैं तो ये जो वेव हमारी प्रोस्पैरिटी में जा रही थी ना ये फिर धीरे धीरे रिजेशन में आनी शुरू हो जाती है क्योंकि धीरे धीरे प्रॉफिट्स डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे एक और कारण रहता है कि जो इनोवेटर्स थे उन्होंने बैंक से कर्जा लेके इनोवेशन की थी धीरे धीरे अब उनको वो कर्जा भी चुकाना होता है तो उन कर्जे को चुकाने के चक्कर में उनके खुद के प्रॉफिट्स कम होने शुरू हो जाते हैं जिस कारण इकोनमी में फिर से रिजेशन आ जाता है तो इसकी बात की है शोमपीटर ने बट शोम ने कहा है ये प्रोसेस यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती ठीक है उसके बाद क्या होता है ये इनोवेशन दोबारा से रिपीट होती है अब दूसरे फॉर्म जो थे उन्होंने देखा अरे भाई इतने तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया था हम सभी भी ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करते अब जो दूसरे मार्केट में बंदे बैठे हुए थे उसने भी उस इनोवेशन की रील्स लगा के उसी इनोवेशन की कॉपी निकाल दी ठीक है इसको शुम पीटर ने कहा है स्वैम लाइक क्लस्टर्स का कंसेप्ट स्वैम लाइक क्लस्टर्स अब पढ़ेंगे ये तो मैं कहानी सुना रही हूँ तो अभी सभी इनोवेटर्स जो दूसरे भी थे मार्केट में फॉर्म जो थे दूसरे भी उन्होंने भी उस पर्टिकुलर इनोवेशन की कॉपी करनी शुरू कर दी ठीक है तो इससे क्या हुआ फिर से दोबारा इकॉनमी में एक एक्सपेंशनरी वेव आई और याद रखिएगा ये जो सेकेंड टाइम एक्सपेंशनरी वेव आई है ना इकॉनमी में ये पहली वाली प्राइमरी वेव से हाइयर रहती है हाइयर रहती है ठीक है फिर इसमें भी डाउन टर्न आती है तो ये चीज़ चुम पीटर ने सारी अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया होपफुली आप सबको इसका क्रक्स जो है सेंट्रल आइडिया पता लग गया होगा अब हम चलेंगे मॉडल की तरफ ठीक है तो बेसिकली ये जो शुम पीटर का मॉडल है ये उसकी बुक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1911 में जो आई थी उसमें आया था तो उसने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वही चीज़ जो मैंने आपको कही एक डिसकॉन्टीन्यूस चेंज है यानी कि इकॉनमी हमारी कॉन्टीन्यूसली एक दिशा में चल रही थी और उस कॉन्टीन्यूटी में डिसकॉन्टीन्यूटी का काम किसने किया इनोवेशन ने किया ठीक तो है तो शुम पीटर ने कहा है डेवलपमेंट जो है वो स्पॉन्टेनियस एकदम से और एक कॉन्टिन्यूस चेंज है हमारे सर्कुलर फ्लो में जो इक्वलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती है ठीक है और ये इक्वलिब्रियम डिस्टर्ब करने का काम ये डेवलपमेंट करने का काम कौन करती हैं इनोवेशन करती हैं सर्कुलर फ्लो डिस्टर्ब होता है इनोवेशन के थ्रू ठीक है वही चीज जो अभी मैंने आपको समझाई है कि इकॉनमी में सब कुछ इक्वलिब्रियम में चल रहा है अचानक से कोई इनोवेशन करता है आके और वो जो सर्कुलर फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है इक्वलिब्रियम डिस इक्वलिब्रियम में बदल जाता है ठीक है तो अब जो शुम पिटर है वो कहता है ये पांच तरह की इनोवेशंस होती हैं चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबको इन्वेंशन एंड इनोवेशन में फ़र्क समझ होना चाहिए इन्वेंशन एंड इनोवेशन ये अलग चीज़ें हैं जी इन्वेंशन का मतलब है जब बेसिकली कोई चीज़ डिस्कवर कर हो रही है डिस्कवरी हो रही है जब उस डिस्कवरी को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा है ना तो वो इनोवेशन बनती है ठीक है तो पांच तरह की इनोवेशन क्या है? या तो वो जो है वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा या तो वो प्रोडक्शन की कोई नई टेक्निक कोई नया मेथड लॉन्च करेगा या तो वो कोई रॉ मटेरियल का नया जरिया फाइंड करेगा या तो वो कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगा है ना जैसे कि कार्टल्स बना लिए मनोपली है ना कोई नई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू मार्केट बनाएगा ठीक है तो ये पांच तरह की इनोवेशंस जो है एक इनोवेटर के द्वारा की जाती हैं याद रखिएगा तो अब वो जो मैंने अभी बताया इनोवेटर में क्वालिटीज़ क्या होती हैं जो इनोवेटर है उसको टेक्निकल नाव हाउ का पता होना चाहिए और फंड्स मैनेज कर सके यानी कि कहीं अगर उसके पास पुराने अपने फ़ंड्स पड़े हैं तो ठीक है नहीं तो वो बैंक से क्रेडिट लेगा ज़्यादातर केसेस में शुम पीटर ने कहा कि जो इनोवेटर होते हैं वो बैंक से क्रेडिट लेकर ही इनोवेशन करते हैं ठीक है तो ये चीज़ मैंने आपको भी समझाई कि जब ये इनोवेशन होती है ना तो वो इकोनमी में एक्सपेंशनरी फेस आता है बट जल्द ही ये जो एक्सपेंशनरी फेस है ये रिजैशनरी फेस में बदल जाता है ठीक है जो पुरानी चीज़ें हैं वो नई चीज़ों से रिप्लेस होती जाती हैं ठीक है थीके? तो ये जो ए, हमारा एक्सपेंशनरी फेस था ये रिजैशनरी फेस में बदल गया बट वो कहता है यहाँ पर ही डेवलपमेंट ख़त्म नहीं होती दोबारा से एक सेकेंडरी वेव भी आती है तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिए ये जो एक्सपेंशनरी फेस है ये रिजेशन में क्यों गया था मैंने इसके बारे में अभी पहले भी आपको समझाया था कि हुआ क्या कि जब न्यू डेवलपमेंट हुई न्यू इनोवेशन हुई ना तो मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई बढ़ गई लेकिन एकदम से डिमांड नहीं बढ़ी तो सप्लाई बढ़ने के कारण उस चीज़ के प्राइजेस कम हो, हो, हो गए प्राइजेस कम होंगे तो ऑबियसली प्रॉफिट्स डिक्लाइन होंगे इनोवेटर के और दूसरा इसका कारण था कि जो इनोवेटर था उसको बैंक क्रेडिट भी तो चुकाना था तो उसने बैंक क्रेडिट भी चुकाना शुरू कर दिया जब उसने बैंक से लिया कर्ज़ा चुकाना शुरू कर दिया तब भी उसके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो गए प्रॉफिट्स डिक्लाइन होने मतलब रिजेक्शनरी फेज आना है ना रिजैशनरी फेज आना तो ये चीज़ अब देखिए वही चीज़ जो मैंने समझाई है डाउन टर्न क्यों शुरू होती है अब यहाँ पे Uh, जो दूसरे इनोवेटर्स हैं यानी कि जो दूसरे मार्केट में फॉर्म्स थे वो भी उस इनोवेशन को कॉपी करना शुरू कर देते हैं इस कंसेप्ट को उसने स्वैम लाइक स्वैम लाइक क्लस्टर्स का मतलब कि दूसरे को कॉपी करना है ना अपने जो कंपिटिटर है जिसने इनोवेशन ये निकाली थी उसको उस इनोवेशन उस को कॉपी करना शुरू कर देना तो इनोवेशन अब इतनी कॉमन हो जाती है ना सारी मार्केट में बहुत कॉमन हो जाती है सारी मार्केट में वो इनोवेशन ठीक है तो ये चीज़ अब यहाँ पे जो जो सेकेंडरी वेव आती है मतलब दोबारा से जब ये इनोवेशन दोबारा से सभी मार्केट में सारी मार्केट ये जो है इस इनोवेशन को कॉपी करना शुरू कर देती है तो दोबारा से इसकी एक सेकेंडरी वेव आती है और ये जो सेकेंडरी वेव है ये पहली वाली प्राइमरी वेव से हाइयर होती है ठीक है तो बेसिकली ये है आपका शुम पीटर मॉडल जो मैंने आपको सहारा समझाया पहले स्टार्ट में ही मैंने कहानी की फॉर्म में आपको समझा दिया तो किसी पॉइंट में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो काइंडली आस्क मी टू एक्सप्लेन इट अगेन बुक के पेज नंबर टू वन टू जो मेरी अपडेटेड एडिशन वाली बुक है ना उसके पेज नंबर टू वन टू पे ये मॉडल है ठीक है तो बस यही था आज की क्लास में आपको ये मॉडल समझाना था अगली क्लास में मैं आपको बैलेंस्ड ग्रोथ अनबैलेंस्ड ग्रोथ एंड बिग पुश थ्योरी ये तीन चीज़ों के बारे में समझाऊंगी बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड एंड बिग पुश थ्योरी होपफुली आप आने वाली क्लासेस में भी मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहेंगे और इन क्लासेस का हिस्सा ज़रूर बनेंगे क्योंकि ये चीज़ें मैं सारी आपके लिए प्लान कर रही हूँ जब ये सारे ग्रोथ मॉडल्स ख़त्म हो जाएंगे इनका एक मैराथन भी मैं आपके लिए चलावा दूंगी तो ओके 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 सो थैंक यू वेरी मच अच्छा लगा सेशन लाइक शेयर कीजिएगा टेक केयर बाय यस ए वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हो आप सब हो ऑल फाइन से एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है सुन पा रहे हैं मुझे सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स की सीरीज़ हमारी चल रह, हमारी चल रही है इसमें हमारे तीन चार सेशन हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको हैरेड डोमर ग्रोथ मॉडल शुम पीटर सोलो इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल क्लासिकल मार्क्शन थ्योरी ये करवा दिया है अभी हमारा इस सीरीज़ में बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ आज होने वाला है बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी एंड बिग पुश थ्योरी ये हम आज करेंगे इसके बाद आपके तीन चार मॉडल्स और रह गए जैसे रोबिनसन का कैल्टर का लुइस का फीर एनिस का ठीक है तो जो भी बच्चा पहली बार चैनल पर आया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह की और वीडियोस के लिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा मेरी सभी क्लासेस के अपडेट्स जो हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आके थम्स अप देके बता दीजिए कि सब कुछ एकदम ठीक ठाक है प्रॉपरली आवाज़ आ रही है सुन पा रहे हैं अपना पेन पेपर पकड़ लीजिए साइमल्टेनसली अपने नोट्स बनाने के लिए सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस्ड ग्रोथ थ्यूरी प्रॉपरली आवाज आ रही देखिए जब मैं बात करूंगी बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी की तो एक चीज़ याद रखना ये जो बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी है ना ये किस किस के द्वारा एडवोकेट की गई है जो रोसेंटन रोडान है रैगनर नर्कसे है एंड आर्थर लुइस है इन तीनों ने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को सपोर्ट किया है एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को सपोर्ट किया है तो इन तीनों का नाम रट लीजिए रोडान नर्कसे एंड लुइस ठीक है बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी असल में ये कहती है कि एक साइमल्टेनस एंड हारमोनियस डेवलपमेंट होनी चाहिए इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स की ठीक है ऐसा नहीं है कि कुछ सेक्टर्स डेवलप कर दिए और कुछ नहीं किए साइमल्टेनस डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबकी एक ही बार में डेवलपमेंट होनी चाहिए एक ही टाइम पर साइमल्टेनस का मतलब अब सुबह आज आपको बताया था एक ही टाइम पर है ना तो एक ही टाइम पर इन सब सेक्टर्स की डिफरेंट सेक्टर्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए एक डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस क्रिएट होना चाहिए यूनिसन का मतलब भी वही है कि साइमल्टेनसली सभी सेक्टर्स की डेवलपमेंट ठीक है तो ये चीज सेंट्रल थीम है अब ये जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है इसमें रोडान नर्से एंड लुइस इन तीनों ने अपने अपने व्यूज पेश किए हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे ठीक है सो so, रोडान जो था ये पहला इकोनॉमिस्ट था जिसने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को सपोर्ट किया तो रोडान ने एक शू फैक्ट्री की शू फैक्ट्री की एग्जांपल देके के बैलेंस ग्रोथ को सपोर्ट किया था आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मेरी पहली कुछ क्लासेस से शू मेकिंग फैक्ट्री की एग्जाम्पल मुझसे समझी होगी ठीक है नहीं समझी तो अभी समझिएगा अब रोडान क्या कहता है रोडान कहता है कि एक शू मेकिंग इंडस्ट्री है अगर हम कहें कि हम सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पर एक ही फैक्ट्री पर जो है इन्वेस्टमेंट लगाएंगे बाकियों पर नहीं लगाएंगे जैसे कि ग्रोथ थ्योरी बोलती है अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा ठीक है जब शू मेकिंग फैक्ट्री पर इन्वेस्टमेंट लगेगी तो जो शू मेकिंग फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी है ना क्या बढ़ेगी इनकी इनकम बढ़ेगी तो जब इनकी इनकम बढ़ेगी अब अब ये बढ़ी हुई इनकम से क्या डिमांड करेंगे खाने पीने की चीज़ें डिमांड करेंगे पहनने के लिए अच्छे कपड़े डिमांड करेंगे यानी कि ये इनकी इनकम बढ़ने से ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे ठीक है फूड इंडस्ट्री क्लोथ इंडस्ट्री इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे ठीक है तो अगर साइमल्टेनसली ये इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी अगर साइमल्टेनसली ये इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी तो यहाँ पर तो डिमांड सप्लाई का गैप आ जाएगा ना दैट मीन्स साइमल्टेनियसली दूसरी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है क्यों क्योंकि अगर हम एक ही इंडस्ट्री पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो उस इंडस्ट्री के वर्कर्स की इनकम जब बढ़ती है तो वो दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं इसीलिए इकोनॉमी में एक बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ एक ही सेक्टर की डेवलपमेंट ना करें हम सभी इंडस्ट्रीज या सभी सेक्टर्स की डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली करें ठीक है तो ये चीज जो है रोडान ने एक शू मेकिंग फैक्ट्री की एग्जाम्पल देकर समझाई थी ठीक है सो ओके सो द नेक्स्ट इज नर्क सिंह अच्छा मुझे एक चीज़ बताना आप लोग ये चीज़ किसने कही है जस्ट एज बैलेंस्ड डाइट इज़ नेसेसरी फॉर ए ह्यूमन बॉडी एज सच बैलेंस्ड ग्रोथ इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ ए कंट्री ये एक बड़ी फेमस लाइन है और बड़ी बार एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाता है तो बताइए ये किसने कहा है जी हाँ चलो मुझे आप ना आज मुझे बड़े वो लग रहे हो लेज़ी से सभी कोई कमेंट्स पे भी रिप्लाई नहीं कर रहा और बच्चे भी आज लोग आज कम हैं तो इस चीज़ का आंसर आप लोग मुझे देंगे एट द एंड ऑफ द सेशन और ये चीज़ शायद मेरी बुक में भी है कहीं आपको और जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं हाँ तो अभी जियान से हाँ नर्क से ने आप ठीक आ गए लाइन पर सो नर्क से ने कहा कि जैसे हमारी बॉडी के लिए बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है वैसे ही कंट्री की ग्रोथ के लिए एक बैलेंस्ड ग्रोथ की जरूरत है ठीक है सभी सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट होनी चाहिए नर्कसे ने इसके अलावा विश्व सर्कल ऑफ पावर्टी का एक सिद्धांत दिया है नर्कसे कहता है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं यहाँ पे पावर्टी का एक विश्व सर्कल जो है वो चलता रहता है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विश्व सर्कल पावर्टी का क्या होता है तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में ये विश्व सर्कल होने के कारण वहाँ पर डिवलपमेंट रुक जाती है तो इस विश्व सर्कल को ब्रेक करने के लिए इस विश्व सर्कल को तोड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि सभी सेक्टर्स में साइमल डेवलपमेंट की जाए अगर सभी सेक्टर्स में साइमल डेवलपमेंट की जाएगी तभी डिमांड एंड सप्लाई में इक्वालिटी लाई जाएगी तभी डिमांड एंड सप्लाई में इक्वालिटी लाई जाएगी एंड ये डिमांड एंड सप्लाई की क्वालिटी क्यों ज़रूरी है कंट्री को विश्व सर्कल से बाहर निकालने के लिए हाँ तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना विश्व सर्कल ऑफ़ पॉवर्टी के बारे में बता रही हूँ ब्लैंक स्लाइड पे इसको देख लीजिएगा जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता क्योंकि कई बार नए स्टूडेंट्स होते हैं तो सबसे पहले इसमें होता है इनकम लो लो इनकम ये पहले नंबर पर विश्व सर्कल ऑफ़ पॉवर्टी में स्टार्टिंग होती है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनकी इनकम कम होती है इनकम कम होने से ये कंट्रीज डिमांड कम करती हैं डिमांड कम करती हैं ये इसका दूसरा चरण आया अब डिमांड कम करने से क्योंकि डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी ठीक है इन्वेस्टमेंट कम होगी तीसरा चरण इन्वेस्टमेंट कम होने से इनके पास पूंजी की कमी होगी लो कैपिटल चौथा स्टेज पूंजी की कमी है अब क्योंकि पूंजी की कमी है तो ओबिजली फिर प्रोडक्शन पर भी इसका असर पड़ेगा प्रोडक्टिविटी भी कम होगी लो प्रोडक्टिविटी ठीक है पांचवा चरण और लो प्रोडक्टिविटी के कारण फिर से इनकम लो होगी तो ये है विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो नर्कसे ने दी है और इसी विशेष सर्कल से बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि सभी सेक्टर्स की बैलेंस ग्रोथ की जाए ऐसा नर्कसे ने कहा है ये डिमांड साइड का मैंने बनाया अगर आपको सप्लाई साइड का विश्व सर्कल बनाना है तो आप डिमांड की जगह पर सेविंग लिख सकते हैं बस बाकी चीज सेम रहेगी ठीक है जी चलो तो ये चीज़ हमने पढ़ ली विश्व सर्कल ऑफ़ पावर्टी को ब्रेक करने के लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डोमेस्टिक सेक्टर फॉरेन सेक्टर इन सब में एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ये हमने रोडान एंड से दोनों के व्यूज़ पढ़ लिए अब यहाँ पे साथ में ही पहले आप बिग पुश थ्योरी का आइडिया समझिए क्योंकि बिग पुश थ्योरी जो है ना दिस इज़ ए पार्ट ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी तो इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है बिग पुश थ्योरी बैलेंड ग्रोथ थ्योरी का ही एक हिस्सा है तो बेसिकली बिग पुश थ्योरी का प्रोपाउंडर भी हरोसेंटन नहीं है जिसको जिसके बारे में हमने बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में भी पढ़ा था तो जो बिग पुश थ्योरी है इसमें यह कहा गया है कि एक बिग पुश यानी कि बड़ा बड़ा धक्का मतलब कि जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट के लिए एक कंप्रीहसिव इन्वेस्टमेंट पैकेज यानी कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पैकेज चाहिए छोटा छोटा करने से कुछ नहीं होगा अगर हम बिट बाय बिट करेंगे कि थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगा दे तो कुछ नहीं होगा एकदम से हमको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कॉम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले फेज में लेके आने के लिए ठीक है so, सो यहाँ पर एक बड़े धक्के की बात की गई है यानी कि एक बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है बिट बाय बिट की बात के खिलाफ ठीक है मतलब बिट बाय बिट इन्वेस्टमेंट नहीं बिग पुश इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ठीक है सो so, अब भी इस थ्योरी में रुडान ने कहा है कि अगर हम कंट्री में एक बड़े लेवल की एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो इससे क्या जनरेट होंगी इससे जनरेट होंगी इकोनॉमीज का मतलब होता है फायदे फ़ायदे ठीक है तो बेसिकली बिग पुश थ्योरी में बात आई है इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल की इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल का मतलब होता है फ़ायदे इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको समझाई हुई है कि अगर एक बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उससे हमको इकोनॉमीज मिलेंगी कैसे इकोनॉमीज मिलेंगी अगर आप मार्केट से अगर आप मार्केट से एक चीज़ लेने जाते हो तो आपको वो दस रुपये की मिलती है अगर आप उसको बोलते हो दुकानदार को तू ऐसा कर मुझे पाँच चीज़ें दे दे तो वो दुकानदार कहता है चलो मैं पाँच आपको चालीस रुपये की दे दूंगा तो आपको नहीं लगा कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी जैसे आपकी प्लस की कीडमी की सब्सक्रिप्शन होती है अगर आप छः महीने की लेते हैं तो आपका पर मंथ के अकॉर्डिंगली ज़्यादा बनता है अगर आप बारह महीने की लेते हैं तो पर मंथ के अकॉर्डिंगली कम बनता है सेम यही चीज़ इकॉमीज़ ऑफ स्केल है कि जब आप बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करते हो ज्यादा प्रोडक्ट लेते हो ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपको फायदे मिलते हैं इकॉनमीज मिलते हैं तो इसी इकॉनमीज की बात इस थ्योरी में कही है कि अगर आप बिग पुश लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कुछ फायदे मिलेंगे इकोनॉमीज मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पे तीन तरह की इनडिविजिबिलिटीज की बात हुई है इनडिविजिबिलिटी का मैं पहले मतलब समझा देती हूँ यहाँ पे इनडिविजिबिलिटी का मतलब है इंक्रीजिंग रिटर्नस इंक्रीजिंग रिटर्न तो इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट का सिद्धांत आपको बहुत बार मैं पढ़ा चुकी हूँ ये देखिए दीज आर इंक्रीजिंग रिटर्नस और जब मेरे रिटर्न इंक्रीज़ होते हैं तो मेरी मेरा कॉस्ट जो है वो कम होता है सो इंक्रीजिंग रिटर्नस जो है वो डिमिनिशिंग कॉस्ट के बराबर है रिटर्न इंक्रीज़ होंगे यानी कि कॉस्ट डिमिनिश होगी और अगर मेरे रिटर्न डिक्रीज़ होंगे तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी है ना ऐसे ही पढ़ा है हमने तो बेसिकली अब इस थ्योरी में इंडिविजिबिलिटीज का मतलब है रिटर्न्स का इंक्रीज होना और कॉस्ट का कम होना ठीक है तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द कैपिटल आउटपुट रेशियो कैपिटल क्या है मेरी कॉस्ट है तो कैपिटल आउटपुट रेशियो का कम होना मतलब कॉस्ट का कम होना को, कम कॉस्ट से ज़्यादा आउटपुट मिलना समझे बात ठीक है फाइन तो अब ये तीन इंडिविजिबिलिटीज देखिए कौन कौन सी हैं पहली इंडिविजिबिलिटी है प्रोडक्शन फंक्शन की दूसरी है डिमांड की तीसरी है सेविंग्स की तो प्रोडक्शन फंक्शन वाली इंडिविजिबिलिटी में बेसिकली रोडान ने सोशल ओवरहेड कैपिटल की बात की है सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या है जो रॉ मटेरियल्स हैं जिन चीज़ों की मदद से हम प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई पावर हो गई ट्रांसपोर्ट हो गया इरिगेशन हो गई बेसिक चीज़ें जिनकी मदद से हम एक फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं दैट इज़ अ सोशल ओवर कैपिटल सड़कें बनाना है ना इंडस्ट्रीज़ uh, uh, बड़ी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये सब चीज़ें सोशल ओवरहेड में आती हैं तो जब प्रोडक्शन की इंडिविजिबिलिटी की बात आती है तो यहां पे बात आती है सोशल ओवरहेड कैपिटल की तो रोडान कहता है कि अगर हम सोशल ओवरहेड कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो इकोनॉमी को क्या मिलेगी इंडिविजिबिलिटी मिलेगी इंडिविजिबिलिटी मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे तो रोडान कहता है कि सोशल ओवरहेड कैपिटल के कारण इकॉनमी में इंक्रीजिंग रिटर्न आते हैं ठीक है क्यों आते हैं पहली चीज कि ये जो सोशल ओवरहेड कैपिटल होता है ना यहाँ पे बड़े पैमाने की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और अभी मैंने आपको बताया है कि बड़े पैमाने की इन्वेस्टमेंट मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब फायदे अगर आप दो साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी पर मंथ कॉस्ट कम आती है एज कंपेयर टू आप छह महीने की अगर लेते हो तो है ना? तो जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है यहाँ पे एक बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट इकोनॉमीज देती है फायदे देती है ठीक है दूसरी चीज बेटर यूटिलाइजेशन अगर हम सोशल ओवरहेड कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे यानी कि अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे है ना कि हमारे पास तो हैं बट हम उसका यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं उन, से, अच्छा बनाए, उन से हमारे जो पावर सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर है उसको डेवलप करें है ना तो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं हम अगर हम सोशल ओवरहेड कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है कैन नॉट बी तीसरी चीज़ सोशल ओवरहेड कैपिटल हमारे देश में बनता है इसको हम बाहर से नहीं मंगवा सकते तो अगर जो चीज हमारे देश में बनती है उसी पर इन्वेस्टमेंट होगी है ना तो इससे हमारे कंट्री में भी डेवलपमेंट होगी वो चीज की मैन्युफैक्चरिंग हमारे कंट्री में ही होती है सोशल ओवरहेड कैपिटल हमारे कंट्री में ही बनता है बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता हमको कॉन्ट्रीब्यूट हाँ ये सोशल ओवर हेड कैपिटल डेवलपमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि सोशल ओवर हेड कैपिटल पर डेवलपमेंट होने से मैन्यूफेक्चर आइटम्स बढ़ती हैं है ना सो लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक बार सड़कें बनवा लेते हो तो दस साल कहीं बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती एक फ्लाई ओवर बन गया ना तो आने वाली मतलब आ, ए, दस बीस तीस सालों तक दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक ये चल जाती है चीज़ है न? तो वही चीज़ है कि अगर हम सोशल ओवरहेड कैपिटल में अच्छे लेवल की हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे डायरेक्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी डायरेक्ट प्रोडक्टिव जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बढ़ेंगे अगर मैं रोड्स पर इन्वेस्टमेंट लगाती हूँ अगर गवर्नमेंट रोड्स पर इन्वेस्टमेंट लगाती है तो उससे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलेगी जिसके कारण मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और बढ़ेंगे बात समझे ना सो सोशल ओवरहेड कैपिटल लगाने से मेरी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स बढ़ रही हैं प्रोडक्टिव डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है जिससे कि कंट्री की डेवलपमेंट होगी तो बेसिकली इनडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन में इन चीजों की बात की गई है ठीक है दूसरी इनडिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड तो मैंने आपको इसकी अभी अभी शू मेकिंग फैक्ट्री वाली एग्जांपल दी थी इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड की कि हम सिर्फ शू मेकिंग फैक्ट्री पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हमको बड़े पैमाने की इन्वेस्टमेंट करनी है सभी सेक्टर्स पर क्योंकि जब शू मेकिंग फैक्ट्री के वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी तो वो सिर्फ शूज की तो डिमांड करेंगे नहीं वो दूसरे गुड्स की भी डिमांड करेंगे तो दूसरी इंडस्ट्रीज भी साइमल्टेनियसली डिवलप होनी चाहिए ठीक है हम सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट लगा के काम नहीं चला सकते ठीक है तो क्योंकि यहाँ पे डिमांड की इनडिविजिबिलिटी है मैं डिमांड को डिवाइड नहीं कर सकती है कान डिवाइड मैं डिमांड uh, की मैं सिर्फ शूज की ही डिमांड uh, करूंगी है ना मैं सभी गुड्स की डिमांड करूंगी चाहे मेरी uh, जो सैलरी है वो शू मेकिंग फैक्ट्री से बढ़ रही है बट डिमांड सभी चीजों की होगी तो दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट भी सभी सेक्टर्स पर होनी चाहिए है ना तो ये चीज़ है सो इन्वेस्टमेंट सिंगल इंडस्ट्री में करने से रिस्की होगी ये चीज तो इसीलिए सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है सो so, तीसरी है यहाँ पे इनडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग्स तो रोडान कहता है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना यहाँ के लोगों की इनकम का लेवल कम होता है इनकम का लेवल कम होने से ये लोग सेव कम करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है इसमें सेविंग्स के लेवल को बढ़ाया जाए इनकम को बढ़ा के सेविंग्स को बढ़ाया जाए और इनकम को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी सेक्टर्स की बैलेंस्ड ग्रोथ करें सभी सेक्टर्स की बैलेंस्ड ग्रोथ होगी सभी की इनकम बढ़ेगी इनकम बढ़ने से सेविंग बढ़ेगी और अगर वो सेविंग प्रॉफिटेबल वेंचर्स में लगेगी अगर वो सेविंग प्रॉफिटेबल वेंचर्स में लगेगी तो यानी कि हमारी क्या बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी है ना सेविंग ही इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है ना तो ये चीज ये इनडिविजिबिलिटीज की बात होगी तो इसी के साथ आपको आई थिंक बैलेंस्ड ग्रोथ एंड अन बैलेंस्ड ग्रोथ एंड बिग पुश थ्योरी के बारे में सब चीजें समझ में आ गई अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रिटिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि ये बैलेंस ग्रोथ के क्रिटिज्म क्या है देखिए ध्यान से एक चीज़ समझिए इसका सबसे बड़ा ये है कि बैलेंस्ड ग्रोथ जो है ना ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैपेबिलिटी से परे है यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इतना अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर सकें वो सभी सेक्टर्स में साइमल्टेनस इन्वेस्ट कर सके तो ये कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैपेबिलिटी से परे है क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ पर ही कंसेप्ट अप्लाई करता है अंडर डेवलप्ड पर नहीं ठीक है अच्छा आगे देखिए अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी तो ये जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी है ये किसने दी है इन्होंने दी है सिंगर किंडल बर्जर एंड स्ट्रीटन सिंगर किंडलबर्जर एंड स्ट्रीटर इन्होंने अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी दी है तो इन्होंने क्या कहा है अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी में इन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स में ही होनी चाहिए वो सभी सेक्टर्स में नहीं होनी चाहिए जैसे कि एक पर्टिकुलर कंट्री में लगता है कि इन सेक्टर्स को डिवेलप होने की ज़रूरत है तो बस उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट uh, करनी चाहिए सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए ये थ्योरी ऐसे कहती है कि इकॉनमी में अनबैलेंस क्रिएट करना है ठीक है सो so, हिर्शमैन ने सबसे पहले जैसे उसमें रोडान ने सबसे पहले दी थी ना अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी इसमें हर्शमैन सबसे जो है फर्स्ट प्रोपाउंडर था इस थ्योरी का ठीक है हिर्शमैन सबसे पहला प्रोपाउंडर था डॉक्टर आइन ऑफ बैलेंस ग्रोथ का और अनबैलेंस्ड ग्रोथ का और बैलेंस्ड ग्रोथ का रोडान पहला था ठीक है तो हिशमैन वही चीज़ कहता है कि कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करो और दूसरे सेक्टर्स में अपने आप हो जाएगी लिंकेजेस से ठीक है so, सो हिशमैन क्या कहता है कि इकोनॉमी में कुछ ही सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है मान लो मैंने सिर्फ इस सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट की तो लिंकेजेस इफ़ेक्ट से ये सेक्टर ऑटोमेटिकली डिवलप हो जाएगा ठीक है कि दूसरे सेक्टर्स जो हैं वो लिंकेजेस इफेक्ट से डेवलप हो जाएंगे हमको सिर्फ एक ही सेक्टर या दो ही सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है क्योंकि सभी सेक्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो लिंकेजेस इफेक्ट से एक के डेवलप होने से दूसरा सेक्टर डेवलप हो ही जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा जो हिशमैन है ना इसने दो तरह के अनबैलेंसेस की बात की है दो तरह के अनबैलेंसेस की बात की है उसने कहा है आप इकॉनमी को अनबैलेंस कर सकते हो अनबैलेंस कर सकते हो थ्रो एसओसी और दूसरी आप इकॉनमी को अनबैलेंस कर सकते हो थ्रो डीपीए ठीक है और ये जो एसओसी देखिए वो कहता है एसओसी से अनबैलेंस करने का क्या मतलब है कि हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगाएं एसओसी पर जो भी मैंने समझाया था सोशल ओवरहेड कैपिटल पर और इससे डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ अपने आप बढ़ जाएंगी लिंकेज इफेक्ट से और इसको बोलेंगे फॉरवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज और इसी तरह से अगर हम इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट लगाते हैं सिर्फ डी पर मतलब सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर तो एसओसी जो है वो ऑटोमेटिकली लिंकेज इफेक्ट से डिवेलप हो जाएंगी तो ये कौन सी लिंकेज हुई बैकवर्ड लिंकेज ठीक है आई बात समझ में हिशमैन सिंगर है और रोज स्ट्रीट में सोंग आता है बच्चों बच्चों का हाँ अच्छी अच्छा तरीका याद रखने का हिशमैन सिंगर है यानी कि हिशमैन एंड सिंगर और रोज स्ट्रीट में सोंग आता है यानी कि स्ट्रीटन तो हिशमैन सिंगर एंड स्ट्रीटन ये तीनों प्रोपाउंडर्स हो गए अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के हाँ रो रोस्टर और किंडल वर्जर भी हैं मैं आपको एंड में ये सारे इकोनॉमी एक बार दोबारा बताऊंगी आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली ओके सो ये चीज़ ये कंसेप्ट समझ में आया सबको अब ध्यान से इसकी एग्जांपल समझिए अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद एसओसी यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट किस पर लगाई सोशल ओवरहेड कैपिटल पे जिसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया रॉ मटेरियल्स वगैरह चीपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जैसे गवर्नमेंट जो है वो बिजली सस्ती कर देती है अगर मान लो इलेक्ट्रिक पावर सस्ती कर लेती है तो उससे क्या है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जो बिजली की मदद से चलती हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी है ना उन इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बात समझ में आई कि एसओसी से यानी कि सोशल ओवरहेड कैपिटल से डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ी इसी तरह अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करती है सड़कें अच्छी बनाती है तो इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलेगी वो ज़्यादा माल एक से दूसरी जगह लेके आ जा सकते हैं तो इससे उन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा माल प्रोड्यूस होगा यानी कि सोशल ओवर कैपिटल की डेवलपमेंट से डीपीए बढ़ी ठीक है बड़ी। है इकोनॉमिक्स जी मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरी बुक में ये कहाँ पे है ठीक है तो ये चीज़ें यहाँ पे और दूसरा अगर मैं डी से ये चीज़ करती हूँ तो पहले डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है बाद में ऑटोमेटिकली एस ओ सी डिवलप हो जाती है पढ़िए यहाँ पे सबसे पहले मैन्युफैक्चर डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ यानी कि जो मेरी तैयार हुई वस्तुएं हैं मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं हैं उस पर मैंने इन्वेस्टमेंट की तो जब मैं डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती हूँ तो कमी महसूस होती है रिसोर्स की कमी महसूस होती है एस पर है ना जैसे मान लीजिए एक मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री पर इन्वेस्टमेंट लगा दी तो यानी कि वो मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री डेवलप होगी अब उस इंडस्ट्री को ऐसा लगेगा कि आ, हमको रॉ मटेरियल्स भी तो फिर ज़्यादा चाहिए ना हमको बिजली ज़्यादा चाहिए हमको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर कमी महसूस होगी एस की तो जब एस की देश में कमी होगी तो ऑटोमेटिकली जो पोलिटिकल प्रेशर्स हैं जो गवर्नमेंट है वो एसओ डेवलप डिवेलप करेगा ही करेगा है ना जब किसी चीज की कमी ही आ गई कहता है एक कोट याद रखिएगा इज द मदर ऑफ इन्वेंशन इज द मदर ऑफ इन्वेंशन इसका क्या मतलब है नसेस्टी जरूरत इन्वेंशन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तभी उसी चीज की इन्वेंशन होगी ना तो नसेसरी इन्वेंशन की मदर है मदर है यानी कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उस चीज़ की इन्वेंशन होगी ही होगी यहाँ पे वही चीज़ आ रही है अभी कि जब हमने सीधा प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्टमेंट कर दी तो वहाँ पे एस ओ सी यानी कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आएगी तो जब उस चीज़ की शॉर्टेज आएगी जब उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो चीज़ ज़रूर बनेगी उस चीज़ ठीक है उस चीज़ का प्रोडक्शन ज़रूर होगा मतलब जो एस ओ सी है उस पर ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होगी वो चीज़ क्यों क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ी तो दैट इज द बैकवर्ड लिंकेज कि हम डीपीए से एसओसी की तरफ जा रहे हैं समझ गए बात ठीक है तो यही था आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी का सेंट्रल आइडिया जो मैंने आपको समझाया सारी मतलब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी यही बोलती है यही थीम है उसका जिस मर्जी बुक से पढ़ लीजिए दिस इज ऑनली थीम दैट बोथ थ्योरीज गिव हाँ तो एक चीज ना यहाँ पे देखिए हाँ ये इनके ना एक बार इकोनॉमिस्ट देख लीजिए क्योंकि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अब इसमें मैंने आपको एक रोडान हो गया नरक से हो गया लुइस हो गया और एक आर्थर यंग भी है आर्थर यंग अनबैलेंस्ड का हिचमैन एक किंडल बर्जर भी है और रोस्टॉय भी है सिंगर स्ट्रीटन ठीक है तो ये याद रख लेना इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हाँ अब शक्ता आविष्कार की जननी है बिल्कुल शीतल जी आपने हिंदी में बता दिया तो मेरी बुक में ये थ्योरीज हैं दोनों हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी बिग पुश थ्योरी ये सारी थ्योरीज हैं मेरी बुक में मैं आपको भी पेज नंबर बता देती हूँ अगर पेज नंबर है इसका 214 पेज देखिए 214 से 216 पेज नंबर पर है ये देखिए ये 214 पेज की यहाँ से बैलेंस ग्रोथ स्टार्ट हो रही है फिर यहाँ पे अनबैलेंस ग्रोथ स्टार्ट हो रही है फिर यहाँ पे आगे चले जाइए फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज सारी दी हुई हैं ये बिग पुश थ्यूरी है ये इसकी इंडिविजिबिलिटीज़ एक्सप्लेन की हुई हैं ठीक है तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा बुक में तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं शाम को पाँच बजे वाली क्लास में ज़रूर मिलिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल दी गई है वहाँ पे डायरेक्टली मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फ्री क्लासेस भी और अगर आप पूरा कोर्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सिमर टेन मेरा कोड है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है एंड टेलीग्राम ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा सभी क्लासेज़ के अपडेट्स के लिए अच्छा लगा क्लास लाइक शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच टेक केयर द बाय Okay, so, फटाफट से मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है सभी आवाज सुन पा रहे हैं लाइक like, शेयर कर दीजिएगा सेशन को ताकि मैक्सिमम लर्नर्स जो है वो फटाफट से आ जाएस गुड मॉर्निंग तो आज हम बात करने वाले हैं लुइस मॉडल एंड फी रेनिस मॉडल की ठीक है जी तो एक बार मुझे थम्स अप दे के बता दो क्लियर ऑडियो वीडियो तो एज यू कि ये ग्रोथ मॉडल की जो सीरीज है ये आपके काफी दिनों से चल रही है इसमें हम काफी सारे मॉडल्स कर चुके हैं और अब अंतिम चरण पर है ये आपका सारा Uh, सारी जो सीरीज है इसमें लुइस मॉडल एंड फिर मॉडल की आज हम बात करेंगे और अगली क्लास में हम कैल्डर एंड रोबिंसन मॉडल की बात करेंगे और इसी के साथ आपके फिर ग्रोथ मॉडल्स हो जाएंगे खत्म ठीक है जी सो लेट स्टार्ट सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वहां से आप ज्वाइन करके मेरी सारी क्लासेस का शेड्यूल वगैरह सब कुछ आप डिटेल में हासिल कर सकते हैं तो जब मैं बात करती हूँ लुइस मॉडल की तो पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको एक कहानी की फॉर्म में समझाने की कोशिश करती हूँ फिर हम चीजों की तरफ आते हैं ठीक है यस yes. तो समझिए लुईस क्या कहता है लुइस कहता है कि दो सेक्टर्स हैं देखिए एक है एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर तो लुइस कहता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना इस सेक्टर में डिजगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है वट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसको हम बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी छुपी हुई बेरोजगारी यानी कि मान लीजिए एक लैंड है एक जमीन है ठीक है एक जमीन है तो अब इस जमीन पर आठ वर्कर्स काम कर रहे हैं आठ वर्कर्स काम कर रहे हैं अगर मैं इनमें से दो वर्कर्स को काम से निकाल देती हूँ ठीक है मतलब टोटल यहाँ पे छे ही बन जाए अगर दो वर्कर्स को मैं काम से निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर दू किसी और जॉब में शिफ्ट कर दू तब भी इस लैंड की टोटल प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहां पर जो दो वर्कर्स काम कर रहे थे वो मार्जिनली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे यही मतलब हुआ इसका तो इसी को हम डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ज्यादातर ये अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में पाई जाती है जहां पे हम कहते हैं कि एक किसान है तो उस किसान के चार पांच बेटे हैं तो वो क्या करते हैं अब चारों पांचों सेम जमीन पर काम करने लग जाते हैं हालांकि चाहे उनकी जमीन पर काम करने की जरूरत है चाहे नहीं है है ना अगर मान लीजिए वो किसान के चारों बेटे इसी जमीन पर काम करने लग गए ठीक है इसी ज़मीन पर उन्होंने अपने आप को एज ए एम्प्लॉयड घोषित कर दिया कि हम तो एम्प्लॉयड हैं हमारे पास जमीन और इस पर काम कर रहे हैं बट अगर इसमें से दो बेटों को दो बेटों को उठा के किसी और जॉब की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा तब भी इस लैंड की टोटल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि वो दो बेटे जो हैं किसान के वो यहाँ पर डिजगाइजली अनएम्प्लॉयड है वो किसी और सेक्टर में जाके काम करके नेशनल इनकम में हिस्सा दे सकते थे बट दे आर डिजगाइजली अनएम्प्लॉयड एट हीयर ठीक है तो आप समझे ना तो किस तरह से जो हाँ बिल्कुल जो आपके डिजगाइज वर्कर्स होते हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है यानी कि वो मार्जिनली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे टोटल प्रोडक्शन में कुछ भी हिस्सा नहीं डाल रहे ठीक है तो लुइस ने कहा है कि ऐसे वर्कर्स को जो वर्कर्स डिजगाइजली अनएम्प्लॉयड है ऐसे वर्कर्स को अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो इससे इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ेगी बेसिकली यही चीज है जो लुइस ने अपने मॉडल में कही है ठीक है तो ऑब्वियसली जो उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में सैलरी मिलेगी वेज मिलेगी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से थोड़ी ज्यादा होगी ठीक है ज्यादा होगी प्रोडक्शन भी यहाँ पर उनसे ज्यादा ली जाएगी बट ठीक है ना तो अब इस मॉडल को थोड़ा थेटिकल लैंग्वेज में हम समझेंगे देखिए आर्थर लुइस की ये बुक का जो नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर याद रखिएगा 1954 में ये बुक पब्लिश हुई तो लुइस ने इकॉनमी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जैसे मैंने अभी बताया किस कंट्री को अंडर डेवलप्ड इकॉनमी को दो हिस्सों में डिवाइड किया सबसिस्टेंस सेक्टर एंड कैपिटलिस्ट सेक्टर ठीक है सो ये डुअल सेक्टर मॉडल भी हम इसको बोलते हैं ये मॉडल कहता है कि सरप्लस लेबर फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे मैंने अभी समझाया जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर है उसको अगर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ठीक है तो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी और इकोनॉमी की डेवलपमेंट बढ़ेगी ठीक अब देखिए यहाँ पे कैपिटलिस्ट सेक्टर जो है कुछ इस तरह से दिखता है ये आपको सारा एक शहरीकरण की प्रोसेस नजर आ रही है बड़ी बड़ी मशीनों से इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में काम चल रहे हैं ये कैपिटलिस्ट सेक्टर है बट जो सब्सिस्टेंस सेक्टर है वो आपको मैं दिखाती हूँ ये दिस इज सबसिस्टेंस सेक्टर यहाँ पे दिहाड़ीदार मजदूर देखिए एग्रीकल्चरल वर्कर्स है ना किस तरह से ये बहुत एक हार्ड वर्क करते हैं बट कम सैलरी पर ये सबसिस्टेंस सेक्टर है ठीक है तो अंडर डिवलप्ड है थोड़ा सा दिख रहा है आपको वहीं आपको कैपिटलिस्ट सेक्टर थोड़ा सा डिवलप्ड दिखाई दे रहा है ना तो अब थोड़े से इसके हम फीचर्स समझते हैं जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं ये वो पार्ट है इकॉनमी का विच यूज रिप्रोडक्सीबल कैपिटल एंड पेज कैपिटलिस्टर ऑफ तो ये पूंजी का इस्तेमाल करके ये सेक्टर जो है बना है पूंजी का इस्तेमाल करके तो बिजली पूंजी का इस्तेमाल करके ये सेक्टर बना है और पूंजी बनाता भी है ये सेक्टर है ना क्योंकि इस सेक्टर में कैपिटल पूंजी का निर्माण भी होता है पूंजी से ये सेक्टर बना और पूंजी का निर्माण भी होता है इस सेक्टर से ठीक है और जो पूंजी है उसको कंट्रोल कौन करते हैं पूंजीवादी कैपिटलिस्ट उनको कंट्रोल करते हैं जो लेबर के की वर्कर्स की सर्विसेज लेते हैं और पूंजी जोड़ते हैं अपने सो so, ये प्राइवेट और या पब्लिक भी हो सकता है कैपिटलिस्ट अब इसके अलावा इसमें इस जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था वेज रेट ज्यादा होंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी दिस इज अम्पॉटेंट फैक्ट क्योंकि मैंने अभी बताया एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिजगाइडली अनएम्प्लॉयड है उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है ठीक है या यू कैन से वेजिस से कम होती है उन्हीं वर्कर्स को हम अगर कैपिटल सेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो कैपिटलिस्ट सेक्टर में उन वर्कर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है एक चीज़ ध्यान से समझिएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स को वेजेस तो ज़्यादा मिल रही हैं बट उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उससे कम होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो वर्कर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना वो ज्यादा है बट उससे कम मिल है। से इस को तो ज्यादा है तनख्वाह बट उतनी नहीं है जितनी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है मान लीजिए एक बंदा जो है वो सिक्स यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है जिनका मार्केट में जिनका मार्केट में वैल्यू जो है वो साठ रुपए है बट जो वर्कर्स हैं उनको सिर्फ चालीस रुपये तनख्वाह मिल रही है तो ये जो बीस यूनिट बीस रुपए का माल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ ये क्या है दिस इज ये पूंजी बन गई ना ये सरप्लस बन गया यही कैपिटलिस्टिक सरप्लस है यही पूंजी का निर्माण पूंजीवादी करते हैं समझे बात ठीक है बट एग्रीकल्चर सेक्टर में ये पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर वर्कर्स को वेजेस तो ज्यादा मिल रही हैं बट वो प्रोडक्शन कम की कर रहे हैं समझ गए फाइन ये प्रोसेस चलो सो so, जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करता है मशीनों वगैरह का ये ज्यादा यूज करता है और ये पूंजी का गठन करता है कैसे समझाया मैंने अभी आपको इस पूंजी को दोबारा से इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट्स कैपिटलिस्टिक्स जो है वो कमाते हैं ठीक है अब सबसिस्टेंस सेक्टर जो है तो इसमें पूंजी का उपयोग नहीं है इंडिग्नस मतलब घरेलू ट्रेडिशनल सेक्टर है या इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर भी बोल सकते हैं पर हेड आउटपुट यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि कैपिटल की कमी है तो पर हेड यानी कि एक हेड से जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो कम प्रोड्यूस किया जा रहा है ठीक है वेजिस कम है लेबर इसमें बहुत ज़्यादा है प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि यहाँ पे जस्ट मशीनीकरण तो है ही नहीं लेबर से ही काम चलाया जाता है ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया अब इस मॉडल में कुछ एजम्पन्स है जैसे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे सरप्लस है लेबर बहुत तांत में है जिसको हम डिजगाइड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं तो ये जो वर्कर्स हैं ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा लगता है लुभाता है क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा वेजेस मिलती हैं भले ही उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम मिलती हैं बट एग्रीकल्चर सेक्टर से वेजेस से ज़्यादा मिलती हैं ठीक है तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो कैपिटलिस्टिक्स होते हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं क्यों मैंने अभी बताया दे चार्ज ए प्राइज अबव द फिक्सड वेज रेट कि मतलब कहने का कि जितनी वो वेजेस चार्ज करते हैं ना वर्कर्स को मतलब जितनी वो वेजेस देते हैं मार्केट में प्राइज उससे ज़्यादा रखते हैं मान लो चालीस रुपये की वो तनख्वाह दे रहे हैं वर्कर्स को तो उस चीज़ को वो मार्केट में साठ रुपये की बेचेंगे है ना प्राइस वेज रेट से ज्यादा रखते हैं और अपने प्रॉफिट्स को दोबारा से इन्वेस्ट करते रहते हैं इस तरह से पूंजी का गठन करते रहते हैं ठीक है तो ये देखिए सबसिस्टेंस सेक्टर से जिस लेबर का कोई काम नहीं है जो एक्सेस लेबर है वो यहां से ट्रांसफर होके यहाँ पे आ जाती है ठीक है सरप्लस लेबर यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे आ रही है सो इसी तरह पूंजी का गठन हो रहा है कैपिटलिस्ट सेक्टर में बस इस यही था काम का इसमें और कोई काम का चीज़ नहीं है तो कैपिटलिस्ट सेक्टर जो वेज रेट दे रहा है सबसिस्टेंस सेक्टर से ज्यादा होता है ये भी मैंने आपको बता दिया तो इस वेज रेट को हम क्या कहते हैं सबसिस्टेंस प्लस वेज रेट यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहां पे वर्कर्स को सबसिस्टेंस वेजेस मिल रही थी बट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें सबसिस्टेंस से ज्यादा वेजेस मिल रही हैं दैट्स है यहाँ पे लिखा है सबसिस्टेंस प्लस वेज ठीक है और लुइस कहता है कि ये वेज रेट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्कर्स को मिलता है ये सबसिस्टेंस वेज से तकरीबन तक तीस परसेंट ज्यादा होता है तभी तो वर्कर्स इतने आराम से अपना एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको वहां पे वेज रेट जो है वो ज्यादा मिल रहा है ठीक है तो इस तरह से इकॉनमी में पूंजी का गठन होता है पर कहता है कि ये पूंजी का गठन का भी ना एक एंड प्रोसेस होता है मतलब एक जगह पर आके ये पूंजी का गठन रुक जाता है हर मॉडल में हमने पढ़ा है मार्क्स के मॉडल में भी पढ़ा है कि कैपिटलिस्टिक्स कर, सरप्लस करते हैं इकट्ठा करते हैं बट एक टाइम पर उनकी ग्रोथ पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है सरप्लस इकट्ठा होना बंद हो जाता है इसी तरह इसमें भी एक ग्रोथ प्रोसेस का एंड आता है ये एंड कब आता है देखिए द पॉइंट इज वेयर कैपिटल एक्यूमुलेशन कैच अप विद पॉपुलेशन सो डेट देयर इज नो लॉन्गर एनी सरप्लस लेफ्ट अब मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना भी सरप्लस लेबर था वो सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ आ गया अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई सरप्लस लेबर बचा ही नहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने के लिए तो कहां से कैपिटल कैपिटल होगा कैपिटलेशन का प्रोसेस यहां पे 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 ख़त्म हो जाता है यहां पे, जहां पे हमारी सरप्लस पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो खत्म हो जाती है समझे बात दूसरा एक और पॉइंट है इस ग्रोथ प्रोसेस के एंड होने का वर्कर्स आर प्रिपेयर टू वर्क ओनली एट कैपिटलिस्टिक वेज रेट इक्वल टू देर प्रोडक्टिविटी जब वर्कर्स कहे कि भाई हमको तो उतना वेज चाहिए जितनी हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं मैंने आपको अभी बताया था कि कैपिटलिस्टिक सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनको जो वेज रेट मिलता है वो कम मिलता है उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से है न बट अगर वर्कर्स कहे कि नहीं भी हमको तो उतना वेज चाहिए अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल वेज चाहिए अगर हम बीस यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और इन 20 यूनिट की मार्केट वैल्यू दो सौ है तो हमको तनख्वाह भी दो सौ ही चाहिए तो कैपिटलिस्टिक सरप्लस नहीं कमा सकेंगे ग्रोथ प्रोसेस खत्म हो जाएगी यहाँ पर ठीक है और भी इसके बहुत कारण हो सकते हैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वर्कर्स को वेज रेट ज्यादा मिलने लग जाए तो फिर वर्कर्स एग्रीकल्चर से कैपिटलिस्टिक सेक्टर की तरफ मूव ही नहीं होंगे तब भी ग्रोथ प्रोसेस खत्म हो जाएगी ठीक है तो इस तरह के कई कारणों के कारण ग्रोथ प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाती है ठीक है तो यही था आपका लुइस मॉडल होपफुली आपको इसमें सब चीजें समझ में आ गई होंगी अभी हम फिर मॉडल की शुरुआत करेंगे एक बार मुझे फटाफट से बता दो ये मॉडल सबको समझ में आ गया है देखिए मॉडल्स को याद रखने के लिए ना कहानी बनानी बड़ी जरूरी है ठीक है अगर मॉडल्स को लाइफ टाइम याद रखना चाहते हो ना तो अपने दिमाग में उसकी कहानी बना के चला करो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में सुनाई थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्कर्स कैपिटलिस्टिक सेक्टर की तरफ मूव हुए उनको वेज रेट ज़्यादा मिला बट ऑब्बियसली वो प्रोडक्टिविटी उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं उसके कारण कैपिटलिस्टिक्स को सरप्लस मिला इकॉनमी ग्रो हुई बट ये ग्रोथ प्रोसेस खत्म हो गया कब खत्म हुआ यू ना मैंने बताया है ना तो इस तरह एक कहानी बना के उस मॉडल को दिमाग में रखा करें अच्छा अगला देखिए फी रैनिस मॉडल ये क्या कहता है अब ये जो फी रैनिस मॉडल है इनका मॉडल भी लुइस मॉडल की तरह ही है कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ये भी एक डूअल इकोनमी मॉडल ही है तो फी एंड रैनिस कहते हैं कि लुइस मॉडल में एक ड्रॉबैक थी क्या ड्रॉबैक थी वो दैट इट डिडंट पे इनफ अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहता है कि लुइस ने ना एग्रीकल्चर सेक्टर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जबकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई ही एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ना होता तो बताइए इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होती एग्रीकल्चर सेक्टर ही था ना जिससे वर्कर्स ट्रांसफर होकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट लुइस मॉडल ने सिर्फ इंपॉर्टेंस दी कैपिटलिस्टिक सेक्टर को उसने कहा कैपिटलिस्टिक सेक्टर के कारण ग्रोथ हुई बट फिर कहता है नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर का भी ग्रोथ में बड़ा हाथ है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही ना होता तो पूंजी का गठन ही ना हो पाता है ना तो दैट्स यू कैन से कि जो फीर एनिस का मॉडल है ये एक एक्सटेंशन है लुइस मॉडल के ऊपर ठीक है तो फी रैनिस ने ना ये देखिए इंप्रूवमेंट ओवर लुइस मॉडल तीन स्टेजेस बताए हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमको इन तीन स्टेजेस के बारे में पढ़ना है टेम्परेरी बॉटलनेक्स देखिए नाम से समझ में आ रहा है बॉटलनेक्स का मतलब होता है किसी प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट हिंड्रेंस क्वॉसी का मतलब टेम्परेरी ही होता है एंड किसी भी तरह की किसी प्रक्रिया में टेम्परेरी बॉटलनेक आ जाती है कोई टेम्परेरी रुकावट जो अपने नेचर में लॉन्ग टर्म नहीं है परमानेंट नहीं है शॉर्ट टर्म है ठीक है जो थोड़े समय के लिए ही है दैट इज टेम्परेरी या क्वॉसी बॉटलनेक अच्छा अब देखिए सेम अजम्पशंस है इसकी भी एबंडेंस है लेबर बहुत ज़्यादा है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में है ना पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है जिसके कारण मास अनएम्प्लॉयमेंट लोगों में फैली हुई है ज़्यादातर पॉपुलेशन खेती बाड़ी करती है बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टेगनेंट है यानी कि ये ग्रोथ नहीं कर रहा ग्रो नहीं कर रहा और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो जीरो है अभी मैंने बताई और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नेगेटिव भी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होने का मतलब कि एक्स्ट्रा वर्कर्स के होने से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है एक तो मैंने बताया ना कि डिजगाइड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रही है ना एक तो नेगेटिव प्रोडक्ट एग्रीकल नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होने का मतलब है कि एक्स्ट्रा वर्कर्स होने से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है पहले से है ना याद करो ये टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी यहाँ पे जीरो है और अगर मैं और ज्यादा वर्कर्स बढ़ा लूंगी तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी और टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी पढ़ा हुआ है ना हमने ये लो अच्छे से दैट इज द थिंग तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है मतलब एजम्पन्स बेसिकली सेम है बस ये है कि फिर एनिस ने ना अपने मॉडल को तीन अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है लूइस ने इन स्टेजेस का जो काम था ये नहीं किया बस यही बेसिक इन दोनों में फर्क है बाकी कुछ खास फर्क नहीं है तो वही चीज है एग्रीकल्चर सेक्टर से जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ट्रांसफर होते जाएंगे ठीक है अब, अब इनके ना स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं जस्ट वेट हाँ यहाँ पे ना एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे जो कैपिटलिस्टिक सेक्टर में वर्कर्स को यहाँ पे वेजेस जो है ना उनको इंस्टीट्यूशनल वेजेस का नाम दिया गया ध्यान से इस चीज को समझना द रियल वेजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेन्स फिक्स एंड इट इज इक्वल टू इनिशियल रियल इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर ए सच वेजेज आर गिवन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशनल वेजेस तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया है इंस्टीट्यूशनल वेजेस का जो हमने लुइस के मॉडल में नहीं पढ़ा था जो फी रैनिस के मॉडल में एक नया कंसेप्ट है इंस्टीट्यूशनल वेजिस का इंस्टीट्यूशनल वेजिस क्या होती हैं देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो वर्कर्स को रियल वेजेस मिलती हैं वो फिक्स रहती हैं और वो किसके इक्वल होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कर्स की रियल इनकम थी मतलब कहने का कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स अपनी इनकम से जितने गुड्स प्रोड्यूस कर परचेज कर सकते थे ना कैपिटलिस्टिक सेक्टर में भी वर्कर्स को उतनी ही इनकम दी जा रही है जिससे वो उतने ही गुड्स परचेज कर सकते हैं रियल इनकम का क्या मतलब होता है जब मैं इनकम को देखूं कि मैं अपनी इनकम से कितनी चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है परचेज कर सकती हूँ यही होती है ना रियल इनकम की इन्फ्लेशन कितना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं कितने गुड्स को परचेज कर सकती हूँ तो वह कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी उनकी रियल इनकम थी उतनी ही वेजेज उतनी रियल वेजे उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी दी जा रही है यानी कि जितनी चीज़ वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी इनकम से खरीद सकते थे उतनी ही चीज़ वो कैपिटलिस्टिक सेक्टर में अपनी इनकम से खरीद सकते हैं बट मोनिटरी इनकम अलग हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अलग हो सकता है दोनों सेक्टर्स से, में है ना हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में महंगाई कम हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में महंगाई ज्यादा हो है ना तो मनी वेज अलग हो सकती है बट रियल वेज उसने कहा में बात समझ गए जिस बच्चे को रियल वेज का मतलब नहीं समझ में आया अभी पूछ लो बता दूंगी रियल इनकम एंड मनी इनकम में जिस बच्चे को फर्क नहीं पता अभी पूछ लो तीन स्टेजेस समझिए पहला स्टेज क्या है पहला स्टेज है डिजगाइज अनएम्प्लॉयड हु आर नॉट एडिंग टू एग्रीकल्चरल आउटपुट पूरी तरह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड बंदे जो एग्रीकल्चर आउटपुट में कोई भी हिस्सा नहीं दे रहे ये लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया जाता है कॉन्स्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज पर ठीक है जितनी उनको वहाँ मिल रही थी उतनी ही उनको यहां मिल रही है दैट इज कॉन्स्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज ठीक है दूसरे फेज में वो एग्रीकल्चर वर्कर्स जो एग्रीकल्चर आउटपुट में हिस्सा तो दे रहे हैं दे रहे हैं बट जितनी उनको वेज मिल रही है उससे कम हिस्सा दे रहे हैं बट जितनी उनको तनख्वाह मिल रही है उससे कम हिस्सा दे रही है ऐसे वर्कर्स को ट्रांसफर किया जाता है ठीक है ऐसे वर्कर्स को ट्रांसफर किया जाता है अब फिर इसके बाद तीसरा स्टेज जो आ जाता है वो इस ट्रांसफर प्रोसेस का एंड हो जाता है यहाँ पे सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ शुरू होती है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में सारे जो वर्कर्स थे जिनकी प्रोडक्शन उनकी कम थी वो सारे अब ट्रांसफर हो चुके हैं अब हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर सेल्फ ग्रोथ हासिल कर सकता है जितनी भी सरप्लस लेबर थी वो एग्जॉस्ट यानी कि खत्म हो गई यहां से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ चली गई थर्ड स्टेज में ठीक है सो पहली स्टेज में हमने क्या किया वो वर्कर्स जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो थी यानी कि कुछ भी एडिशन नहीं कर रहे थे टोटल प्रोडक्शन में उन वर्कर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव किया गया फिर दूसरे नंबर पे वो वर्कर्स जो प्रोड्यूस तो कर रहे थे बट वेजिस से जितना उनको इंस्टीट्यूशनल वेज मिल रहा था उससे कम प्रोड्यूस कर रहे थे इन वर्कर्स को दूसरे सेक्टर में शामिल किया गया ठीक है यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में धकेला गया फिर अब तीसरे स्टेज में जितने भी अब एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स हैं उन सबकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी इंस्टीट्यूशनल वेज के बराबर हो चुकी है यही चीज़ हमको चाहिए थी यही चीज़ हमको चाहिए थी अब इन वर्कर्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे इन वर्कर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रहने देंगे और अब एग्रीकल्चर सेक्टर सेल्फ सस्टेन ग्रो कर सकता है क्योंकि यहाँ पे किसी भी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी उसकी वेजिस से कम नहीं है अब मेन पॉइंट तो ये है कि जितना हम इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस करें उतनी हम तनख्वाह लें उससे ज्यादा तनख्वाह ना लें अगर हम उससे ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी कम हो रही है कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव असर पड़ रहा है इसका है ना तो ये चीज इसमें कही गई है अब बताइए समझ में आया ये तीन स्टेजेस ठीक है जी फाइन यही तीन पॉइंट इस मॉडल का क्रक्स है ठीक है यही तीन पॉइंट हाँ तो अब देखिए और कुछ पढ़ते हैं फिर यानी इसमें इसमें कहा है कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जिसमें जितनी इंडस्ट्री में ग्रोथ इंपॉर्टेंट है ठीक है तभी उसने कहा कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स जो वेजेस हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी के इक्वल आ चुकी हैं तो अभी एग्रीकल्चर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पे पहुंच जाएगा है ना सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल दोनों में बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए अब ध्यान से एक नई चीज यहाँ पे पढ़ना कहता है रेट ऑफ लेबर एब्जॉर्बन मस्ट बी हाइयर देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जितने रेट पे लेबर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है यानी कि लेबर को काम पे लगाया जा रहा है है ना जितने जो लेबर की डिमांड है ओबिजली बेसिकली वो ज़्यादा होनी चाहिए जिस रेट पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रो कर रही है दो परसेंट की रफ्तार पे ठीक है और जो वर्कर्स की डिमांड है मार्केट में वो बढ़ रही है तीन से ठीक है ये होना चाहिए यानी कि जो वर्कर्स की मार्केट में काम के लिए डिमांड बढ़ रही है ना वो ज्यादा होनी चाहिए जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे तभी हम कह सकेंगे कि हम मालथुशियन नाइट से बाहर निकल पाए हैं अब आप कहेंगे ये मालथुशियन नाइट क्या है मालथुशियन नाइट क्या है आप सबने मालथस की थ्योरी पढ़ी है माल्थस ने अपनी थ्योरी में कहा है जब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो इकॉनमी में कुछ ऐसी आपदा आती है जिसके कारण पॉपुलेशन मरनी शुरू हो जाती है लोग मरने शुरू हो जाते हैं याद आया माल्थस की थ्योरी पढ़ी थी हमने क्या कहता है वो कि जो पॉपुलेशन है वो जोमेट्रिक रेट से बढ़ रही है और जो प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक रेट से बढ़ रही है जिसके कारण इकॉनमी में फैमिन आएगा वार आएगा है ना पॉवर्टी आएगी कोई आपदा आएगी जिसके कारण पॉपुलेशन मरनी शुरू हो जाएगी कि पढ़ा था ना हमने प्रिवेंटिव चेक्स पॉजिटिव चेक्स तो बेसिकली ये है मालथुशियन नाइट मेयर ना अब उसने कहा कि इस मालथुशियन नाउ नाइट मेयर से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि जो पॉपुलेशन की डिमांड है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज़्यादा हो है ना क्योंकि अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट मैंने बताया दो परसेंट है बट तीन परसेंट की दर पर मार्केट में पॉपुलेशन की डिमांड हो रही है काम के लिए वर्कर्स हायर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर हम इस सिचुएशन तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ पे बन, कमा रहे हैं ये लोग प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो पॉपुलेशन से बढ़ गई है ना प्रोडक्शन पॉपुलेशन से बढ़ गई तो हम माल नाइट से बाहर निकल सकते हैं ठीक है समझ आई ना बात ये चीज है पे क्लियर दोनों लुईस क्लियर दोनों मॉडल्स एंड सबको हो गए अच्छे से मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिटेल में आपको समझाया कि अदर एग्जाम्स के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए ठीक है अभी सिर्फ आपके दो मॉडल्स रह गए हैं रोबिन्सन एंड कैल्डर ठीक है थीके? तो अगली क्लास में वो करेंगे फिर इसके बाद आपका ग्रोथ मॉडल्स खत्म हो जाएंगे तो इसका मैं पूरा एक मैराथन बना दूंगी छे से सात घंटे का बनेगा उसमें आपको ये सारे ग्रोथ मॉडल्स एक ही क्लास में मिल जाएंगे ठीक है रक्षा सागर जी अभी मेरी बुक हिंदी मीडियम में नहीं आई पब्लिशिंग का प्रोसेस चल रहा है आई होप के जल्दी ही आ जाए ठीक है सो इसके अलावा आप सब लोग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरा अन का प्रोफाइल का लिंक वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं रेगुलर शाम को पाँच बजे वहाँ पे मेरी फ्री क्लास होती है उसका हिस्सा बन सकते हैं और मेरे साथ इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेके पूरा कोर्स मेरे साथ पढ़ सकते हैं यूजीसी नेट जे के एग्ज़ाम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी पी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी वो कोर्स आपके लिए इक्वली यूज़फुल रहेगा ठीक है थीके? उसके लिए मेरा कोड है सिमर टेन डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और टेलीग्राम का लिंक भी फॉलो कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक का भी लिंक है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मिलेंगे कल टेक केयर बाय बाय यस ए वेरी गुड इवनिंग कैसे हो ओके okay, चलो सो so, आज जो है आपका ये लास्ट सेशन है ग्रोथ मॉडल्स का बेसिकली चार पाँच सेशन इसके हो चुके हैं तो इसमें हमने सारे ग्रोथ मॉडल्स डिस्कस कर लिए हैं इसमें मैंने एक मॉडल डिस्कस नहीं किया रोस्टोय का रह गया है आपका रोस्टोय के अलावा बाकी सभी मॉडल्स हो गए हैं बिकॉज आई थिंक कि रोस्टोय का मॉडल सबसे ईजिएस्ट मॉडल है और आप उसे खुद भी कर सकते हैं जो बच्चा आज नया आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस ग्रोथ मॉडल्स के इससे पहले वाले पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इससे जो पहले वाले पार्ट्स हैं ग्रोथ मॉडल्स के जिसमें मैंने हेरेडोम सोलो इंडिग्नस क्लासिकल मार्क्शन ये करवाए हैं प्लीज वो पार्ट्स भी सारे देख लीजिएगा तभी आपका ये ग्रोथ मॉडल का सीरीज सारा कंप्लीट हो पाएगा ठीक है यस तो फटाफट से एक बार लाइक like शेयर कर दीजिए सेशन को लेट्स सी सबसे पहले हम बात करते हैं रुबिसन के मॉडल की रोबिनसन मॉडल ऑफ कैपिटल एक्यूमोलेशन भी इसको हम बोलते हैं या इसको हम गोल्डन एज मॉडल के नाम से भी जानते हैं गोल्डन एज मॉडल के नाम से सो so, ये जो मॉडल है मिसिज जॉन रोबिनसन का ये मॉडल है नाइनटीन में उन्होंने दिया था उनकी बुक है एक्यूमोलेशन ऑफ कैपिटल ठीक है बुक का नाम ये बुक किस ऑथर की है कंसेप्ट का नाम किस ऑथर का है ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं गोल्डन एज का मॉडल रोबिनसन ने दिया है बुक का नाम ऑफ कैपिटल है बेसिक एजम्पन मॉडल की क्या है फर्स्ट इज नो गवर्नमेंट इंटरफियर गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं है दो ही फैक्टर्स है कैपिटल एंड लेबर कंपटीशन बिल्कुल परफेक्ट है जी हर इकोनॉमिक्स के मॉडल में ये बात तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल सीआरएस रिटर्न टू स्केल यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है यानी कि जितना इनपुट उतना ही आउटपुट अनु जी नहीं आ, हिंदी मीडियम की बुक अभी नहीं आई सॉरी बट वो आने ही वाली है इन प्रोसेस में है वो जल्द ही आ जाएगी ठीक okay. so, है ओके सो कैपिटल लेबर रेशियो यहाँ पे फिक्स्ड है जितना मैं लेबर लगा कैपिटल लेबर रेशियो फिक्स्ड यानी कि देर इज़ नो सब्सटीट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर ठीक है नेशनल इनकम दो चीज़ों से मिला के बना है वेजेस एंड प्रॉफिट्स दैट इज़ नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट्स ठीक है जैसे आपको पता है कि सोलो के मॉडल में हम सब्सटीट्यूशन कर सकते थे कैपिटल लेबर के बीच में हैरेट डॉमर के मॉडल में सब्सटीट्यूशन नहीं है और रोबिन्सन के मॉडल में भी सब्सटीट्यूशन नहीं है ठीक है ओके थैंक यू नीरज जी क्लास लगाने के लिए सो डिजायर्ड रेट यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा जो रोबिन्सन का मॉडल है इसमें दो तरह के रेट्स बताए हैं एक डिजायर्ड एक रेट है और एक पॉसिबल रेट है ये उधर क्यों चला गया भाई दोबारा से हैं। हाँ, एक रेट है और एक पॉसिबल रेट है जैसे के मॉडल में तीन तीन रेट्स थे ना वरिड नेचुरल एंड एक्चुअल इसमें दो रेट्स हैं डिजायर्ड एंड पॉसिबल सो जो डिजायर्ड रेट है ये बिल्कुल हैरेड के वरंटेड रेट की तरह है ठीक है किसकी तरह हैरिड के वरटेड रेट की तरह तो द रेट विच मेक्स द फॉर्म सेटिसफाइड विद द सिचुएशन इन विच दे फाइन दमसेल्स मतलब एक फॉर्म जो है वो पूरी तरह से सेटिसफाइड है जिस भी सिचुएशन में वो है और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकालना निकालना चाहता जहाँ पर भी है ही इज़ कंप्लीटली सेटिसफाइड एट दैट पॉइंट पॉसिबल रेट जितना हो सकता है ये हेरिट के नेचुरल रोट रेट की तरह मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है जितना हो सकता है हमारे कंट्री में नेचुरल रिसोर्स हैं और भी बहुत सारे रिसोर्स हैं तो इफ आई से कि उन सभी रिसोर्सिस के मदद से हम कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज द नेचुरल रेट और वर्ंटीड रेट में क्या है कि वो रेट जिस पर सेटिस्फाइड है फॉर्म्स कैपिटलिस्टिक्स सेटिस्फाइड है ठीक है ना तो दोनों में फर्क है पॉसिबल रेट नेचुरल रेट हैरिट के मॉडल के नेचुरल रेट की तरह है और ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन एंड टेक्निक पर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्निकल नॉलेज पर आबादी कैसी है पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी है और टेक्नोलॉजी में चेंज कितना है उस पर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम कितना रेट हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल कितना है ठीक है और गोल्डन एज हम उसको बोलते हैं जहाँ पे आपका डिजायर्ड रेट एंड पॉसिबल रेट दोनों हो जाए इक्वल ठीक है इसके अलावा गोल्डन एज हम उसको भी बोल सकते हैं जहाँ पे आपका ग्रो लेबर का ग्रोथ रेट इक्वल हो जाए कैपिटल के ग्रोथ रेट से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो टू द पॉइंट में आपको आपके यू जी सी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें करवा रही हूँ डायग्रामेटिकली इक्वेश ये सब चीज़ें कर, कर कर के आपको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एन टी ए के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको इस मॉडल से इक्वेशन या मैथेमेटिकली या डायग्रामेटिकली चीजें नहीं पूछी जाती ठीक है सो ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ़ कैपिटल ये बताया अब इसके अलावा ये मैंने आपको डिजाइ गोल्डन एज बताया गोल्डन एज यहाँ पे दो पार्ट्स में बताई है दो चीज़ों में मैंने आपको डिस्क्राइब की है एक गोल्डन एज जहाँ पे डिसाइड रेट पॉसिबल रेट के इक्वल है या फिर यू कैन से जहाँ पे लेबर का ग्रोथ रेट कैपिटल के ग्रोथ रेट के बराबर है फिर इसके बाद इस मॉडल में एक स्टेटिक स्टेट का जिक्र किया गया स्टेटिक स्टेट वो है जहाँ पे ग्रोथ रेट बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है और प्रॉफिट रेट भी जीरो हो जाता है यानी कि इकॉनमी जो है हमारी खड़ी हो जाती है वो इस पॉइंट से ऊपर बढ़ ही नहीं रही बढ़ रही थी बढ़, बढ़ते बढ़ते एकदम खड़ी हो गई इसके ऊपर अब वो जा ही नहीं रही यानी कि ग्रोथ जीरो नहीं है याद रखिएगा देर इज ग्रोथ जीरो नहीं है ग्रोथ बढ़ने की रफ्तार जीरो है ग्रोथ रेट इज ज़ीरो प्रॉफिट्स आर नॉट ज़ीरो प्रॉफिट्स बढ़ने का रेट जीरो है इनके प्रॉफिट्स बढ़ नहीं रहे वहाँ पर खड़े हो गए ठीक है सो so, इसके अलावा इस मॉडल में एक स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ब्लिस का भी जिक्र किया गया स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ब्लिस ये वो स्टेट है जहाँ पे कंजम्पशन मैक्सिमम होती है कंज़म्पशन अपने पीक पॉइंट पे होती है कंज़म्पशन मैक्सिमम होती है ठीक है अब हम इस मॉडल को और हैरेट डॉमर के मॉडल को थोड़ा सा डिफ्रेंशियट करके समझते हैं बेसिक मैंने आपको दोनों में सिमिलैरिटी बता दी है रोबिन्सन के मॉडल में भी फिक्स्ड कैपिटल लेबर रेशियो ली गई है यानी कि देर इज नो सब्सिटीट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर और हैरेट डॉमर के मॉडल में भी सेम यही ठीक है ना इसके अब ये हम करते हैं इसको तो जो, जो हैरेट डॉमर का मॉडल है ना इसमें बात की गई है सेविंग इनकम रेशियो की किसकी बात की गई है सेविंग इनकम रेशियो की जबकि जो रोबिनसन का मॉडल है इसमें प्रॉफिट एंड वेज की बात की गई है प्रॉफिट एंड वेज हैरेड डोमर के मॉडल में सेविंग एंड इनकम का रिलेशन देखा गया है के मॉडल में प्रॉफिट्स एंड वेज का रिलेशनशिप देखा गया ठीक हैरेड डोमर के मॉडल में कैपिटल की प्रोडक्टिविटी की बात की गई है दिस इज बेसिकली फॉर डिवलप्ड कंट्रीज है ना और रोबिनसन के मॉडल में लेबर की प्रोडक्टिविटी की बात की गई हैरेट डोमर के मॉडल में कैपिटल का प्राइम सोर्स जो है कैपिटल इज़ ए प्राइम सोर्स मतलब पूंजी के गठन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स उसने पूंजी लिए कैपिटल एक्यूमलेशन कहाँ से बनती है कैपिटल से बनती है यहाँ पर रुबिनसन ने कहा है कि लेबर से कैपिटल एक्यूमलेट होती है यानी कि आप समझ पा रहे हैं रुबिनसन का मॉडल थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्रीज़ के जिक्र कर रहा है है ना डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर ज्यादा है उसका जिक्र कर रहा है हैरेड डोमर का मॉडल जो है वो डिवलप्ड कंट्रीज़ का जिक्र ज्यादा कर रहा है इसने पूंजी का गठन कैपिटल से होता है इसने पूंजी का गठन लेबर से होता है ठीक है तो ये चीजें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट आपको इसमें कर लेनी है अब मैं आपको यहाँ पे गोल्डन एज की कुछ दो, दो तीन टाइप समझाऊंगी ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा <coughs> एक लिंपिंग गोल्डन एज है रेस्ट्रेंड गोल्डन एज है सो so, जो लिपिंग गोल्डन एज होती है ना इसमें क्या है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक इज लेस देन ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स मैंने कहा था गोल्डन एज वो है जहाँ पे कैपिटल एंड लेबर का ग्रोथ रेट बराबर है लिपिंग गोल्डन एज वो है जहाँ पे आपका कैपिटल का ग्रोथ रेट जो है वो लेस है लेबर फोर्स के ग्रोथ रेट से ठीक है इसमें आप ये भी बोल सकते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैपिटल की कमी हो जाती है ठीक है कैपिटल की कमी होने के कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाता है इस सिचुएशन से भी वो कहता है आप इसको मैच कर सकते हो ठीक सो लिंपिंग गोल्डन एज सिंपल मतलब कैपिटल की कमी कैपिटल की कमी इसके बाद रेस्ट्रेन गोल्डन एज आता है स्टेड गोल्डन एज एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है हमारा वो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट से कम होता है डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट क्या है जितना चाहिए जितना चाहिए ठीक असल असल है वो जितना चाहिए उससे कम है जितना चाहिए उससे क्या है उससे कम है तो असल में जो रेट है वो जितना चाहिए उससे कम है फाइन फिर आता है यहाँ पे बास्टर्ड गोल्डन एज बास्टर्ड गोल्डन एज का ने दिया है उसने कहा है एज वेयर अनएम्प्लॉयमेंट बट रियल वेजेस रिमेन डाउनवर्ड्स मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेरोजगारी तो बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट क्या बेरोजगारी बेरोजगारी तो बढ़ रही है बट वेजेस नहीं बढ़ रही याद है हमने फिलिप्स कर्व में पढ़ा है नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अगर प्राइजेस बढ़ेंगे है ना अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी प्राइजेस बढ़ेंगे वेजेस बढ़ेंगे है ना ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है ना नॉर्मल केसेस में uh, मतलब वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप पे हमने बहुत सारी क्लासेस लगाई हुई हैं तो अब इस बास्टर्ड गोल्डन एज में वही रिलेशनशिप थोड़ा बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है बट वेजेस जो हैं वो रिजिट डाउनवर्ड यानी कि रिजिट का मतलब है कि वो चीज़ वहीं की वहीं खड़ी है फिक्स है हिल नहीं रही ठीक है मतलब देर इज नो चेंज कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें रिजिट डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड कम है वेजेस कम है और वहीं पर खड़ी है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रिवेल कर रही है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है और वेजेस नीचे की तरफ खड़ी है ठीक है और दूसरा इसका ये भी फीचर है कि यहाँ पे कैपिटल इस स्टेज में कैपिटल एक्यूमलेशन यानी कि पूंजी का गठन नहीं हो पा रहा पूंजी नहीं जमा हो पा रही क्योंकि टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं है ठीक है ये बास्टर्ड गोल्डन एज के फीचर्स है फिर एक आता है प्लेटिनम एज प्लेटिनम एज में सबसे इंपॉर्टेंट होती है गलॉपिंग प्लेटिनम एज क्या होती है गलॉपिंग प्लेटिनम एज ठीक है सो ये वो केस है इकॉनमी का जहां पे प्रॉफिट रेट तो बढ़ रहा है राइसिंग रेट ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट रेट बढ़ रहा है बट अनएंप्लॉयमेंट नहीं जा रही फिर भी प्रॉफिट रेट बढ़ रहा है बट प्रॉफिट रेट बढ़ने के बावजूद भी क्या हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जा रही ठीक है दिस इज ए गैलोपिंग प्लेटिनम एज ठीक है जी कैपिटल एक्यूमलेशन uh, हो रही है रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है बट फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रही है सो बेसिकली दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस एज तो इसी के साथ आपके रॉबिन्सन मॉडल खत्म होता है अब हम स्टार्ट करते हैं कैल्डर मॉडल फाइन क्लियर सबको यहां तक सो so, अब जो कैलडर मॉडल है और रोबिंसन का मॉडल है ना इसमें एक सिमिलैरिटी है दोनों मॉडल्स में कहा गया है नेशनल इनकम इज ए सम ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेजेस नेशनल इनकम दो चीजों से बनी है प्रॉफिट्स जो कि इंटरप्रीनियर्स कमाते हैं और वेजेस जो कि एक नॉर्मल लेबर कमाता है तो दोनों मॉडल्स में यही चीज ली गई है ठीक है so, सो जो कैलडर का मॉडल है ना इसने टेक्निकल प्रोग्रेस को कैपिटल एक्यूमलेशन के साथ रिलेट किया है ये कहता है कि टेक्निकल प्रोग्रेस इज ए रिजल्ट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन पूंजी का गठन होता है पूंजी का गठन होने से टेक्निकल प्रोग्रेस होती है ठीक है यानी कि टेक्निकल प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन कैपिटल एक्यूमुलेशन ठीक है और ये जो कैल्डर का मॉडल है इसमें के थ्योरी को फॉलो किया है के थ्योरी इन एनालिसिस केन्स की थ्यूरी को और हैरेड के एना आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन सा मॉडल है जिसने केन्स की थ्योरी को और हैर के एनालिसिस को फॉलो किया ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा ऐसी क्वेश्चन थी जिसने नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि जो इकोनॉमिक नहीं है ये अर्थशास्त्र वाले फैक्टर्स नहीं है शास्त्र से बिलोंग नहीं करते नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को उसने इंपॉर्टेंस दी है डेवलपमेंट प्रोसेस में ठीक है सो इसकी कुछ एजम्पन्स फुल एम्प्लॉयमेंट ये बता दिया टेक्निकल प्रोग्रेस कैपिटल एक्यूमलेशन पे डिपेंड करती है ये भी मैंने आपको अभी भी बताया इनकम जो है दो चीज़ों से बनेगी वेजेस एंड प्रॉफिट और इसी तरह जो सेविंग्स हैं वो भी दो चीज़ों से बनेंगी टोटल सेविंग्स वेजेस से होने वाली सेविंग्स एंड प्रॉफिट से होने वाली सेविंग्स ठीक है वेजिस से जो सेविंग्स हो रही हैं प्लस प्रॉपर्टी प्रॉफिट से जो सेविंग हो रही है प्रॉफिट्स ठीक है और रिटर्न्स टू स्केल बेसिक सभी मॉडल्स में कांस्टेंट ही रहता है ये बस उसमें हमारा इंडिगनस ग्रोथ मॉडल में ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हमारा इंक्रीजिंग बना था है ना बाकी सब में सेम सो so, इसने अपने मॉडल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कांस्टेंट एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एक है कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन वेन यू सी कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन यानी कि लेबर में कोई चेंज नहीं आ रहा पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा जब पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट है तो आप क्या करते हो कैपिटल के ग्रोथ होने से कैप इनकम पर कितना प्रभाव पड़ा वो देखते हो देखिए ध्यान से समझिए दिस इज माय आउटपुट दीज आर माई टू टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल तो कांस्टेंट पॉपुलेशन वाले चरण में वो क्या कहता है कि लेबर यानी कि पॉपुलेशन तो कांस्टेंट है कांस्टेंट है ये क्या है कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट रहने दो तो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं आउटपुट का एंड कैपिटल का यानी कि कैपिटल बढ़ने से आउटपुट मतलब वी आर सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड आउटपुट ओनली इसको कांस्टेंट रख के कांस्टेंट पॉपुलेशन वाले स्टेज में दूसरा स्टेज है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है अब जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पे कैपिटल को कॉन्स्टेंट रख दो फिर हम रिलेशन देख रहे हैं लेबर एंड आउटपुट का ठीक uh, मतलब है रिलेशन बिटवीन ग्रोथ इन पॉपुलेशन मतलब लेबर सेम है एंड ग्रोथ इन कैप इनकम यानी कि आउटपुट ठीक है इनकम एंड आउटपुट सेम लेबर एंड पॉपुलेशन सेम समझिए तो कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन में पॉपुलेशन को यानी कि लेबर को कॉन्स्टेंट रख के आई एम सींग द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड आउटपुट या कैपिटल एंड इनकम एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में आई एम सींग द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड इनकम समझ गए ठीक है इसके अलावा कैलडर ने तीन फंक्शन की बात की है ध्यान से समझिए इसने तीन फंक्शन दिए हैं देर इज सेविंग फंक्शन सेविंग फंक्शन एक मिनट टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन हाँ ये इसने फंक्शंस दिए हैं दैट इज सेविंग फंक्शन एंड टेक्निकल प्रोग्रेस एंड फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन तीन फंक्शंस का इसने जिक्र किया एग्जाम में पूछा जाए कौन कौन से फंक्शंस दिए हैं कैल्डर ने तो ये तीन फंक्शंस दिए हैं सेविंग फंक्शन वैसे बहुत इक्वेशंस के थ्रू आप करेंगे दिस इज वेरी लेंथी बट एग्जाम में इक्वेशंस नहीं आती बेसिक आइडिया जो है सेविंग फंक्शन के पीछे ये है कि टोटल सेविंग्स दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड है सेविंग्स फ्रॉम वेजेस एंड सेविंग्स फ्रॉम प्रॉफिट जो मैंने अभी समझाया था आपको यानी कि जो वर्कर क्लास है वो वेजेस कमा रही है जो इंटरप्रीनियस है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं वेजिस से भी सेविंग हो रही है प्रॉफिट से भी सेविंग हो रही है टोटल सेविंग इज अ सम ऑफ दीज टू ठीक है फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन में उसने बेसिकली क्या है इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंक्शन एज यू नो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल चेंज इन कैपिटल देखिए मेरा कैपिटल जो था के टी टी टाइम पीरियड में मेरा कैपिटल था दो हजार टी प्लस वन ती ले लो 2009, 2009 में मेरा कैपिटल था 2000, 2010 में मेरा कैपिटल हो गया 5000. डिफरेंस कितना आया डिफरेंस कितना आया 3000 का ठीक है सो दिस डिफरेंस इज इन्वेस्टमेंट दिस डिफरेंस इज इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन कैपिटल डिफरेंस इन कैपिटल बिटवीन टू पीरियड्स टी प्लस वन एंड टी दो पीरियड्स है ये है ना दोनों पीरियड्स के कैपिटल का डिफरेंस जो है दैट इज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं अगर आपको लिखा हो डेल्टा के टी तो डेल्टा केट इज़ ऑलवेज इक्वल टू आई टी याद करो डोमर के मॉडल में हमने ये चीज़ यूज़ की थी डेल्टा केट इज इक्वल टू आई टी यानी कि कैपिटल में होने वाला चेंज इन्वेस्टमेंट के इक्वल तीसरा उसने दिया है टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन जिसमें हमने पढ़ा था कि टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो कैपिटल एक्यूमलेशन पे डिपेंड करती है याद करो सो कैपिटल एक्यूमलेशन इज ए इंडिपेंडेंट फैक्टर टेक्निकल प्रोग्रेस इज ए डिपेंडेंट फैक्टर बिकॉज टेक्निकल प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन कैपिटल एक्यूमुलेशन है ना तो टेक्निकल प्रोग्रेस इज ए डिपेंडेंट एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन इज इंडिपेंडेंट वो कहते हैं पूंजी का गठन होगा तभी टेक्निकल प्रोग्रेस होगी तभी टेक्निक प्रोग्रेस करेगी हिंदी की बुक आ जाएगी जी जल्दी से जल्दी आई एम ट्राइंग आपसे ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं हिंदी मीडियम बुक लॉन्च करने के लिए ठीक है तो फिक्र मत करिए तो इसी के साथ हमने आज के इन दो मॉडल्स को किया खत्म Robinson मॉडल एंड कैल्डर मॉडल Hopefully आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर your यू जी सी नेट इक्नॉमिक्स एग्जाम तो इसी के साथ ये ग्रोथ मॉडल्स की सीरीज होती है हमारी ख़त्म तो मेरे साथ जुड़ने के लिए अन अकेडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा शाम को पाँच बजे फ्री क्लास होती है प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वहाँ पर ज़रूर मुझे देखा करिए प्रोफाइल लिंक फॉलो करके एंड इसके अलावा अन अकेडमी पर पूरा कोर्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी रेफरल कोड मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सिमर टेन इसको लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और यूजीसी नेट एक्नॉमिक्स की बुक का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बेसिकली अपनी बुक से ही मैंने ये आपको सारा कुछ करवाया है ठीक है जी बिल्कुल आता है जी क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको करवाया है इससे ही क्वेश्चन आते हैं ठीक है जितना करवाया है इससे ही क्वेश्चन आते हैं ओके सो थैंक Yes, hello everyone. Very good morning. ओके सर गुड मॉर्निंग टू ऑल इज़ एवरीथिंग फाइन ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए जी हाँ सो स्वागत है आप सबका एक नई सीरीज़ में तो एज यू नाउ कि कल मैंने एक पॉलिंग करवाई थी इस चैनल पर एम स्टडी ग्रूप पर तो वहाँ पर मैंने तीन चीज़ें लिखी थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकनॉमिक्स मैथेमेटिकल एंड इकनॉमिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्वेश्चन तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो आ, उस पॉलिंग का रिजल्ट रहा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स के लिए रहा फिफ्टी थ्री परसेंट अप्रोसीमेट जो है लर्नर्स ने कहा कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स जो हैं वो करना चाहते हैं ठीक है सो दैट्स वाई आपकी इस जवाब को मद्देनज़र आपके इन जवाबों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के जो मॉडल्स हैं वो स्टार्ट करवाने जा रही हूँ इस चैनल पर सो so, फटाफट से एक बार लाइक like शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लर्नर्स जो है लाइव हो पाएं और आज की क्लास में हम हैरेट डोमर मॉडल करेंगे और बता दूँ कि ये मॉडल जो है ना आप कहीं से भी मॉडल पढ़, पढ़ लीजिए चार किताबों से पढ़ लीजिए कोई वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा अगर आपने उसको इस अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ा जिस तरह से एन वाले उसमें से क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिस तरह से यू जी सी नेट इकनॉमिक्स में मॉडल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उस ढंग से उन मॉडल्स को पढ़ना है, है ना एक सिंपली किसी भी बुक से मॉडल पढ़ लेने से ये चीज़ सुफिशियंट नहीं हो जाती कि आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर ये मॉडल आएगा तो आप उस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे ठीक है आपको उसके लिए ये चीज़ चाहिए कि एन वाले किस ढंग के क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन इस मॉडल से पूछ रहे हैं क्या वो पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको क्लियर हैं जिस पॉइंट्स से जिस तरह से जिस तरह की थिंकिंग वो आपसे मांग रहे हैं इन क्वेश्चंस में है ना सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दैट्स वाई जो मैं आपको आज करवाऊंगी जो मॉडल्स की क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें पूरा यू जी नेट इक्नॉमिक्स पे फोकस होगा कि ये मॉडल्स आपको उसी ढंग से करवाऊंगी जिस ढंग के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ठीक है तो यस yes, फटाफट से लाइक शेयर एक बार कर दीजिए नए बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस के अपडेट्स के लिए उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अदरवाइज किसी क्लास की अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा सो लेट्स स्टार्ट एक चीज़ समझिएगा हैरिट डॉमर जो मॉडल है ना ये केन्जियन मॉडल की ही एक्सटेंशन है हम सब ने केन्जियन मॉडल पढ़ा है आप सब ने पढ़ा है केन्स ने हमेशा शॉर्ट रन की बात की है केन्स ने कहा है इन लॉन्ग रन वी आर एल डेट तो केन्स हमेशा हमेशा शॉर्ट रन की बात करता है तो जो केन्स है इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि केन्स ने सप्लाई इफेक्ट को जो है वो कांस्टेंट माना है और केन्स हमेशा कहता है दे आर चेंजेस इन डिमांड कि डिमांड साइड में चेंजेस होंगी सप्लाई साइड जो है वो कांस्टेंट रहेगी ठीक है ना तो ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी तो अब जो हैरेड डोमर का मॉडल है ना इसने वो दो चीज़ों पर एक्सटेंशन की है कौन सी चीजें केन्स ने कहा शॉर्ट रन हैरेड डॉमर ने लॉन्ग रन की बात की केन्स ने कहा सिर्फ डिमांड साइड हैरिड डोमर ने दोनों साइड कंसिडर की हैं डिमांड साइड भी और सप्लाई साइड भी फाइन यही कहानी अब यहाँ पे है। हैरिड डोमर ने जो केन्जियन का एनालिसिस था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को उसको एक्सटेंड करके लॉन्ग रन प्रॉब्लम पर रेड उसको लेके गया क्योंकि ने सिर्फ शॉर्ट रन की बात की थी और दूसरी चीज एंड डोमर ने डिमांड साइड साइड सप्लाई दोनों की बात की बात है जबकि केन्स ने सिर्फ डिमांड साइड की बात की थी और सप्लाई को कांस्टेंट रखा था हैरेड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के दो इफेक्ट्स देखे हैं एक डिमांड साइड वाला इफेक्ट और दूसरा सप्लाई साइड वाला इफेक्ट ठीक है समझे बात तो अब यहाँ पे एक डेफिनेशन सी पढ़िए थोड़ी सी हैरेड डॉमर मॉडल की हैरेड डोमर मॉडल सीक टू डिटरमाइन दैट यूनिक रेट एट विच इन्वेस्टमेंट एंड इनकम मस्ट ग्रो कहता हैरेड डोमर ने अपने मॉडल में उस पर्टिकुलर यूनिक रेट को डिटरमाइन करने की कोशिश की है जिस रेट पर इन्वेस्टमेंट एंड इनकम्स ग्रो होने चाहिए जिस रेट पर इन्वेस्टमेंट एंड इनकम ग्रो होने चाहिए ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लॉन्ग पीरियड के लिए मेंटेन किया जा सके तो इसी को इसने स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ कहा है कि जिस रेट पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रो करने चाहिए कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का रेट लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो मेंटेन किया जा सके समझे बात अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए पहले इससे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं ये जो ड्यूअल इफेक्ट है इन्वेस्टमेंट का इसको समझिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हैरे डोमर ने इन्वेस्टमेंट के ड्यूअल इफेक्ट्स दिए हैं यानी कि एक डिमांड इफेक्ट एंड एक सप्लाई से इफेक्ट जो इनकम इफेक्ट है इसको आप डिमांड इफेक्ट बोलोगे और जो कैपेसिटी इफेक्ट है इसको आप सप्लाई इफेक्ट बोलोगे ठीक है फर्स्टली इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिज एग्रीगेट डिमांड जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगी ठीक है जब इन्वेस्ट देखिए ध्यान से अब डिमांड इफेक्ट समझिएगा जब इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होगी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी लोगों की डिमांड बढ़ेगी लोगों की डिमांड बढ़ेगी अगर लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इनकम बढ़ेगी इनकम क्यों बढ़ेगी भाई मान लीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूँ ठीक है मैं कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो अगर मेरे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो मेरी इनकम ही तो बढ़ेगी ना होगी नहीं सो डिमांड बढ़ने से क्या देखिए ध्यान से अब चीज को समझिए मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में तो उस चीज़ की पर मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई उस चीज़ की डिमांड बढ़ी तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ने से मेरी इनकम बढ़ रही है बिकॉज मेरे प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ेगी तो मेरी इनकम बढ़ेगी दिस इज अ डिमांड साइड इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है तो दूसरी चीज़ उसने कही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ाती है यानी कि सप्लाई बढ़ाती है अगर प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो इकोनमी में सप्लाई बढ़ेगी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी बट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि केन्स जो था ना केन्स ने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ डिमांड इफ़ेक्ट नोटिस किया था सप्लाई इफेक्ट उसने इग्नोर किया था हम अक्सर ही पढ़ते हैं केन्स के मॉडल में कि जो सप्लाई है वो स्टेबल है याद करो स्टेबल है और जो डिमांड है वो अनस्टेबल है पढ़ते हैं ना सो दैट इज बिटवीन हेरिड डोमर मॉडल एंड इससे पहले वाला केंजियन मॉडल फाइन बात समझ में आई आगे अब देखिए अब जो हैरिड एंड डोमर है दोनों ने कैपिटल एक्यूमोलेशन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है ठीक है किसको इंपॉर्टेंस दी है कैपिटल एक्यूमोलेशन को ठीक है पूंजी को यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी डबल रोल इन ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली अब ये देखिए वो कहता है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सिर्फ सप्लाई साइड की बात की थी के एनजियन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सिर्फ डिमांड साइड की बात की थी बट हैरेट डोमर जो है इसने सप्लाई साइड की भी बात की है और डिमांड साइड की भी बात की है ठीक है अच्छा इसके अलावा इसकी जम्पशन देखिए जम्पन में सबसे पहली जम्पन फुल एम्प्लॉयमेंट कंसीडर किया गया नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यानी कि लेजिस फेयर एक जिसमें गवर्नमेंट दखल नहीं दे रही इकोनॉमी क्लोज है यानी कि कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा दूसरे कंट्रीज से एडजस्टमेंट में लैग्स नहीं है याद करिए कल मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली क्लास में हमने लैग्स का कंसेप्ट समझा था लैग्स का क्या मतलब होता है मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर डेल्टा का मतलब है कि अगर इन्वेस्टमेंट मेरी 2006 हजार छ में लग बढ़ रही है तो इनकम मेरी 2008 में बढ़ रही है यानी कि यहाँ पे टू पीरियड्स लैग आ गया समझाया था बट यहाँ पे इस मॉडल में किसी भी तरह के लैग कंसीडर नहीं किए गए यानी कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसी टाइम पर इनकम बढ़ जाती है देर इज नो लैग इन एडजस्टमेंट फाइन अगली एजॉम्पन है कैपिटल इनकम एंड लेबर इनकम रेशियो कॉन्स्टेंट ठीक है कैपिटल इनकम एंड लेबर इनकम कैपिटल लगाकर जो इनकम मिल रही है लेबर लगा के जो इनकम मिल रही है रेशियोस कांस्टेंट हैं फैक्टर्स का सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा यानी कि मैं लेबर को कैपिटल के लिए और कैपिटल को लेबर के लिए सब्सटिट्यूट नहीं कर सकती इसका कंसेप्ट मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझाया था जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ मैं लेबर हूँ और जो ये जो बोर्ड लगा है ये कैपिटल है कैपिटल है अगर मैं कहूँ कि मैं चली जाती हूँ आप सिर्फ बोर्ड के आसरे पढ़ लो ऐसा नहीं हो सकता ना यानी कि सब्सटीट्यूशन नहीं है मेरी जगह पर अगर आप कहो कि एक और बोर्ड लगा दो तो आप पढ़ लोगे हो सकता है नहीं या मैं कहूं बोर्ड हटा देती हूँ एक और लेबर यानी कि एक और टीचर ले आती हूँ तो हो सकेगा नहीं यानी कि देर इज नो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल में लेबर की जगह पे कैपिटल ज्यादा नहीं लगा सकती और कैपिटल की जगह पे लेबर ज्यादा नहीं लगा सकती ठीक है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या मतलब है इसका जितना मैं इनपुट लगा रही हूं उतना मुझे आउटपुट मिल रहा है ठीक है जितना मैं इनपुट लगा रही हूँ उतना मुझे आउटपुट मिल रहा है अब ध्यान से ना नरेड डोमर के मॉडल में दो तरह के जो ग्रोथ रेट्स आते हैं वरंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए जो वरंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है ये वो रेट होता है जिस पर इंटरप्रीनियर्स पूरी तरह से सेटिसफाइड होते हैं जो इनोवेटर इनोवेशन करने वाले होते हैं जो इंटरप्रीनियर्स होते हैं वो अपने आप को पूरी तरह सेटिस्फाइड फील करते हैं उनको ऐसा लगता है कि जिस पॉइंट पर हम हैं ये एकदम सही अमाउंट है ना ही हमको इससे ज़्यादा चाहिए ना ही हमको इससे कम चाहिए ठीक है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं उस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट पर और इसीलिए इस ग्रोथ रेट को वो हमेशा के लिए मेनटेन रखना चाहते हैं ठीक है वरंटेड रेट ऑफ ग्रोथ को इसलिए इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है क्यों क्योंकि इस पर प्रोड्यूसर्स सेटिस्फाई होते हैं और इस रेट ऑफ ग्रोथ को वो मेंटेन रखना चाहते हैं ठीक है दूसरा होता है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ अब हैरिड कहता है कि जो एक्सपेंशन है ना वो एक लिमिट तक हो सकती है मतलब अगर कहीं की ग्रोथ होती जाए होती जाए ऐसा नहीं है एक लिमिट होती है ग्रोथ की भी तो जो वो ग्रोथ की लिमिट है ना उसको नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है ठीक है हमारे कंट्री में जो लेबर की अवेलेबिलिटी है जो नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो चीज़ हमारी ग्रोथ पे एक लिमिट पुट करते हैं कि हमारे कंट्री में अगर इतना लेबर है इतने नैचुरल रिसोर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इतनी ही ग्रोथ हो सकती है इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती तो नेचुरल ग्रोथ रेट बेसिकली वो ग्रोथ रेट है जिसको जो डिटरमाइन होती है हमारे कंट्री की पॉपुलेशन या रिसोर्सेज से ठीक है कि पॉपुलेशन एंड रिसोर्सिस को मद्देनजर रखते हुए हम इतनी ही ग्रोथ हासिल कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं वो जो लिमिट है ग्रोथ पर जो लग जाती है हमारे कंट्री के रिसोर्सिस के कारण देट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट ठीक है कहता है ये जरूरी तो नहीं है कि वरटेड रेट ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम अटेनेबल ग्रोथ रेट है यानी कि ये जरूरी तो नहीं है जो ज्यादा से ज्यादा हम अटेन कर सकते हैं वो वरटेड ग्रोथ रेट है नहीं ठीक है वरटेड ग्रोथ रेट से हम ज्यादा भी अटेन कर सकते हैं ठीक है ना सो so, जो वर्ंटिड ग्रोथ रेट से हम ज्यादा भी अटेन कर सकते हैं वरंटेड ग्रोथ रेट से कम भी ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री के लिए वरंटेड ग्रोथ रेट तक पहुंचना पॉसिबल ही ना हो कंट्री के लिए सिर्फ यहां तक पहुंचना पॉसिबल हो यहाँ तक पहुंचना पॉसिबल ही ना हो मतलब कहने का कि वंटिड ग्रोथ नेचुरल रेट से ज्यादा भी हो सकती है वर्ंटिड ग्रोथ नेचुरल ग्रोथ से कम भी हो सकती है नेचुरल ग्रोथ वो रेट है जो कंट्री के रिसोर्सेज के द्वारा डिटरमाइन की जाती है ठीक है यू कैन से ये हाइएस्ट अटेनेबल ग्रोथ रेट है मतलब जितनी ग्रोथ एक कंट्री अटेन कर सकता है अपने रिसोर्सिस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने पर आप इसे सीलिंग रेट ऑफ ग्रोथ भी बोल सकते हैं यानी कि हाइएस्ट ग्रोथ रेट फाइन सो ये दोनों का मतलब मैंने आपको समझाया अब आप थोड़े से इसके ये फार्मूले देखिए एक्चुअल ग्रोथ रेट का फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू एस ओवर सी एस का मतलब है सेविंग सी का मतलब है कैपिटल इसी तरह वेड रेट का फार्मूला होता है यू कैन राइट इट एस जी डब्ल्यूर सी आर एस का मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल है ठीक मतलब है ठीके? तो ये दो फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं इनको याद रख लीजिएगा वेरी इजी टू रिमेंबर वेरी इजी टू रिमेंबर ये मैंने आपको डेफिनेशंस तीनों की समझा दी अब नाइफ एज इक्वलिब्रियम क्या होता है चाकू की नोक पे बना हुआ इक्विलिब्रियम थोड़ा सा मेरा चाकू जो है वो ऊपर गया तो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसलिए उसे बोलते हैं चाकू की नोक पे बना हुआ इक्विलिब्रियम ठीक है सो so, इक्विलिब्रियम है जी इज इक्वल टू मतलब जब तीनों रेट्स मेरे इक्वल होते हैं एक्चुअल वरटेड एंड नेचुरल उसको हम नाइफ एज इक्विलिब्रियम बोलते हैं नाइफ एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका तबाह होना पक्का है यानी कि उसमें डेविएशंस आएंगी आएंगी चाकू की नोक पे बना हुआ है तो डेविएशंस आएंगी आएंगी तो अब ये डेविएशंस का फंडा थोड़ा सा यहां पे समझिए तो मैंने यहां पे लिखा है केस वन कहता है कि जब वर्ंटेड ग्रोथ रेट जो है वो एक्चुअल ग्रोथ से बढ़ जाती है एक चीज ध्यान से समझिएगा जब भी वरंटेड ग्रोथ रेट बढ़ती है ना चाहे व्रंटिड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ से बढ़े चाहे वंटिड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ से बढ़े याद रखिएगा जब भी वंटिड ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो इकोनॉमी में आएगा डिप्रेशन डिप्रेशन ठीक है और जब भी वरंटि ग्रोथ रेट कम होगी चाहे वो एक्चुअल से कम हो चाहे वो नेचुरल से कम हो जस्ट जब भी वरटिड ग्रोथ रेट कम होगी ठीक है तो उससे कंट्री में आएगा इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल मैनर अब एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है हम सब ने देखा हम सब ने देखा कि जो हमारा फार्मूला था ये वाला यानी कि हमारा वर्ंटिड ग्रोथ एंड रिक्वायर्ड कैपिटल एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है यानी कि अगर मेरी वरंटिड ग्रोथ बढ़ेगी तो मेरा रिक्वायर्ड कैपिटल कम होगा ऐसा ही होगा ना तो अगर यहां पे मैं बता रही हूँ मेरी वारंटेड ग्रोथ रेट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि रिक्वायर्ड कैपिटल एक्चुअल कैपिटल से कम है क्योंकि दे आर इनवर्सली रिलेटेड ठीक है इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरी वारंटेड ग्रोथ रेट कम है तो इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड कैपिटल एक्चुअल कैपिटल से ज्यादा है फाइन यहाँ तक ये यह चीजें समझ में आई ठीक है और ये चीज़ मैंने समझा दी आपको तो यहाँ तक आपका जो हैरेड का मॉडल है वो ख़त्म होता है जिसकी कोई चीज़ छूट गई है जो बाद में क्लास में आया है एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा सब समझ में आ जाएगा फिर हम बात करते हैं डोमर मॉडल की तो डोमर मॉडल जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इन दोनों ने दोनों साइड्स की बात की है डिमांड साइड की भी और सप्लाई साइड की भी तो यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये इक्वेशंस याद रखनी है डोमर की डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड वाली नेट के एग्जाम के लिए तो ये जो डिमांड साइड की इक्वेशन है इज ओवर इसे आप लिख सकते हैं आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एंड एल्फा का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो मतलब हैरिड के मॉडल में एस का था ना एस का सेविंग या एम पी एस वो मतलब डोमर के मॉडल में एल्फा का है ठीक है और सप्लाई साइड की इक्वेशन वाई एस इक्वल टू याद रख लो ओके ओ का मतलब लिख लो प्रोडक्टिविटी ओ भी लिख सकते हो या इसको सिग्मा कंसीडर कर सकते हो ऐसा सिग्मा ठीक है तो इस सिग्मा या ओ का मतलब क्या है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड के का मतलब क्या है रियल कैपिटल तो ये दो इक्वेशंस आपको इसी तरह से याद रखनी है ठीक है ये दो इक्वेशन आपको इसी तरह से याद रखनी है अब देखिए जैसे कि हमने हैरेड डोमर के मॉडल हैरेड के मॉडल में नाइफ एजिकुलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ा था ना इसी तरह से डोमर के मॉडल में भी इकोलिब्रियम का कंसेप्ट है ठीक है जैसे हमने हैरेड के मॉडल में पढ़ा था वैसे इस मॉडल में भी इकोलिब्रियम का कंसेप्ट है इस मॉडल में जो इक्वलिब्रियम है उसको हम रेजर एजिकोलिब्रियम के नाम से जानते हैं उसमें हमने नाइफ एज कोलिब्रियम पढ़ा था रेजर नाइफ वही है रेजर भी तीखा होता है नाइफ की तरह मतलब मतलब दोनों का सेम ही है जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए हैरिड के इक्वलिब्रियम को डोमर के इक्वलिब्रियम से उन्होंने हैरिड के इक्वलिब्रियम को नाइफ एज बोल दिया और डोमर के इक्वलिब्रियम को रेजर एज बोल दिया ठीक है तो अब ये क्या है देखिए हम क्या करेंगे मैंने दो साइड ली डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड फाइन मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा वाई डी ओवर डेल्टा वाई एस इसका मतलब चेंज है डेल्टा का मतलब क्या है चेंज अब वाई डी क्या था मेरा डेट इज डेल्टा आई ओवर एल्फा यही था और वाई एस क्या था मेरा डेल्टा मैंने अपनी तरफ से लगाया दोनों साइड्स पर सिग्मा के ठीक है अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा आई ओवर एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा के सिग्मा आप सबको पता है कि चेंज इन कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है मतलब डेल्टा के का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है तो मैं डेल्टा के की जगह पर आई लिख सकती हूँ आई लिख सकती हूँ ठीक है अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से इस वाले आई को इसके ओवर में लेके आ सकती हूँ एंड इस वाले अल्फा को इसके मल्टीप्लाई में लेके आ सकती हूँ तो दिस इज माई इक्वेशन ये मेरी इक्वेशन जो बनती है ना दिस इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन इन डोमर मॉडल विच डिटरमाइंस इक्वलिब्रियम ये वाली इक्वेशन जो है ये मेरा इक्वलिब्रियम डिटरमाइन करती है फाइन सबको समझ में आ गया आई थिंक ठीक है तो अब रेजर एज रेज है इसमें भी डेवियेशंस पॉसिबल है जैसे नाइफ एजिकुलिब्रियम में डेवियशंस पॉसिबल थी वैसे रेजर रेज एजिकुलिब्रियम में भी डेवियशंस पॉसिबल है ठीक है तो इसमें डेविएशंस कैसे पॉसिबल हैं अगर मेरा चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बर सप्लाई यही है ना सिग्मा का मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एल्फा का मतलब एम अगर मेरी ये चीज इस चीज़ से ग्रेटर हो जाती है याद रखिएगा दिस इज योर डिमांड साइड एंड दिस इज योर सप्लाई साइड अगर ये चीज़ डिमांड साइड मेरी सप्लाई साइड से ज़्यादा हो जाती है तो इकॉनमी में क्या आएगा इन्फ्लेशन आएगा ठीक है और अगर मेरी डिमांड साइड इस सप्लाई साइड से कम होती है तो इकॉनमी में क्या आएगा डिप्रेशन आएगा दिस इज बेसिकली द डोमर मॉडल ठीक है दिस इज बेसिकली डोमर मॉडल बताइए एक बार थम्सअप देके सब कुछ क्लियर हो गया अब हम जस्ट इसका कंपैरिजन करेंगे मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज देखेंगे तो आज की क्लास में सिर्फ हम हैरे डोमर मॉडल ही करेंगे सोलो का यानी कि एक्सीजनस ग्रोथ मॉडल एंड इंडिगनस ग्रोथ मॉडल वो हम कल की क्लास में करेंगे फाइन दे दिया करो थम्सअप में कंजूसी मत दिखाया करो जी तो देखिए हैरिड एंड डोमर दोनों के मॉडल में सिमिलैरिटीज क्या थी दोनों की एजम्पन्स सिमिलर थी मैंने आपको अलग अलग एजम्पन नहीं ना पढ़ाई एक ही एजम्पन्स पढ़ाई दोनों की ठीक है दूसरा दोनों में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का रोल है ठीक है दोनों ही मॉडल्स में हमने हैरिड के मॉडल में सेविंग को एस से रिप्रेजेंट किया था डोमर के मॉडल में सेविंग को हमने रिप्रेजेंट किया था एल्फा से है ना मतलब दोनों के मॉडल में ही सेविंग इन्वेस्टमेंट की कंडीशन जो है वो दी गई है, है ना दोनों ने ये जम्शन ही है दोनों ने कैपिटल आउटपुट लेबर आउटपुट रेशो फिक्स एज्यूम किया है और दोनों में इक्विलिब्रियम नेसेसरी है ठीक है अब डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं ध्यान से पढ़िएगा ये पहले नीचे वाले पढ़ो थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसलिए पहले समझा रही हूँ हैरिड ने इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो का कंसेप्ट यूज़ किया है देखिए कैपिटल आउटपुट का मतलब ये है ठीक है और जो डोमर है उसने अपने मॉडल में आउटपुट ओवर कैपिटल का कंसेप्ट यूज़ किया बड़ा ध्यान से समझने वाला पॉइंट है हैरिड ने अपने मॉडल में ये कंसेप्ट यूज किया दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो और डोमर ने अपने मॉडल में आउटपुट कैपिटल का कंसेप्ट यूज किया और साफ साफ नजर आ रहे हैं दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से ऑपोजिट है ठीक है कैपिटल आउटपुट में क्या है यानी कि कितने कैपिटल पर मुझे कितना आउटपुट अगर मैं कहूं कि कैपिटल मैंने दो यूनिट यूज किया और आउटपुट मुझे मिल रहा है एक यूनिट ठीक है तो मेरी कैपिटल आउटपुट रेशियो हो जाएगी टू और अगर मैं कह रही सेम चीज़ यहाँ पे कर रही हूँ रिप्रेजेंट कैपिटल मैंने दो यूनिट यूज़ किया आउटपुट मुझे मिल रहा है वन यूनिट ठीक है तो मेरी आउटपुट कैपिटल रेशियो यहाँ पे हो गई वन बाई टू यानी कि आप समझ सकते हो ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है है ना तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि जो हैरिड है उसने अपने मॉडल में कैपिटल आउटपुट रेशियो का कंसेप्ट यूज़ किया जो डोमर है उसने अपने मॉडल में आउटपुट ओवर कैपिटल रेशियो का कंसेप्ट यूज़ किया ठीक है और डोमर का मॉडल मल्टीप्लायर के प्रिंसिपल के बेस पे है मल्टीप्लायर क्या है इन्वेस्टमेंट बढ़ने से मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रहा है इनकम में ठीक है एंड जो हैड का मॉडल है उसमें एसेलरेशन का प्रिंसिपल यूज हुआ है यानी के इनकम में चेंज होने से मल्टीपल टाइम्स चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट में फाइन सो दीज आर द डिफ्रेंसिस तो ये बेसिकली मैंने आपको हैरेड डॉम्बर मॉडल का मॉडल करवाया है अब इस मॉडल को आपने पढ़ लिया आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि यू जी सी नेट इक्नॉमिक्स के एग्जाम में अगर आपको हैरेड डोम्बर मॉडल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब बिल्कुल सही दे पाते हैं और ये मेरा तीन साल का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं लास्ट टाइम इस बार जो आपको हैरेडोमर का क्वेश्चन आया था वो भी यहीं से आया था जो मैंने करवाया इससे पहले जो आया था वो भी इसी में से आया था तीन साल से मैंने देखा है मॉडल्स में से वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने आपको प्लस क्लासेज में करवाए हैं और आज वही मॉडल्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवा रही हूँ ठीक है तो कल की क्लास में मिलते हैं इस क्लास को यहीं खत्म करूंगी हाँ मेरे साथ प्लस पे जुड़ना चाहते हैं मेरा पूरा कोर्स चाहते हैं तो अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स के रिलेटेड कैसे आपको बाय करना है कहाँ से बाय करना है सिमर टेन मेरा कोड है अन की किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन पर यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और सभी फ्री क्लासेस के अपडेट्स

ये सेशंस मैं उसी केस में कंटिन्यू करूंगी अगर आज के दिन के अंदर अंदर मुझे इस वीडियो पर हज़ार व्यूज नज़र आ जाएंगे ठीक है अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री व्यूज नज़र नहीं आए तो मैं इसको डिसकॉन्टिन्यू भी कर सकती हूँ बिकॉज मैं आपके लिए बना रही हूँ आपके लिए मेहनत कर रही हूँ अगर आपसे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आई विल इंकरेज टू डू मोर एंड मोर अगर आपसे मुझे पुअर रिस्पॉन्स मिलेगा सो आई विल नॉट इंकरेज टू डू मोर एंड मोर है ना सो so, डायरेक्टली रिलेटेड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद यूर रिस्पॉन्स जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे वैसे ही मैं सेशंस कॉन्टिन्यू करती जाऊंगी थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय है गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हो आप सब जी हाँ इज एवरीथिंग फाइन ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है एक बार फटाफट से लाइक like, शेयर कर दीजिए ताकि सभी ज्वाइन कर पाए नोटिफिकेशन आई थिंक सबको मिल चुका है सो पार्ट टू है आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स का आप सबकी डिमांड पे ये सेशंस जो है मैंने स्टार्ट किए हैं एज यू नाउ पोलिंग करवा कर ये सेशन स्टार्ट किए गए हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स में कल हमने हेरेड एंड डोमर का मॉडल पढ़ा था होपफुली आपको वो समझ में आ गया होगा जो भी यू जी सी नेट टेक्नॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इंपॉर्टेंट था मैंने वो सब करवाया था तो जैसे कि मैंने आपको इस सीरीज़ के स्टार्ट में कहा था कि आप ये ग्रोथ मॉडल्स यहाँ से पढ़ लीजिए यू जी सी नेट टेक्नॉमिक्स के एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ग्रोथ मॉडल से आएगा तो वो सही ही होगा ठीक है जो भी मैंने पढ़ाया है इतना ग्रोथ मॉडल्स का कर लीजिए तो आज हम करेंगे सोलो मॉडल एंड इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल टू द पॉइंट आपके यू जी सी नेट के रिलेटेड वैसे तो सोलो मॉडल बहुत बड़ा है लॉट ऑफ डायग्राम्स लॉट ऑफ नोमेरिकल चीजें बट जैसे मैंने अपने कल की एक प्लस क्लास में बोला था कि आप पाँच छः पेजेस का पूरा मॉडल्स पढ़ लीजिए पढ़ लेते हैं कई बच्चे अलग अलग बुक से पढ़ लेते हैं बट फिर भी अगर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ठीक ना हो पाया तो फिर पढ़ने का वो कोई फ़ायदा नहीं है है ना तो सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज आपको वो चीजें इसमें पता होनी चाहिए जो एन टी ए वाले आपको एग्जाम में पूछते हैं सोलो मॉडल की एजम्पन से क्वेश्चन आते हैं सोलो मॉडल का असल में कंसेप्ट क्या है इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल की एजम्पन्स इंडिग्नस ग्रोथ मॉडल्स की जो तीन अलग अलग इनमी ने थ्यूरीज दी हैं तो हमको वो चीजें पढ़नी है जिससे एनटीए वाले क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तभी आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को पढ़ पाओगे ठीक है ये तो फटाफट से एक बार लाइक like, शेयर कर दीजिए प्लीज सेशन को और अगर आप में से कोई नया लर्नर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो फॉलो कर लीजिएगा उससे आप मेरी सारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं और मेरा पूरा कोर्स लेने के लिए आप अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वहाँ पे आपको ए टू जेड एक से दस सारे यूनिट्स इकोनॉमिक्स के मिलेंगे जे आर एफ इन इकनॉमिक्स पहली टाइम में क्लियर होना आपका बहुत ही आसान बन जाएगा मेरे उस कोर्स से तो उसके लिए आपको अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है सिमर ट मेरा कोड है वो लगाना है और डिस्क्रिप्शन में मेरी यू जी सी नेट इकनॉमिक्स की बुक का लिंक भी दिया गया है वहाँ से अगर आप चाहें इफ यू वांट आप ले सकते हैं चलो सो so, जो सोलो मॉडल है ये अब इसका देखिए नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मैं आपको हर मॉडल से पहले वो वर्क का नाम बताती हूँ जिस वर्क में वो मॉडल दिया गया है क्योंकि एग्जाम में ये मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो सोलो का वर्क जो है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें सोलो ने यह मॉडल दिया है एज यू नो इस मॉडल को एक्सिजिन ग्रोथ मॉडल माना जाता है या इसको न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है वैसे तो जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है वो दो लोगों के द्वारा दिया गया है एक सोलो के द्वारा और एक मीड के द्वारा ठीक है सोलो के द्वारा एंड मीड के द्वारा न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल्स दिए गए हैं ठीक है तो हम यहाँ पे सोलो का मॉडल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं तो इन मॉडल्स में ये जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल्स हैं इसमें इस, इनमें इस, इन क्या है कि इनमें जो टेक्नोलॉजी है ना उसको एक एक्सीजनस फैक्टर माना गया है एक्सीजनस यू कैन से एक एक्सटर्नल फैक्टर माना गया है ठीक है एक एक्सटर्नल बाहर वाला फैक्टर माना गया है एक एक्सीजनस फैक्टर माना गया है ठीक है तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो सोलो का मॉडल है हम अक्सर ही पढ़ते हैं कि सोलो का मॉडल जो है वो हैरे डॉमर के मॉडल पर एक एक्सटेंशन है है ना हैरेड डोमर मॉडल पर एक एक्सटेंशन है तो ऐसा क्यों है देखिए हैरेड डोमर मॉडल उस पर एक्सटेंशन है सोलो मॉडल और सोलो मॉडल पे एक्सटेंशन है इंडिगनस ग्रोथ मॉडल ठीक है तो जो हैरेड डॉमर का मॉडल है इसमें फिक्स्ड टेक्निकल कोफिशेंट लिया गया है बट जो सोलो का मॉडल है इसमें वेरिएबल टेक्निकल कोफिशियंट लिया गया है इस बात को समझने का प्रयास कीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है जो हैरेट डॉमर का मॉडल है उसमें कैपिटल एंड लेबर में सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है जैसे मैंने आपको कल समझाया था बट जो सोलो का मॉडल है उसमें ये सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है याद करो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ और सिर्फ बोर्ड के ज़रिए ही आपको पढ़ाया जाए तो क्या ये पॉसिबल है यानी कि क्या आप कैपिटल को रिप्लेस कर सकते हो मेरी जगह पर या है ना तो नहीं कर सकते हमने कल ये पढ़ा था हैरेट डॉमर के मॉडल में कि सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज नॉट पॉसिबल बट सोलो कहता है कि ये सब्सटिट्यूशन पॉसिबल है हम हमारे पास अगर कैपिटल ज्यादा है तो हम लेबर कम लगा के कैपिटल ज़्यादा यूज कर सकते हैं या फिर अगर हमारे पास लेबर कम है लेबर uh, ज़्यादा है तो हम कैपिटल कम लगा के लेबर ज्यादा लगा के उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ठीक है सो दिस सब्सटीट्यूशन इज पॉसिबल इन सोलो मॉडल यहां से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है तो ये पॉइंट प्लीज याद रखिएगा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं जो हैरेड डोमर का मॉडल है इसमें हम डिवर्जेंस की बात करते हैं जबकि जो सोलो का मॉडल है इसमें हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं अब ये क्या बोल रही हूँ मैं डिवर्जेंस कन्वर्जेंस अब ये क्या है देखिए कल मैंने आपको हैरेड डोमर के मॉडल में डिवर्जेंस का कंसेप्ट समझाया था कि जो हमारा होता है, उसमें डिवर्जेंस पॉसिबल होता है यानी कि एक्चुअल रेट ग्रोथ रेट रेट ये एक दूसरे से डिवर्ज कर सकते ठीक है दिस इज द मीनिंग ऑफ डिवर्जेंस इन हैरेडोमर मॉडल बट जो सोलो का मॉडल है बट जो सोलो का मॉडल है उसमें कन्वर्जेंस होता है अब आप पूछेंगे कन्वर्जेंस क्या है तो मैं आपको इस मॉडल के बिल्कुल आखिरी चरण में इस कन्वर्जेंस का कंसेप्ट समझाऊंगी वैसे मैं आपको एक डायग्राम से थोड़ा सा इस चीज को समझा देती हूँ अगर मैं कहूँ दिस इज माई इक्वलिब्रियम ठीक है तो डिवर्जेंस का कंसेप्ट है इससे दूर जाना डिवर्ज करना इक्वलिब्रियम से कन्वर्जेंस का मतलब होता है इक्वलिब्रियम के पास आना ये देखिए कन्वर्ज करना ठीक है, बेसिकली ये डिफरेंस होता है में 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 हमने ये चीज़ बड़ी डिटेल में समझी हुई है अब हम सोलो मॉडल पढ़ेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हैरे सोलो के में एक सबसे डिफरेंट थिंग ये है कि सोलो के मॉडल में सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है कैपिटल एंड लेबर का हैरेड डोमर में नहीं है बाकी सभी एजम्शन इसकी हेरेड डोमर जैसी ही है इकोनॉमिक्स uh, जी डिवर्जेंस का मतलब